तो ये है आपका MPPSC प्रारंभिक परीक्षा का जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है वही, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपकी मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी देख लिया था और जो भी यहाँ के प्रमुख राजवंश रहे हैं इन पर भी हम लोगों ने बात कर ली थी, और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है इसे हम लोग कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसमें हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश की प्रमुख जो भी बोलियां हैं उन्हें हम लोग देख लेंगे, और प्रदेश की प्रमुख त्यौहार हों, लोक संगीत हों, लोक कलाएं हों या लोक साहित्य हों, इन सभी को हम लोग देखेंगे और मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार देखेंगे और उनकी कृतियां देखेंगे यानी कि उनकी रचनाएं हम लोग देखेंगे, यानी कि इन सभी टॉपिक को हम लोग एक तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, करेंगे, करना है तो मतलब करना है, ठीक है। और याद रखिए इससे जो आपके नए पाठ्यक्रम से संबंधित जितनी भी क्लासें ली जा रही हैं वो आपकी एक नई प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है और MPPSC न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल के नाम से, ठीक है। और आप में से कई लोगों के ये भी सवाल हैं क्या ये MPPSC के लिए है केवल, तो याद रखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मध्य प्रदेश का इतिहास जहाँ भी पूछा जाता हो, फिर चाहे कोई भी आपकी मध्य प्रदेश का व्यापम का हो, SI का हो या फिर बाकी और भी एग्जाम होते हैं, तो उन सभी के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, ठीक है। इन्हीं से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में। तो आप लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला की तीन प्रमुख भागों में बांटा गया सर इसे, किन में, पहला तो है आपका मंदिर और मूर्ति स्थापत्य, दूसरा है आपका स्तूप स्थापत्य और तीसरा है आपका गुफा स्थापत्य, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंदिर और मूर्ति स्थापत्य के बारे में। इनसे आपके याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है आपका, ठीक है, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदिर नागर शैली यानी कि भारतीय आर्य शैली में निर्मित हैं, तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चंस पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के जो मंदिर हैं ये किस शैली में बनाए गए हैं, तो याद रखना है नागर शैली, ठीक है। और जिनकी तीन प्रमुख विशेषताएं हैं, या फिर आप लोगों से प्रीलिम्स में या मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस आ जाए तीन नंबर में कि पूछ लिए आपसे कि मध्य प्रदेश के मंदिरें किस शैली में बनाए गए और इस शैली की क्या विशेषताएं हैं, तो आप लोगों को याद रखना होगा। इसमें मधुमक्खी पेटिका की आकृति वाला गुम्बद बनाया जाता है, और दूसरा आप देखेंगे वर्गाकार ग्रिड सिद्धांत पर आधारित निर्माण जैसे तेली मंदिर ग्वालियर है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे आप लोग बाहरी सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और आप देखेंगे इसमें चौथी विशेषता आप शामिल कर सकते हैं गर्भगृह जिसमें मूर्ति विराजमान होती है, मंदिर के अंदर आप लोग जाते हैं ना जहां मूर्ति रखी रहती है उसे ही आप लोग गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। राजकीय संरक्षण मध्य प्रदेश के अधिकांश मंदिर चंदेल सिंधिया होलकर कलचुरी पितिहारों ने बनाए थे, ये तो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा, हम लोगों ने पिछली क्लास आपकी इतिहास की ली थी उसी में पढ़ा होगा, ठीक है। और आप देखेंगे इसमें बुंदेलखंड स्थापत्य शैली की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड स्थापत्य को चंदेल या फिर खजुराहो शैली भी कहा जाता है, और इस शैली को आप देखेंगे 10वीं और से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों ने विशेष संरक्षण दिया। और बुंदेलखंड स्थापत्य की विशेषताओं की बात करें तो उरु सरंग व अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की विशेषता है, और उरु सरंग शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति होती है। अंतराल की बात करें तो आप देखेंगे गर्भगृह और बरामदे के बीच का लंबा गलियारा, ठीक है। मंदिर निर्माण में पन्ना खदान के स्थानीय गुलाबी व मटमैले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ के मंदिरों में, और खजुराहो के मंदिरों में चार दीवारी या फिर परकोटा नहीं है, ठीक है। बुंदेलखंड स्थापत्य के मंदिर की प्रतिमाओं में आप देखेंगे देवी देवता अप्सरा संभोगरत प्रतिमाएं और पशु आकृतियां भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग खजुराहो जाएंगे तो इन सभी मूर्तियों को वहां आसानी से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण मंदिर उनके स्थापत्य की अगर हम बात करें तो जैसे आपका खजुराहो हो गया, और याद रखिए खजुराहो आपका छतरपुर जिले में पड़ता है MP में, ठीक है। नागर शैली में निर्मित खजुराहो मंदिर वस्तुतः मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जो एक स्थान पर विस्तृत है, और 11वीं सदी में चंदेल वंश, इसमें आप देखेंगे राजा धंग हो गया, गंड हो गया, इसके द्वारा निर्मित इन मंदिरों में हिंदू और जैन धर्म संबंधित मूर्तियां देखने को मिलेगा। या आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे कि जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं ये किस धर्मों से संबंधित हैं,
तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगर इसकी स्थापत्य विशेषताओं की अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा, और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ की दक्षिण भारतीय द्रविड़ियन शैली का भी अनुकरण मंदिर की शीर्षाकृति में और विशेषता गुम्बद की विमानाकृति में देखने को मिलेगा। ठीक है, और भौतिक जीवन में आध्यात्मिक धैर्य का मिश्रण, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहरी आवरण पर मिथुन आकृतियां देखने को मिलेगी। ये आपको बता रहा हूँ कि खजुराहो के मंदिर में विशेष तौर पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उदाहरण में आप देख सकते हैं जबकि अंदर भगवान की आध्यात्मिक संदेश देती सोम प्रतिमा देखने को मिलेगा। इसमें आपको विशाल प्रांगण भी देखने को मिलेगा, चार दीवारी या फिर परकोटा का अभाव यहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ, खजुराहो के मंदिरों में। फिर आप देखेंगे चतुर्भुज मंदिर, ये ओरछा निवाड़ी जिले में, आप जानते हैं कि ओरछा निवाड़ी जिले में आने लगा है, पहले ये टीकमगढ़ जिले में आता था और जब से आपका नया निवाड़ी जिला बना है। तो इसमें आप देखेंगे इस विशाल पाषाण मंदिर में भगवान विष्णु के को राम के रूप में इस दिखाया गया है, और ऐसा भी माना जाता है कि रात में भगवान यहाँ रहते हैं और दिन में वहाँ रहते हैं अयोध्या में। इस तरह की कोई भी, अब देखिए क्या कह सकते हैं, कहीं भी रहते हैं भगवान। स्थापत्य विशेषताओं की अगर आप बात करें तो विशालता यहाँ के मंदिरों में देखने को मिलेगा। राम की मूल विष्णु के चतुर्भुज चार भुजाओं के साथ के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और आप लोगों ने मंदिर यहाँ का देखा भी होगा अधिकतर लोगों ने, अगर आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में ओरछा के आसपास रहते हैं तो, और नहीं रहते हैं तो आप लोग कभी जाके देख सकते हैं। मंदिर में नागर शैली की सभी विशेषताएं जैसे गर्भगृह हो गया, गुम्बद हो गया, प्रांगण हो गया, परिक्रमा पथ हो गया, ये सभी यहाँ देखने को मिलेंगे। और मंदिर का अंदरूनी भाग सादगीपूर्ण और सपाट देखने को मिलेगा, जबकि बाहरी दीवार तथा गुम्बद को धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया है। ये ओरछा के चतुर्भुज मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे इसमें आगे चलेंगे हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे पशुपति मंदिर मंदसौर का। ठीक है, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो याद रखिए मंदसौर में। सिवाना नदी तट पर स्थित अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर जिसमें पशुपति शिव स्वरूप का विशाल प्रतिमा है, और इसकी विशेषताओं की बात करें तो मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, और मूर्ति अष्टमुखी है जो पशुपतिनाथ के आठ मुखों को सभी दिशाओं में प्रदर्शित करती है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि तीन नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, आपका लिखित परीक्षा में। फिर आप देखेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये आप देखते हैं कि कहाँ का है, उज्जैन में आप देखते हैं ना महाकालेश्वर मंदिर, तो दक्षिण मुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो पवित्र नदी छोत्रा के तट पर अवस्थित है, और द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर वस्तुतः कालों के काल महाकाल नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें विशेषताओं की आप बात करें तो पाषाण निर्मित विशाल मंदिर प्रांगण है, और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो नागर एवं द्रविड़ियंस दोनों शैलियों में देखने को मिलेगी। देखिए विशेष तौर पर नागर अधिकतर मंदिर यहाँ की नागर शैली में देखने को मिलेंगे, लेकिन कई मंदिर आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो नागर और द्रविड़ियन दोनों शैलियों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मंदिर का विशाल गुम्बद आप लोग देखते होंगे, महाकाल शिव का ज्योतिर्लिंग भी विशेष रूप से आकर्षक है यहाँ के मंदिर में। ठीक है, आगे आप देखेंगे विष्णु मंदिर, ये कहाँ है, देवगढ़ झांसी के निकट। ठीक है, झांसी के निकट स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत में अपनी श्रेणी का विलक्षण मंदिर है, और इसकी विशेषताओं की बात करें तो गुप्तकालीन नागर शैली का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है, और मिट्टी शिल्प का प्रयोग किया गया है इसमें। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है इस मंदिर में। ठीक है, और अगर ग्वालियर के मंदिरों की हम लोग बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ग्वालियर के प्राचीन मंदिरों में तेली का मंदिर हो गया, तेलय द्वारा निर्मित करवाया गया, सासबहु का मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर इसे भी कहा जाता है, चतुर्भुज मंदिर, सूर मंदिर लश्कर में आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगी, आदि सब अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहाँ बड़ी बंदी छोड़ गुरुद्वारा का स्थापत्य भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की अगर इन मंदिरों की विशेषताओं की अगर हम बात करें ग्वालियर के मंदिर स्थापत्य की, तो इसमें ग्रेनाइट हो गया, मार्बल का प्रयोग किया गया, और सूर मंदिर में सफ़ेद मार्बल का सुंदर प्रयोग किया गया। मूर्तियों की विशालता, विशेषकर सूर भगवान की मूर्ति अत्यंत विशाल है यहाँ की, और नागर शैली के अनुरूप गर्भगृह हो गया, प्रांगण हो गया, परिक्रमा पथ हो गया, गुम्बद, ये सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है कि विशेषताएँ कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है आपका। अब बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं, स्तूप स्थापत के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप सांची का स्तूप काफी चर्चित रहता है। मध्य प्रदेश के स्तूपों में सांची हो गया, भरहूत हो गया, स्वास्तिक स्तूप हो गया, के ही साक्ष्य मिले हैं, जिनमें सांची विश्व का भी सबसे प्राचीन स्तूप है, जिसे अशोक ने बनवाया था। ऐसे याद रखिए, कई बार आपका वनडे एग्जाम में भी कई बार, जैसे व्यापम है इसमें कई बार पूछ लेता है कि सांची का जो स्तूप है इसे किसने बनवाया था, तो अशोक ने। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सांची स्तूप के बारे में। बौद्धिष्ट वास्तुकला का रत्न कहलाने वाला सांची स्तूप जिला रायसेन में पड़ता है और इसका निर्माण अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। ठीक है, जनरल टेरलर ने इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। और महादेवी यानी कि अशोक की पत्नी की देखरेख में निर्मित सांची स्तूप की विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कमल के उल्टे फूल की आकृति, आपको अर्धगोलार्ध आकृति देखने को मिलेगी, और पत्थर और चूने की चुनाई से निर्मित किया गया है। पाषाण निर्मित सबसे पुरानी मानव निर्मित पाषाण संरचना देखने को मिलेगी। चारों दिशाओं में चार आकर्षक प्रवेश कारक भी देखने को मिलेंगे और परिक्रमा पथ जो समकालीन है ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके सांची के स्तूप की विशेषताएं। अगर इसमें हम लोग भरहूत स्तूप की बात करें, तो ये आपको सतना जिले में देखने को मिलेगा। भरहूत ग्राम से अशोक द्वारा निर्मित स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है और जिसका निर्माण अशोक के काल में एवं विकास सुंग काल में हुआ था, यानी कि इसका निर्माण करवाया गया अशोक के समय में, लेकिन कुछ और सुधार इसमें जोड़े गए सुंग काल में। ठीक है, इसके अधिकांश हिस्सों को जो खंडर हो चुके हैं कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, यानी कि आप समझिए बहुत पुराना है। ठीक है, अगर इसकी विशेषताओं की हम बात करें भरहूत की, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा भरहूत अति एक विकसित कला है और स्तूप कमल के उल्टे फूल यानी कि अर्ध गोलार्ध आकृति के अनुरूप ही निर्मित है। स्तूप का केंद्रीय भाग लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है और शेष भाग आपको देखने को मिलेगा साधारण ईंटों का बना हुआ है। स्तूप के चारों ओर आप देखेंगे चार तोरण द्वार भी बने हुए हैं। स्तूप के निकट ही स्तंभ अभिलेख से सूचित होता है कि वशिष्ठ पुत्र धनभूर्ति ने सोंग काल में इसका प्रदक्षिण पथ बनवाया था। भरहूत स्तंभ के अवशेषों पर खरुष्टी लिपि अंकित मिलती है और स्तूप में रेलिंग की डिजाइन मुख्य आकर्षण का बिंदु भी है। पत्थरों पर जटिल डिजाइन बनाई गई है इसमें। ठीक है, स्तूप के चारों ओर आप देखेंगे कि वेदिका निर्मित है और जिसके चारों ओर 11 तोरण द्वार भी आपको देखने को मिलेगी। भरहूत स्तूप तथा वेदिका के बीच प्रदक्षिणा पथ आपको देखने को मिलेगा और वेदिका में कुल आपको 80 स्तंभ देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्वास्तिक स्तूप के बारे में बात करते हैं। तो इससे ये आपको सिंगरौली जिले में देखने को मिलेगा और छठवीं ईस्वी के लगभग 11 स्तूपों की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग के 20वीं सदी में की गई थी। ठीक है, और यानी कि कह सकते हैं कि 6वीं सदी के लगभग ऐसे बनवाया गया। बौद्ध दंड या बुद्धा डंडा स्थान पर केंद्रित ये स्तूप स्वास्तिक पैटर्न में निर्मित है। 6 से लेकर 10 पाषाण जो स्वास्तिक पैटर्न में प्राकृतिक टीलों पर रखा गया है। निर्माता ने अद्भुत आकृतियों की संरचना को प्रदर्शित किया है इस स्तूप में। ठीक है, अब चलते हम लोग गुफा स्थापत्य के बारे में बात करते हैं। मंदिर स्थापत्य के बारे में भी देख चुके हैं और स्तूप के बारे में, अब है आपका गुफा स्थापत्य। मध्य प्रदेश में स्थित गुफाएं प्राकृतिक चट्टानों को काटकर निर्मित वास्तुकला के विशिष्ट नमूने हैं। एक तरह से आप कहिए कि देखिए पहाड़ खड़े हुए हैं, उन्हें पत्थरों को काटकर आप देखते हैं कि गुफाएं बनवाई जाती हैं। और आपके क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा कई गुफाएं आप लोगों को भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आप देखिए कि उदयगिरी गुफाएं, विदिशा जिले के सोनपुरा गांव में स्थित उदयगिरी गुफाएं विभिन्न पाषाणीय गुफाओं का समूह है। तो ये आपको याद रखना होगा विदिशा जिले में है। अगर इसकी विशेषताओं की हम उदयगिरी गुफाओं की विशेषताओं की अगर बात करें, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि चट्टानों को काटकर विशाल गुफाओं का निर्माण किया गया है और गुप्तकालीन शास्त्रीय कला का अनुरूप उदाहरण भी ये हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर में उदयगिरी की को कुमारी पर्वत कहा जाता है और 20 गुफाओं में से अधिकांश को काटकर मंदिर स्वरूप दिया गया है। चट्टानों को काटकर ही मंदिर का स्तंभ बनाया गया। इसमें मूर्तियों में से कुछ चट्टानों से ही निर्मित हैं और कुछ बलुआ पत्थर से पृथक से निर्मित की गई है यहाँ की मूर्ति। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो वास्तुकला की सादगी और गुप्तकालीन आध्यात्मिकता को संपूर्ण कला अभिव्यक्त करती है और संपूर्ण कला धर्म और अध्यात्म प्रेरित करती है इनमें। ठीक है, बिना जोड़ के विशाल मूर्तियों को निर्मित करना कला के बेजोड़ सिद्धांत का परिचारक भी देती है
और बिना वादी गुफा, गुफा नंबर 4 में विशाल शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ गुफा नंबर 5 में आप देखेंगे वराह अवतार को दिखाया गया है, और गुफा नंबर 13 में शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित का चरण आपको देखने को मिलेगा। कभी टाइम मिला करिए तो चला जाया करिए यहाँ, ठीक है। इससे इतिहास भी आपका कवर होता है, एक स्थापित कला भी कवर होती है, समझ रहे। और गुफा नंबर आप 19 को देखेंगे तो वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है, जिसमें गंगा और यमुना को लघु आकृतियां और आरोपित पैटर्न के साथ जीवंत किया गया है, और अमृत मंथन का दृश्य भी अद्भुत यहां देखने को मिलेगा। फिर आप देखते हैं भीम बैठका के बारे में काफ़ी सुनते रहते हैं, और तो ये आपको देखने को मिलेगा। प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य भी यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज भी कहते हैं इसे, ठीक है। रायसेन के विंध्य या फिर विंध्य पर्वतों में स्थित भीमबेटका की शिलालेख देखने को मिलेगी। इस गौरवशाली धरोहर की खोज 1957 में पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। तो इस नाम को भी आप लोग याद रखिए, कई बार पूछ लेगा आपसे कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकन करने, ठीक है। इसकी अगर भीमबेटका की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछे तो विशालकाय चट्टानों को एक दूसरे पर रखना और संतुलन बनाए रखना चट्टान निर्मित वास्तुकला का आश्चर्य है, और 500 के लगभग यहाँ गुफाओं के साथ सबसे बड़ा गुफा समूह देखने को मिलेगा। 500 गुफाएं देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। इन पर अनेक चित्र अंकित हैं जो उनके लौकिक जीवन की कहानी कहते हैं या फिर कहानी को दर्शाते हैं। इनका संबंध आप देखेंगे पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है, जो आपकी भीमबेटका गुफा है, और गुफाओं में प्राप्त चित्रों के आधार पर गुफाओं का नामकरण किया जाता है, जैसे आप देखेंगे नग्न भट्टारिका, ठीक है। और भीमबेटका की कुछ प्रसिद्ध गुफाओं की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सी है, एक सेकेंड थोड़ा आप देख रहे होंगे क्या है, कम दिखाई दे रहा है आपको, छूटना नहीं चाहिए कुछ। इसमें आपका पहली देखने को मिलेगा आपको मैदालेनिए गुफा। इसके चित्र आप देखेंगे, इसके चित्र यूरोप के 12,000 से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व के शैल चित्रों से संबंध रखते हैं या साम्य रखते हैं, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ की 12 ग्री शैल गुफा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसका नामकरण विशालकाय वराह के आधार पर किया गया है, और फिर आप देखेंगे यहाँ आपको देखने को मिलेगा बड़ा रंगमहल। इसमें आप देखेंगे पेड़ पर चढ़ता मानव देखने को मिलेगा इसमें, और जिसके पीठ पर टोकना है जो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि शहद निकाल रहा होगा, ठीक है। एक तरह से आप लोग इसी को इसी तरह समझ सकते हैं। और यहीं आपको छोटा रंगमहल भी देखने को मिलेगा। छोटा रंगमहल में आप देखेंगे यह युद्ध क्षेत्र का चित्रात्मक स्वरूप है, और जिसमें आप देखेंगे घुड़सवार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहीं आपको देखने को मिलेगा मुर्दा टोंग, भीमबेटका का ताम्रपाषाण स्थान, जहाँ से सागर विश्वविद्यालय की टीम को ताम्रकालीन मानव का अस्थि पंजर भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर आप देखेंगे बाघ की गुफाओं की अगर बात करें हम लोग इसमें, तो इंदौर झाबुआ मार्ग से अंदर बागिस्तान, यानी कि यहाँ बाघ नदी भी बहती है। इसके तट पर आप देखेंगे विंध्यांचल पहाड़ी में बाघ की प्रसिद्ध गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो आप लोग याद रखिए। और बौद्ध धर्म से संबंधित इन गुफाओं के भीतरी चित्र अजंता के समकक्ष माने जाते हैं, ठीक है, यानी कि बुद्ध से संबंधित। और यहाँ भी 9 में से 5 गुफाएं ही सुरक्षित रह गई हैं, बाकी आप कह सकते हैं कि नष्ट हो चुकी हैं, ठीक है। खोजकर्ता की बात करें तो डोंगर फील्ड इन्होंने 1818 में की थी, और गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, और गुफाओं के भीतरी चित्रों को की 1920 में चित्रकार मुकुल डे तथा 1921 में हालदर नंदलाल, LN भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने प्रतिलिपि तैयार की थी इनकी। और अगर इसकी गुफाओं की अगर हम विशेषताओं की बात करें इसमें,
तो आप देखेंगे चट्टाने काटकर नौ गुफाएं विंध्याचल श्रेणी में निर्मित की गई हैं, जो गुप्तकालीन शास्त्रीय कला के अनुपम उदाहरण देखने को मिलेंगे। परस्पर समांतर खड़ी बलुआ पत्थर की चट्टाने कलाकार की सिद्धांत हस्ता प्रदर्शित करती है, और अधिकांश गुफाएं बौद्ध तत्वों के विहार थे जो चतुर्भुजीय योजना पर निर्मित थे। सात वाहनों के द्वारा चैत्य आदि निर्मित किए गए यहाँ, और बाघ गुफाएं रंगीन भित्ति चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और इन पर भी की गई चित्रकारी आप देखेंगे, इन पर की गई चित्रकारी फैस्को मुगल पेंटिंग कहलाती है। ठीक है, फैस्को मुगल पेंटिंग कहलाती है। इनके काल की बात करें तो गुप्तकालीन यानी कि आपको देखने को मिलेगा 5वीं-20वीं शताब्दी के आसपास की बनी हुई मानी जाती हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसमें आगे है आपकी भरतहरी गुफा। उज्जैन में आप देखेंगे कालिया देह महल के निकट स्थित भरतहरी गुफाएं, संख्या नौ है इनकी कुल, जिसमें से आप देखेंगे 5 ही सही अवस्था में मौजूद हैं, बाकी एक तरह से नष्ट हो चुके हैं। इनका निर्माण आप देखेंगे राजा भरतहरी के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया था। और अगर इसकी भरतहरी गुफाओं की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषता रंगीन चित्र है। ठीक है, और गढ़ कालिका देवी के मंदिर के निकट की छिप्रा के ऊपर तट पर यह गुफा अत्यधिक लंबी है। और याद रखिए छिप्रा नदी वही है जो उज्जैन इसके तट पर बसा हुआ है किनारे। ठीक है, यहाँ नाथ संप्रदाय के साधुओं का स्थान हो, और इस गुफा की रचना बौद्धकालीन शिल्प के अनुसार हुई है। दक्षिण की गुफा के अंदर नागर शैली में निर्मित गोपीचंद की मूर्ति भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें भाषा और बोलियाँ संबंधित तथ्य देख लेते हैं एक तरह से। ठीक है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8(1) के तहत 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए थे, और तदनुरूप भाषा आधारित श्रेणियाँ भी बनाई गई थी। मध्य प्रदेश को का श्रेणी में रखा गया, और का श्रेणी राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अधिकतर क्षेत्र में आपको हिंदी, काफ़ी लोग आप हिंदी मीडियम से ही तैयारी करते हैं ना। का श्रेणी में 9 राज्य और 2 संघ क्षेत्र शामिल हैं, तो आप लोग याद रखिए। मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1957 क्रमांक 5 सन 1958 की धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश शासन के शासकीय कार्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा, मध्य प्रदेश के शासन शासकीय कार्यों की राजकीय भाषा कौन सी है, तो आप लोगों को हिंदी बतानी होगी। मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1957 क्रमांक 5 सन 1958 की धारा 4 के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा के समस्त कार्यों विधेयक आदि की भाषा भी हिंदी होगी। क्योंकि आप समझिए कि यहाँ के लोग अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी में ही एक तरह से काम होगा ना। आप ऐसा तो है नहीं कि आप समझिए कि भोजपुरी ले आइए आप लोग, या फिर आप लोग तमिल ले आइए, या कोई और भाषा ले आइए। ठीक है, तो जो जहाँ जिस तरह की भाषा चलती है उसी का उपयोग करेंगे ना। मध्य प्रदेश शासन ने सन 2016 में निर्णय लिया कि प्रत्येक स्तर पर सभी शासकीय पत्राचार हिंदी में होंगे। ठीक है, और 14 सितंबर को आप देखते हैं कि हिंदी दिवस भी मनाने का निर्णय 1953 में हुआ था, और इसकी सिफारिश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा ने की थी, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय सर्वानुमति से लिया था। ठीक है, सन 1970 में आप देखेंगे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा मरूच गुजरात में दी गई थी। लेकिन आप लोग याद रखिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, याद रखिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग काम करता है, और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वर्ष 1960 में आयोग की स्थापना की गई थी, और 1963 में आप देखेंगे राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद देखेंगे आप लोग कि 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। मध्य प्रदेश की बोलियों की अगर हम बात की जाए तो इसमें आप लोग याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थानीय बोलियाँ प्रचलित हैं, जैसे मालवा में आप देखेंगे मालवी हो गई, बुंदेलखंड में आप देखेंगे बुंदेली बोली जाती है। इन सब में कतिपय समानताएं भी हैं, जैसे क्योंकि सभी हिंदी की उपबोलियां हैं, और जनजातीय बोलियों को छोड़कर, क्योंकि जनजातियों में आप देखते हैं कि उनकी अपनी बोलियां होती हैं, और कई क्षेत्रों में तो इस तरह की बोलियां बोलते हैं कि इन्हें आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुंदेली। अगर आप बुंदेलखंड से हैं तो आप लोग जानते होंगे बुंदेली आर्य भाषा परिवार की इस बोली का अपेक्षाकृत अधिक दायरा इस राज्य में है, और इसका नामकरण जॉर्ज
ग्रेसन ने किया था, और यह सौर सैनी की अपभ्रंश है, ठीक है। बुंदेलखंड के साथ दक्षिण मध्य प्रदेश के जिलों और जहाँ तक ही कि मध्य प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र के जिलों में भी इसका प्रभाव है। उत्तर प्रदेश के कई राज्य जिलों में भी यहाँ आपको बुंदेली बोलते हुए दिखाई देगी। शुद्ध बुंदेली की बात करें तो टीकमगढ़ हो गया, सागर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, या फिर निवाड़ी हो गया नया जिला, ठीक है। और इसकी उपबोलियों की बात करें तो जैसे पवारी ग्वालियर में, दतिया में, लोधांती हमीरपुर में, और खटोला पन्ना छतरपुर दमोह में बोली जाती है। ये क्या है, बुंदेली की उपबोलियां हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां तो इसमें मालवी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, बघेलखंडी, गोंडी, कोरकू, निवाड़ी, भीली, ठीक है, याद रखिए। बुंदेली के कुछ मिश्रित रूप भी हैं, जैसे आप देखेंगे बनाफरी, कुंडरी, निभट्टा, भदावरी, कोष्टी। और बुंदेली साहित्य की दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध है। जगनेक हो गया, केशव हो गया, पद्माकर हो गया, लाल गंगाधर व्यास बुंदेली के एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहे हैं। महेश कटारे ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन भी किया, ठीक है। फिर आती है आपकी बघेली। आप अगर बघेलखंड में रहते हैं तो आप लोग बोलते होंगे, और आप चाहें तो कुछ शब्द बोल के भी बता सकते हैं नीचे, ठीक है। यह अर्ध मगधी भाषा का अपभ्रंश है, और इसकी पृथक भाषा अवधि मानी जाती है, और गेरसन ने इसे पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा है। इसे बघेलखंडी, रिमही और रिवई की भी कहा जाता है। एक तरह से आप इनके अलग नाम कह सकते हैं, उपनाम। बघेलखंड आप देखेंगे रीवा हो गया, शहडोल हो गया, सीधी, सतना जिलों में विशुद्ध बघेली बोली जाती है। मंडला की जनजातियों में इसका मिश्रित रूप चलित है, और बघेली की कुछ बोलियां भी हैं। फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर में यमुना नदी के आसपास बोली जाने वाली तिरहरी, बांदा जिले की कैन और नगैन नदियों के मध्य क्षेत्र की बोली गहोरा, और रीवा और मंडला की गोंड बोली को बघेली की उपबोली भी माना जाता है। फुआरी, ओछी अन्य इसकी उपबोलियां हैं, ठीक है। सीधी के श्री निवास शुल्क ने बघेल शब्द कोश तैयार किया था, ये भी आप लोग याद रखिए। और परम धर्म विजय विश्वनाथ प्रकाश, ये बघेली की रचनाएँ, इनकी रचनाएँ हैं, ठीक है, जिन्हें रीवा महाराज विश्वनाथ ने लिखा था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। इसमें बुंदेली में अगर पूछे तो महेश कटारे ने बुंदेली शब्दकोश तैयार किया, और यहाँ श्री निवास शुल्क ने, ठीक है, शुक्ल। पर आप देखिए कि मालवी की अगर बात करें हम लोग, तो राजस्थान की हड़ौती बोली से प्रभावित मालवी है, मालवीय मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर भी महाराष्ट्र की सौर सैनी का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। विशुद्ध मालवीय इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे भोपाल, होशंगाबाद, गुना, नीमच, मंदसौर आदि में इसकी मामूली परिवर्तित स्वरूप देखने को मिलेगा। मालवीय ध्वनि और रूप की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के निकट है, और जबकि आत्मा में मारवाड़ी के, ठीक है। और शब्दकोश की बात करें तो संकलनकर्ता भी श्री प्रहलाद चंद जोशी रहे हैं, और धीरेन्द्र वर्मा मालवी को दक्षिणी राजधानी राजस्थानी भी कहते हैं, ठीक है, जबकि डॉक्टर के एल हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा है। मालवी की उपबोलियों की बात करें तो इसमें सौंदवाड़ी हो गया, उमठवाड़ी हो गया, रागड़ी हो गया। कुल विद्वान निवाड़ी को भी मालवी का की एक उपबोली मानते हैं। फिर आप देखेंगे निवाड़ी, निमाड़ी, तो इसमें आप देख क्या देखेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, बड़वानी हो गया, इन जिलों में निवाड़ी बोली प्रचलित है, और यह भी सौर सैनी अभ्यरण से विकसित हुई है। इस पर मालवीय, मारवाड़ी और गुजराती और मराठी भाषाओं का यथेष्ट प्रभाव देखने को मिलेगा। निवाड़ी में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है, और जॉर्ज ग्रेसन ने निवाड़ी को दक्षिणी हिंदी भी कहा है। और आप देखेंगे 29 सितंबर को निवाड़ी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और निवानी के प्रसिद्ध साहित्यकारों की बात करें तो गौरी शंकर शर्मा, राम नारायण उपाध्याय, प्रभाकर चौबे, अम्मार बोल लेखक के महादेव प्रसाद चतुर्वेदी निवाड़ी भाषा में पहला महाकाव्य लिखा था, और यह महाभारत का निवाड़ी अनुवाद है, ठीक है। प्रभाकर चौबे प्रसिद्ध निवाड़ी गायक हैं, और गम्मत स्वांग के काफ़ी गायक हैं, ठीक है। अपने ठुमका निवाड़ी भाषा में पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, ठीक है। और डॉक्टर श्री राम परिहार ने निवाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इन पॉइंटों को भी आप लोग याद रखिए। आगे है आपकी ब्रजभाषा।
ब्रजभाषा, मूलतः उत्तर प्रदेश की ब्रज क्षेत्र मथुरा की स्थानीय बोली है, और क्षेत्र या इसका मध्य भारत विशेषकर पश्चिमी ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड में बोली जाती है। अगर आप वहाँ रहते होंगे तो आपको मालूम भी होगी। और आप देखेंगे इसकी विशेषताओं की बात करें तो ब्रजभाषा सौर सैनी का अभ्रंश है, और इसे सौर सैनी या पिंगल, अंतर्वेदी और ग्वालियरी और कन्नौजी भी कहते हैं। ब्रजभाषा काव्य की भाषा है, और माना जाता है कि काव्य की रचना जब भाषा से बोली में प्रारंभ हुई तो ब्रज बोली से हुई थी। संपूर्ण किस भक्ति ब्रजभाषा में आपको देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली ब्रज ही है, ठीक है। और मध्यकाल में सर्वाधिक साहित्य ब्रजभाषा में रचा गया, विशेषकर भक्ति साहित्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सूरदास हो गए, इनके नाम तो आप लोग सुनते हैं ना, मीराबाई, समझ रहे हैं, मीराबाई, अमीर खुसरो, ब्रजभाषा की शिरोमणि रचनाकार रहे हैं ये सभी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य भाषा ब्रज ही है, ठीक है, ब्रज ही है। तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा एक किंतु विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रची गई है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपको याद रखना होगा तुलसीदास कह गए, ठीक है। अब पता नहीं क्या कह गए। फिर आपकी भदावरी, मूलतः कहावतों में व्यक्त होने वाली बोली है। माना जाता है कि देवगढ़ जिसे इस भद्रस्रव भाषा का उपयोग करते थे उसी का ये अपभ्रंश भदावरी है, ठीक है। इसके अगर क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की समीपवर्ती क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश में मध्य भारत विशेषकर भिंड, ग्वालियर, मुरैना में ये भाषा बोली जाती है, ठीक है। और याद रखिए, उल्लेखनीय है कि भिंड जिले के अटेर, भिंड महगांव का क्षेत्र भदावर धार नाम से जाना जाता है, यहाँ की बोली भदावरी ही कहलाती है, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करें तो सशक्त बोली है, कहावतों का विशाल भंडार है, बोलने वाले लगभग 60 लाख में से अकेले भिंड में 6 लाख लोग देखने को मिलेंगे। इसके उपनाम की अगर बात करें तो गांव वारी वारी और बुलंद देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की अन्य बोलियाँ भी आप लोग देख सकते हैं, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। जांदो माटी मुरैना श्योपुर का क्षेत्र विशेषकर जांदो माटी कहलाता है, इस क्षेत्र की बोली जांदो माटी कहलाती है, ठीक है। क्षेत्र में बात करें तो सर्वाधिक रूप से मुरैना के सवलखंड इलाके में पिछले थे ये भाषा, और सवलखंड में स्थित 24 गांव को चौबीसा भी कहते हैं, अतः यहाँ जांदो माटी चौबीसा बोली भी कहलाती है। फिर आप देखेंगे पंचमहली, तो ग्वालियर जिले में सर्वाधिक प्रयुक्त बोली पंचमहली है, और क्षेत्र इसका डबरा भितरवार, देखिए आप लोग मित्रवार लिख दिया, भितरवार है। तो इसमें याद रखिए, इस बुक्स में बड़े एक तरह से कई जगह आपको इस तरह की गलतियां देखने को मिलेंगी, तो आप लोग सुधार के, आप लोग इतने तो समझदार हो चुके हैं मुझे लगता है, ठीक है। और पांच पारंपरिक महलों, डबरा, देखो महालों हो गया, डबरा, भितरवार, पिछोर, चौनोट, टेकनपुर की बोली पंचमहली कहलाती है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें हम लोग, वो तो क्या है कि आप लोग कहते थे कि नई कोई बुक्स ले आइए, तो ये किसकी बुक्स है, महेश्वरी, कौन से महेश्वरी हैं, मुकेश महेश्वरी हैं, इनके द्वारा निकाली गई थी, यही मंगवाई थी। और इसका मंगवाने का उद्देश्य इतना ही था कि आप लोगों के पास अगर नहीं आपको मिलती है तो आप लोग के पास पहुंच जाए कम से कम, ठीक है। और बता दिया करिएगा कोई स्पेशल बुक्स रहती है तो उसे भी मंगवा के आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। जो भी बुक्स रहती हैं ले आता हूँ आप लोगों को, इतना ही उद्देश्य है उसका, ठीक है, ज़्यादा आप लोग सोचिए भी मत। विशेषताओं की बात करें तो पंचमहली ग्वालियर की मुख्य लोकप्रिय भाषा है, इस पर जटवारी का पंचमहली पर इतना प्रभाव है कि दोनों में सूक्ष्म अंतर्मात रह गया है। पंचमहली में बुंदेली की शाब्दिक ध्वनिक विशेषताएँ भी पाई जाती हैं। एक आपकी जटवारी भी यहाँ की भाषा है, तो मध्यकालीन जाटों, भरतपुर के राज्य काल में जटवारी बोली का प्रचलन मध्य भारत में हुआ। क्षेत्र की बात करें तो जटवारा क्षेत्र जो गुहद भिंड से मुरार ग्वालियर तक विस्तृत है। और इसकी विशेषता की आप बात करें हम लोग, तो आपको मिलेगी जटवारी का पंचमहली पर तथा पंचमहली का जटवारी पर इतना प्रभाव है कि दोनों में सूक्ष्म अंतर मात्र रह गया। जटवारी लोक भाषा पर क्षेत्र की सीमा के उत्तर में भदावरी लोक भाषा, दक्षिण में आप देखेंगे पंचमहली, और पूर्व में आप देखेंगे कछवाह धारी, रजपूती और बुंदेली, तथा पश्चिम में
तोरधारी लोक भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर आप देखें कि सिकरवारी क्षेत्र मध्य भारत का सर्वाधिक प्रभुत्ववादी क्षेत्र माना जाता है और यह क्षत्रियों की भूमि कहलाता है। यहाँ की भाषा आपको देखने को मिलेगा सिकरवारी कहलाती है। क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे मुरैना, विशेषकर मुरैना जोरा कैलाश पहाड़गढ़ देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे कछवाय धारी तो ये ग्वालियर क्षेत्र का भी कछवा आप देखते हैं कच्छाप छाट कहलाता था, क्योंकि यहाँ कछवाय शासकों का शासन रहा है, उन्हीं के नाम पर पड़ गया है एक तरह से। क्षेत्र की बात करें तो कछवाय घारी लोक भाषा भिंड के खंड रौन के संपूर्ण भाग में और खंड लहार के उत्तरी भाग, खंड भिंड के सुदूर पूर्वी भाग और खंड मेहगांव के भरौली गांव के आसपास प्रचलित है। इस लोक भाषा का दायरा करीब 430 गांव तक फैला हुआ है। वो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कोस कोस पर पानी बदले और पग पग पर पानी बदले कोस पर भाषा, तो यही भारत की कहानी है। आप देखेंगे विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। यहाँ तोरधारी, इसमें आप देखेंगे मुरैना क्षेत्र के एक भाग में तोमर क्षत्रियों का बहुल है। लगभग 7 से 8 लाख तोमरों की बोली तोरधारी कहलाती है। क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश की सीमांत जनपद मुरैना की तहसील मुरैना, अंबार और फोरसा तहसीलों का संपूर्ण क्षेत्र तथा जनपद भिंड की गोहद तहसील का पश्चिमी किनारा तोरघार के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तोरघारी लोक भाषा के उत्तर में भदावरी लोक भाषा, दक्षिण में आप देखेंगे सिकरवारी, पूर्व में आप देखेंगे जटवारी और पश्चिम में बिजभाषा का प्रभाव है। इस पर सर्वाधिक प्रभाव बिजभाषा का तथा पोरसा तहसील में भदावरी लोक भाषा का देखने को मिलेगा। फिर आपकी लोधघारी, तो इसमें आप देखेंगे कि भिंड के क्षेत्र की लोधी क्षत्रियों की बोली लोधधारी कहलाती है। इस क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर खंड का दक्षिणी भाग, कुछ गांव और मेह गांव खंड का उत्तरी पश्चिमी भाग लोधधार के नाम से जाना जाता है और इसी नाम पर इसका लोधधारी हो गया, ठीक है। विशेषताओं की बात करें तो लोधाधारी आप देखेंगे लोक भाषा पर भदावरी लोक भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए इसके कई शब्द एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे रजपूती, देख रहे हैं रजपूती मध्य भारत का क्षेत्रीय विशेषकर राजपूत घराना रहा है और राजपूत घर कहलाता है। यहाँ के राजपूतों की बोली रजपूती कहलाती है। क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंतर्गत सिंध नदी के कछार में स्थित मेहगांव खंड के अमायन बेत के कई गांव, रौन खंड के दक्षिण का भाग, लहार खंड के पश्चिम किनारे के कुछ गांव और दतिया जिले के सेवड़ा खंड के कुछ गांव राजपूत घार में आते हैं। और इसकी विशेषता है कि रजपूती लोक भाषा पर बुंदेली लोधांती और कछवाधारी लोक भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यह रजपूती की सीमांत सीमाएं हैं। फिर आप देखें तो पवारी, इसकी उत्पत्ति आप देखेंगे गुजराती और मराठी की सम्मिश्रण से मानी जाती है। छिंदवाड़ा में पवार जाति की बोली पवारी है, ठीक है। क्षेत्र की बात करें तो छिंदवाड़ा जिले में पांडुवल्डा और सोनसर तहसील और बालाघाट जिले के पूरे क्षेत्र के अलावा सिवनी जिले का कुरई उगली और इसमें आप देखेंगे उगली और बरघाटे, ठीक है। इसकी विशेषताओं की बात करें ध्वनिक रूप से गुजराती के निकट है और विदर्भ क्षेत्र तक ये व्यापक आपको देखने को मिलेगी। कौरवी, एक है आपकी कौरवी, हिंदी की पूर्व बोली कौरवी मानी जाती है और इसका क्षेत्र बात करें तो भिंड जिले के अंतर्गत आने वाले लहार खंड के दबो और आलमपुर, दतिया जिले के भांडेर खंड और सीमांत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बोली जाती है, ठीक है। विशेषताओं की बात करें तो खड़ी हिंदी बोली के अत्यधिक निकट है और हिंदी की उत्पत्ति का आधार माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जातीय बोलियाँ, क्योंकि इनकी भी अपनी बोलियाँ हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और मध्य प्रदेश में बहुत जनजातियाँ हैं, समझ रहे हैं। इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है और आपने देखा होगा कि जब आपका पाठ्यक्रम चेंज नहीं हुआ था उससे पहले आप देखते थे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जो SC ST एक्ट था उससे ही क्वेश्चंस बहुत बड़ी संख्या में पूछते थे। देखिए अभी भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप लोग जनजातियों की अपनी बोलियाँ प्रचलित हैं, जैसे मंडला में आप देखेंगे गोंडी भाषा पर्याप्त रूप से बोली जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे मुंडा भाषा परिवार की कोरकू बोली, कोरकू जनजाति की बोली है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे भीली, इसे भी अब आर्य भाषा परिवार की ही बोली माना जाता है।
झाबुआ पश्चिम में, पश्चिमी निवाड़ धार रतलाम में निवारस जो भी भीलों की बोली है, ठीक है, यहाँ की भील जाति है, इन्हीं की बोली है। इसमें आप देखेंगे द्रविड़ियन और कोलेरियन शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, किसमें, भीली बोली में, ठीक है, लेकिन ऐसा जनजातीय संपर्क से हुआ है। इस पर निवाड़ी, राजस्थान, गुजराती और मालवीय बोली का भी पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलेगा। अगली बोली है आपकी मवासी, मवासी वासी। छिंदवाड़ा की मवासी जनजाति की बोली मवासी कहलाती है और छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव तहसील के गांव में मुख्यतः पिछले थे और आंशिक रूप से बिछुआ, सोसर, मोहे गांव विकासखंड में पिछले थे। फिर आप देखेंगे बरेला, बरेला जनजाति की भील की उपजाति है, इसके द्वारा बोली जाती है, ठीक है। क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी निवाड़ हो गया, विशेषकर खरगोन, अलीराजपुर, ठीक है। फिर आप देखेंगे गोंडी, ये आपकी गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती है, आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे। तो गोंडी जनजाति और उसकी उपजातियों की बोली गोंडी कहलाती है। गोंडी भाषा मूलतः कोई तोर भाषा है। आज भी गोंडी भाषी अपने की कोई तोर या फिर कोई तोल कहलाना पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश में एक अकेले क्षेत्र के रूप में गोंडी भाषा सर्वाधिक रूप से महाकौशल क्षेत्र में बोली जाती है। गोंडी भाषा गोंड आदिवासियों की भाषा है। कहा जाता है कि पृथ्वी के उद्गम और मनुष्य के जन्म के साथ इस भाषा का जन्म हुआ और सर्वप्रथम पारी कुपार लिंगों ने इस भाषा को विस्तारित किया था। गोंडी प्रयाग देवनागरी तथा तेलुगु लिपियों में लिखी जाती है। इसकी अपनी गोंडी लिपि भी मौजूद है। गोंडी लिपि 928 में एक गोंड व्यक्ति द्वारा ही विकसित की गई थी, जिसमें आप देखेंगे सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, गोंड त्योहारों के नाम थे। और इस क्षेत्र की बात करें तो ये होशंगाबाद, खंडवा, हरदा, बैतूल, मंडला डिडोली जिलों में बोली जाती है, ठीक है। अगर इसकी गोंडी की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, गोंडी में जनजातियों सर्वाधिक समृद्ध साहित्य देखने को मिलता है। गोंड उसकी उपजातियों के लोकगीतों में गोंडी का प्रयोग देखने को मिलेगा। गौड़बाना मुक्ति सेना प्रमुख दरबू सिंह उइके विगत कई वर्षों से गोंडी भाषा के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और गोंडी भाषा को गोंडी लिपि में बालाघाट जिले के भाव सिंह मसराम ने वर्ष 1957 में विकसित भी किया था। फिर आपकी बंजारी, एक बंजारा जाति होती है, इसके द्वारा बोली जाती है। इसके क्षेत्र की बात करें, बंजारी भाषा बंजारा क्षेत्र में जहाँ भी बंजारा रहते होंगे वहाँ बोली जाती होगी। इसमें आप देख सकते हैं ग्वालियर जिले के घाटी गांव खंड के हुकमगढ़, पासमरिया, चेत, दुबाह, डवरा, मुरार खंड और भिंड जिले के गोहद खंड में बोली जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो बंजारी लोग अपनी बोली को ग्वारी कहते हैं। बंजारी या ग्वारी अनेक लोकगीत मिलते हैं इसमें और बंजारी पर राजस्थान की बोलियों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि एक सहरिया जनजाति होती है, इसके द्वारा बोली जाती सहरी याई, ठीक है। सहरिया जनजाति की बोली सहरी याई है और क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना में बोली जाती है। विशेषताओं की बात करें तो सहरिया जनजाति की बोली है और इस पर आप देखेंगे हिंदी, बुंदेली, जानोमाटी, ब्रज, पंचमहली, सिकरवारी का प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे नहाल, ये आपको देखने को मिलेगा बैतूल जिले के नहाल आदिवासियों की बोली नहाल है और क्षेत्र की बात करें तो मुलताई तहसील के गांव प्रभात पट्टन, सातने, भैंसदेही तहसील के गांव दबोनी दाबा और अमला तहसील के गांव तिरमऊ और बैतूल तहसील के गांव खंडारा में बोली जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह अत्यंत पिछड़ी बोली है और यह भिड़वे फोड़ने वाले नहाल आदिवासी ही बोलते हैं। इसमें साहित्य का अभाव देखने को मिलेगा। मराठा हिंदी बोली का इस पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये है आपकी बोलियाँ। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में, जो भी पर्व यहाँ मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे संजा मामूलिया। संजा मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों का उत्सव है जिनकी शादी नहीं हुई हो उन्हें आप लोग कुंवारी लड़कियां मनाती हैं इसे, ठीक है। जो आश्विन माह में 16 दिनों तक चलता है। इसमें आप देखेंगे दीवार पर फूल पत्ती से आकृति अंकन और संध्या समय गायन होता है। कुंवारी कन्याएं इसमें संजा नामक लड़की की पूजा करती हैं और जो प्रतीकात्मक स्वरूप में दीवार पर गोबर से निर्मित आकृति होती है। मूलतः यह सेव गौरी का की प्रार्थना भी होती है और बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे मामूलिया कहते हैं। यहाँ की आकृति नींबू के पेड़ की एक हरी भरी शाखा होती है।
क्योदंती अनुसार सोता लड़कियों को स्पष्ट को लड़कियों को कष्ट देता है, अथवा मामूलिया की पूजा करने पर सोता कष्ट देना बंद कर देता है। मुझे लगता है कि इसे कई क्षेत्रों में आप देखते हैं सुवाटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद बताइए इसे क्या बोलते हैं, मुझे तो लगता है सुवाटा भी बोलते हैं। फिलहाल आप देखेंगे लावणी, ये 18वीं सदी में मराठा आक्रमण के साथ महाराष्ट्र से निवाड़ में प्रवेश करने वाली लावणी मराठियों द्वारा मनाया जाता है। इसके दो स्वरूप हैं, एक निर्गुणी जिसमें दार्शनिक प्रार्थनाएँ और होती हैं, और दूसरा सिंगारी जिसमें रोमांटिक गीत गाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत पुराने समय से रोमांटिक गाने सुनना लोग पसंद कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि घड़ल्या मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। मालवा का घाटिया या फिर घड़ल्या पर्व कन्याओं का त्यौहार है। कन्याएं समूह बनाकर घाटिया मिट्टी का घड़ा नुमा पात्र जिसके अच्छेदों में से अंदर रखे दीपक से विकास बाहर निकलता है लेकर घर घर जाती हैं और घाटिया गीत गाती हैं। बदले में कन्याओं को अनाज और सिक्के दिए जाते हैं। बुंदेलखंड में से आप लोग टेसु या सुवारा इसे मिलता जुलता पर्व है जो कन्याएं मनाती हैं, सुवाटा, ठीक है। गोंड जनजाति में कन्याएं छाला पर्व के नाम से इसे मनाती हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे सुवारा बुंदेलखंड में, आप लोग अगर बुंदेलखंड में रहते हैं या इस क्षेत्र में रहते हैं तो आप लोगों को बेहतर होगा इसके बारे में। बुंदेलखंड के इस पर्व में कन्याएं दीवार पर मिट्टी का चौक बनाती हैं जिसमें तीनों ओर सैनियों की आकृतियाँ होती हैं। चौक पर दैत्य की आकृति का अंकन होता है और दोनों ओर सूर्य और चंद्रमा के दो भाइयों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दैत्य के ऊपरी तरफ से पार्वती की आकृतियाँ उकेरी जाती हैं और इन्हें फूल पत्तियों से सजाया जाता है। कन्याएं गौरी पार्वती को समर्पित गीत गाती हैं इसमें। फिर आप देखेंगे गोवर्धन पूजा, ये भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में होता है त्यौहार। गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण भगवान द्वारा गाँव वासियों को गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से बचाने के प्रकरण से संबंधित है और भील जनजाति इस अवसर पर हीड गायन करती है। और इस पर्व में आप देखेंगे गोबर से गोवर्धन बनाकर उनके समीप दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। फिर आप देखेंगे गंगा दशमी या फिर गंगा दशहरा, मध्य प्रदेश के सभी हिंदू जातियां जनजातियां इस पर्व को मनाती हैं और ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। हिंदू इस पर्व को गंगा की पृथ्वी पर अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं तथा नदी स्नान भी करते हैं इसमें। आगे है आपका, और आदिवासी अपने परिवार के साथ नदी स्नान के साथ नाच गाना भी करते हैं इस पर्व में, ठीक है। फिर आपका गणमोर पर्व, तो मालवा और निवाड़ में पार्वती पूजा के रूप में गनगोर त्यौहार वर्ष में दो बार भाद्रा और चैत यानी कि भादों और चैत मास में मनाया जाता है। क्योदंती की शिव पार्वती राजस्थान स्थित अपने निवास में साल भर में एक बार आते हैं और अतः उस अवसर को विवाहित महिलाएं गज गनगौर पर्व के रूप में सावोल्लास के साथ मनाती हैं। इस अवसर पर आप देखेंगे गढ़ शिव और गौर पार्वती को कपड़े आदि से प्रतिमाएँ बनाकर लगातार 7 दिनों तक पूजा की जाती है और गेहूं चावल के ज्वार उगाए जाते हैं जो शिव पार्वती को अर्पित करते हैं। फिर आप देखेंगे कजरी नवमी, सावन की कजरी नवमी को यह पर्व शिशु की माताएं बनाती हैं और पर्व कजरी नवमी से प्रारंभ होकर लगातार पूर्णिमा तक चलता रहता है। सावन की शुक्ल नवमी के दिन महिलाएं पत्ती से बने पात्र हाथ में लेकर गीत गाती हुए कुएं तालाब तक शोभा यात्रा निकालती हैं तथा पात्र को कुएं में विसर्जित कर देती हैं यानी कि राम नाम सत कर देती हैं। फिर आप देखेंगे सुआ या फिर सौग्या नेत त्यौहार, दिवाली के ठीक एक माह पहले मेकल पहाड़ी पूर्वी मध्य प्रदेश की महिलाएं सुग्गा त्यौहार मनाती हैं और सुग्गा का अर्थ होता है तोता। इस दौरान आप देखेंगे कि महिलाएं नृत्य के दौरान चलते तोते की भांति पैर उठाती हैं और पक्षियों के सिर की भांति अपने सिरों को परस्पर टकराती हैं और अतः इस नृत्य की सुग्गा नृत्य भी कहते हैं। लड़कियां भी समूह बनाकर पास के गांवों जाकर नृत्य प्रदर्शन करती हैं। इस दौरान लकड़ी का तोता बनाकर उसे मिट्टी के पात में रखती हैं जो चावल की भूसी से ढका रहता है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति इस दौरान भगोना एवं गवार नृत्य करने का प्रचलन है, ये किसमें भील जनजाति में।
फिर आप देखेंगे नवन्ना, फसल की रुपाई पूर्ण होने पर ही नवन्ना का दिन तय होता है। बुंदेलखंड में यह दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन गायों को नए अनाज की रोटियां खिलाई जाती हैं और गौंड जाति सर्वप्रथम साज वृक्ष तथा भवानी माता, हालेरा देव, पशु देवता नारायण देव और रातमाई घर के बाहर ओटली में निवास को धान अर्पित करते हैं। एक तरह से आप समझिए कि इन त्योहारों का बहुत कम एक तरह से मनाए जाते हैं, वरना आप समझिए एक समय देखते होंगे कि बड़े 7-8 दिनों से, महीनों से आपकी इन त्योहारों की एक तरह से तैयारी शुरू हो जाती थी। एक अब समझिए कि लोगों के पास टाइम कम रहता है और धीरे धीरे इन त्योहारों का महत्व भी घटता जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे हरेली या फिर हरिया गोधा, ये भी मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मुख्य रूप से किसानों का पर्व है और इस दिन कृषि एवं लोहे उपकरणों की पूजा की जाती है और इसे श्रावण मास की अमावस्या को मनाते हैं। मंडला में देवार पुजारी सभी घरों की दहलीज पर धान के बीज छोड़ते हैं और किसान धार्मिक क्रियाओं के साथ खेतों में पौधारोपण करते हैं तथा अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। कुछ स्थानों पर आप देखेंगे युवा इस समय दौड़ स्पर्धाएँ भी करते हैं। और याद रखिए पहले क्या हुआ करता था, आपने देखा होगा कि आटा चक्की नहीं हुआ करती थी इसकी बिजली वाली, तो आपने देखा होगा घर में ही महिलाएं एक तरह से आटा निकालती थी गेहूं से, और आपने देखा होगा सुबह 3-4 बजे से गाना होने लगते थे उनके, समझ रहे हैं आप लोग। तो उन त्योहारों का एक तरह से महत्व था, आप समझ सकते हैं कि अब ख़त्म होता जा रहा है सब कुछ, डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, आप समझ रहे हैं। मालवा में से आप देखेंगे हरिया गोधा कहते हैं। मालवा में स्त्रियाँ इस दिन व्रत भी रखती हैं, उपवास भी रखती हैं, ठीक है। आगे आपका भवोली पर्व, जैसे जवारा का भपूरिया पर्व भी कहते हैं। यह पर्व मालवा में जवारा तथा बुंदेलखंड में भजूरिया के नाम से मनाया जाता है। भोजली पर्व के एक सप्ताह पूर्व अर्थात नागपंचमी से प्रारंभ। इस पर्व में मिट्टी के पात्रों में गेहूं, चना या फिर चावल का बीज डालकर उन्हें प्रतिदिन पानी दिया जाता है और माना जाता है जैसे जैसे ये बीज पौधों के रूप में बढ़ेंगे वैसे वैसे ही फसल अच्छी होती है। और आप देखेंगे बुंदेलखंड में भुजरिया पौधों को आपस में बांटा जाता है जबकि मालवा में जवारा पौधे को विसर्जित कर देते हैं। इसे आप लोग देखते होंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप लोग इसे जवारा भी कहते हैं कई जगह कि जवारा वो है जा रहा है, ठीक है वही है ये, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर आप देखेंगे कजल्या पर्व, ये क्या है, बड़े त्यौहार हैं। आप लोग कहते होंगे कि आप लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है, तो आप समझिए कल आप अधिकारी बनेंगे तो आपका किसी भी क्षेत्र में आप लोगों का एक तरह से आप जाएंगे तो आप समझिए अगर वहाँ इस तरह के त्यौहार हैं तो आपको सम्मान तो करना होगा, कहीं किसी के त्यौहार को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसे निपटाना होगा, ठीक है। भद्रा की पूर्णिमा को रानी मल्हन देवी के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है और कजल्या के 9 दिन पूर्व बास्केट में गेहूँ या फिर जौ को बोकर उन्हें उगाया जाता है। पूर्णिमा कजल्या पर्व के दिन महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने भाइयों, रिश्तेदारों तथा पति को राखी बांधती हैं और इसके पश्चात एक शोभा यात्रा में रोह के रूप में नदी तक जाती हैं और बास्केट के गेहूं, जौ को, हरी पत्तियों को मलहन देवी के रूप में अपने पास रखकर शेष को विसर्जित कर देती हैं। फिर आप देखते हैं एक होता है नौरता या फिर इसे नीजा कहते हैं आप लोग, नवरात्र पर्व। तो दशहरे के 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र निबाड़ मालवा में माता दुर्गा की आराधना के पर्व है ये, और इस दौरान आप देखेंगे महिला पुरुष पृथक तथा सामूहिक रूप से गरबा आदि नृत्य भी करते हैं। सिंहस्थ पर्व, मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र कुंभ मेला जो प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात उज्जैन में छिपरा नदी तट पर लगता है। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अर्ध कुंभ आपका 6 साल में लगता है, ठीक है। और आप फिर आप देखेंगे डोल ग्यारस जल झूलने एकादशी, भादो मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है। निवाड़ मालवा में विशेष जुलूस निकलते हैं इस दिन और इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है। आखा तीज अक्षय तृतीया, कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं इस दिन और विवाह के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। आप लोगों में से कोई रखता भी होगा, समझ रहे हैं, और लड़के भी रख लिया करो कुछ मिल जाए। अब बात कर लेते हैं जनजातियों के त्योहारों के बारे में भी बात कर लेते हैं।
रतौना। इस पर्व का संबंध नागा बेगा से है। इस अवसर पर आप देखेंगे मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। इसमें आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा कि रतौना किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कई बार पूछ लिया गया इस तरह का। और मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि आप लोग 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर पुराने उठा के देख लिया करेगा। इससे क्या रहता है कि एक अंदाज़ा लग जाता है क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस तरह के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे मेघनाथ, फागुन में गौंड जाति द्वारा यह मनाया जाता है और मेघनाथ को गौंड सर्वोच्च देवता मानकर इसकी पूजा करते हैं। लारू काज, इस उत्सव में सुअर की बलि दी जाती है और यह उत्सव गौंड आदिवासी नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। और नवन्ना, नवन्ना गौंड जाति, इसमें साज वृक्ष तथा भवानी माता, हलेरा देव पशु देवता, नारायण देव और रात माई को धान अर्पित करती हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे झाला पर्व, झाला नहीं छाला, बुंदेलखंड के सुवारा से मिलता जुलता पर्व एक गौंड जनजाति में मनाया जाता है। गौंड जनजाति की जो कन्याएं होती हैं छाला पर्व के नाम से मनाती हैं इसे। फिर आप देखेंगे रास नावा, इस पर्व का संबंध भी नागा बेगा से है और इस अवसर पर शहद खाया जाता है, मधुमक्खी वाला शहद। फिर आप देखेंगे भगोरिया, संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भगोरिया फागुन में होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है और झाबुआ का भगोरिया विशेष प्रसिद्ध है। भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं, एक गुगलिया हाट, भगोरिया हाट और उजड़िया, ठीक है। इस दौरान आप देखेंगे अविवाहित युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। तो इस तरह का मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि इस दिन यहाँ ये लोग चयन करते हैं एक दूसरे का। खैर छोड़िए आप लोग, अभी आप लोग पढ़ लीजिए पहले। एक है आपका घेला उत्सव, यह गौंड जनजाति का त्यौहार है। यह अक्षय तृतीया अर्थात आखाती से मिलता जुलता है। ज्येष्ठ माह में मिट्टी के पात्रों के साथ यह मनाया जाता है और इसमें बुआई के समय वेदरी समारोह होता है जिसमें ठाकुर देव को बकरी की बलि दी जाती है और भंडारा होता है। और आप देखेंगे छेरता या खिचड़ी उत्सव, पौष मास के अंतिम दिन का छेरता पर्व मनाया जाता है और आदिवासी एवं अन्य कृषक इस दिन अपना काम बंद कर माघ महीने के पहले दिन अपना हिसाब किताब चुकता करते हैं। वस्तुतः पूर्वी मध्य प्रदेश में यह दिन नए साल जैसा होता है और इस दिन खिचड़ी नामक भोजन बनाकर इसे संपन्न करते हैं। एक बात और आपको बताऊं, इन त्योहारों से क्या रहता थी कि एकता बनी रहती थी। आप समझिए कि कोई त्यौहार हो रहा है तो एक दूसरे को बुला रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और आप समझिए कि आजकल जैसे जैसे ये त्यौहार खत्म होते जा रहे हैं, एकता भी खत्म होती जा रही है। एक समय आप लोग देखते होंगे कि गाँव में अगर किसी के यहाँ प्रॉब्लम आती थी तो पूरा गाँव उससे प्रॉब्लम से लड़ता था और आप समझिए पूरा गांव एक रह के उस प्रॉब्लम का जब तक समाधान नहीं होता था तब तक एक रहकर रहते थे। और आपने देखा होगा किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम यानी कि कुछ भी हो रहा है, पूरा गांव इकट्ठा होकर रहता था। समझ रहे हैं, आजकल आप देखिए आपके पड़ोसी के यहाँ कुछ हो रहा है आप खुश नहीं है और आपके यहाँ कुछ हो रहा है पड़ोसी खुश नहीं है। तो ये सभी आप देख सकते हैं और लोगों के पास टाइम भी अब नहीं है। आप समझ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है टाइम। जितना आप लोग देख सकते हैं कि एक तरह से टाइम बनाने की बचाने के लिए सुविधा जो भी हुई तकनीक आई उसी के हिसाब से आप देख रहे हैं कि टाइम भी खत्म होता जा रहा है। कल भी 24 घंटे होते थे, आज भी 24 घंटे होते हैं। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक समारोहों की बात करें, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। कालिदास समारोह, ये पूछ लेगा आपसे कालिदास समारोह कहाँ होता है, तो उज्जैन में, ठीक है। खजुराहो नृत्य समारोह, एक खजुराहो में। तानसेन समारोह, एक ग्वालियर में। और मालवा उत्सव, इंदौर उज्जैन मांडू में। निवाड़ उत्सव, खरगोन खंडवा में। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, ये मेहर सतना में। और अमीर खां संगीत समारोह, ये इंदौर में, ठीक है। और ध्रुपद समारोह भोपाल, मध्यप्रदेश समारोह दिल्ली। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया आपसे मध्यप्रदेश समारोह, और आप लोग क्या करते हैं कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर इस तरह के ऑप्शन दे देगा और आप लोग मध्यप्रदेश का ही कोई शहर चुन लेंगे। तो याद रखिए मध्यप्रदेश समारोह आपका दिल्ली में होता है, ठीक है। ओरसा उत्सव की बात करें तो ये टीकमगढ़ जिले में पहले था लेकिन अब आप जानते हैं कि नया जिला निवाड़ी बन चुका है, तो निवाड़ी जिले के पास होता है, ठीक है। पद्माकर समारोह, ये सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, ये जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, ये खंडवा। निवाड़ उत्सव और दुर्लभ दाद विनोद, ये आपको देखेगा खंडवा खरगोन बड़वानी में। और दुर्लभ बाद विनोद, ये भोपाल में।
जनजातीय फिल्म उत्सव ये इंदौर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ? इंदौर में, इंदौर में। लोक रंग समारोह भोपाल में, टेपा समारोह सम्मेलन उज्जैन, लता मंगेशकर संगीत समारोह इंदौर, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर। ठीक है, याद रखिए। प्रमुख सांस्कृतिक समारोहों की बात करें तो इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। शासन द्वारा लगभग 17 आयोजन प्रदेश देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे कालिदास समारोह उज्जैन में प्रतिवर्ष आपको देखने को मिलेगा कि आयोजित किया जाता है। और संगीत नृत्य कला साहित्य से संबंधित विद्वान के इस जमावड़े में कालिदास पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर तानसेन समारोह की बात करें तो तानसेन की भूमि ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, जिसमें आप देखेंगे संगीत के शीर्ष कलाकार शिरकत करते हैं। इस समारोह में आपको देखने को मिलेगा तानसेन सम्मान दिया जाता है। अलाउद्दीन खां समारोह उस्ताद अलाउद्दीन की कर्मभूमि मेहर सतना में प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी द्वारा नृत्य और संगीत का समारोह आयोजित किया जाता है। अमीर खां समारोह की बात करें तो ये संगीत और गायन का यह समारोह ख्याल गायक अमीर खां की भूमि इंदौर में प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां अकादमी ही आयोजित करती है। तुलसी समारोह की बात करें तो ये मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष धनतेरस से दीपावली के मध्य चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर आयोजित किया जाता है। लोक रंजन खजुराहो नृत्य समारोह, ये भी आप देखते होंगे कि खजुराहो की चंदेल कला की छत छाया में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। लोक रंग समारोह 3 दिवसीय प्रतिष्ठित समारोह भोपाल में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। लोक कला समारोह प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों में सृजनात्मक लोक कला पर यह समारोह आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश समारोह की बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 नवंबर को भोपाल में होता है मध्य पर्व समारोह। ठीक है, मालवा उत्सव की बात करें तो मालवीय संस्कृति और कला परंपरा का अन्य भारतीय क्षेत्रों की संस्कृतियों लोक कला परंपरा से तदात्म्य स्थापित करने के उद्देश्य से, यानी कि संबंध रखने के उद्देश्य से पर्यटन विकास निगम से शुरू किए जाते हैं। ये बारी बारी से प्रतिवर्ष मांडू इंदौर और उज्जैन में होते हैं। एक बार जैसे मांडू में हो गया, दूसरी बार इंदौर में, फिर तीसरी बार उज्जैन में, फिर आगे मांडू में। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्सव की बात करें तो भारत की राजधानी जो दिल्ली है यहाँ होता है और आयोजन होता है। इसका मध्य प्रदेश शासन करता है। इस मुख्य उद्देश्य होता है कि अन्य प्रदेशों की जनता को राज्य की संस्कृति से परिचित कराना है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह शासन और रामलीला मंडलियों की सहभागिता से प्रतिवर्ष प्रदेश के नगरों में आयोजित किया जाता है। केशव जयंती समारोह तो 1987 से प्रारंभ यह समारोह ओरछा में रामनवमी के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इन्हें भी आप लोग लिखिए। स्मृति समारोहों को देख लीजिए आप लोग, सन 2002 से प्रारंभ हुए, तो इसमें आप देख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति समारोह, ये नई कविता से संबंधित है। और फजल तवीस स्मृति समारोह, यह हिंदी और उर्दू से एक रचनात्मक लेखन के लिए आयोजित होता है। सोमदत्त स्मृति समारोह युवा रचनाकारों को समर्पित है। सामी स्मृति समारोह, यह उपन्यास लेखन से संबंधित है। शरद जोशी स्मृति समारोह उपन्यास लेखन से संबंधित है। इन्हें भी आप लोग याद रखिए। अब देख लेते हैं हम लोग संगीतकार, जो भी मध्य प्रदेश के संगीतकार रहे हैं उन्हें भी देख लीजिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे तानसेन का नाम आता है सबसे पहले, काफी चर्चित भी रहे हैं। ठीक है, तो ग्वालियर के विहट गांव में मुकुंद मिश्रा के यहाँ 1506 में ईस्वी में जन्मे रामतनु मिश्रा को भत्ता के राजा रामचंद्र ने तानसेन, जबकि अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी। तो याद रखिए तानसेन की उपाधि थी तो आप लोग समझिए कि रामचंद्र ने दी थी, रामचंद्र राजा थे उन्होंने दी थी, भत्ता के राजा थे। ठीक है, और मियाँ की उपाधि अकबर ने दी थी, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? रामतनु मिश्रा। ठीक है, बचपन से ही वे एक सूफी फकीर मोहम्मद गौस के संपर्क में थे और संभवतः उनके आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था। आप पता नहीं, आप समझ सकते हैं कि पहले लोग इस तरह की अंध भक्ति कह लीजिए, जो भी कहना आपको, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किसी के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते थे तो कहीं आप लोग देखते होंगे कि इस तरह का वो करवाते रहते थे, धर्म या फिर फूंक, झाड़ फूंक। ठीक है, गौस ने ही उनकी तुतली आवाज़ को ठीक भी किया था और वृंदावन में स्वामी हरिदास ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। तो आपसे पूछे कि तानसेन को संगीत की शिक्षा किसने दी थी? स्वामी हरिदास ने। ठीक है,
पुनः गौंसे के सन्निध्य में वे ग्वालियर आ गए थे और फिर मानसिंह की विधवा मृगनयनी को से उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की और उन्हें कर्ण और महमूद ने भी संगीत की शिक्षा दी थी। मृगनयनी महल आप लोग समझ रहे हैं, मानसिंह ने बनवाया था अपनी प्रिय दृष्टि के लिए, जो भी प्रेमिका के लिए, ठीक है। तानसेन जब रीवा के महाराज रामचंद्र के दरबार में थे तब अकबर की सेना के रीवा पर आक्रमण के समय अकबर के दूत जलाल खान की भेंट तानसेन से हुई और वह उन्हें आगरा दरबार में ले गए और अकबर के समय तानसेन उनके नवरत्नों में से एक शुमार हुए। और यज्ञ भी आपको देखने को मिलेगा, तानसेन संगीत के सात रंगों में प्रेमित थे और तदापि श्री राग भैरवी राव मल्हार दोनों उनके द्वारा ईजाद राग दरबारी राग दीपक उनकी कोई सानी नहीं था, उनके कोई समान नहीं था एक तरह से, परंतु तानसेन को अमर बनाया और राग दरबारी तोने मियान की सारंगी मियाँ की मल्हार ने और 1585 में आगरा में दिवंगत तानसेन की समाधि उनकी इच्छानुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप ग्वालियर में बनाई गई। तो आपसे ये भी कई बार पूछ लेता है कि तानसेन की समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में देखने को मिलेगी। फिर है आपकी उस्ताद अलाउद्दीन खां। सन 1881 में त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में जन्मे उस्ताद अलाउद्दीन खां ने कलकत्ता आकर हबू दत्त से मेडल सीखा और अंततः उन्होंने मेहर के राजा बिजनाथ के आमंत्रण पर मेहर दरबार की सेवा स्वीकार की और उनकी कर्मस्थली बन गई। अपनी पत्नी मदन मंजरी से उत्पन्न अन्नपूर्णिमा का विवाह उस्ताद ने अपने प्रिय शिष्य पंडित रविशंकर से कर दिया, जो आज विश्वविख्यात सितार वादक हैं। और उस्ताद की सिक्खी की बात करें तो पंडित रविशंकर, पन्नालाल घोष सहनाई से संबंधित आशीष खान, शरण रानी, अली अहमद, उनके पुत्र अली अकबर, अलाउद्दीन खां को उनकी संगीत सेवा के लिए भारत का गौरव आफ्ताब ए हिंद संगीताचार्य, देसी कुत्तम, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और मध्य प्रदेश शासन ने उनकी स्मृति में मेहर में ही अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना भी की हुई है, ठीक है। फिर आप देखेंगे उस्ताद हाफिज अली खां। 1888 में ग्वालियर में जन्मे उस्ताद हाफिज अली खां के पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे और उनके पूर्वजों ने ही अफगानी रबाब को सरोद में बदला था। उस्ताद ने वृंदावन के गणेशी लाल और चुक्का लाल से ध्रुपद होरी सीखी थी। ठोमरी और पखावज क्रमशः गणपत राव और कुदव सिंह से सीखा। अपने ग्वालियर में माधव राव सिंधिया प्रथम और जीवाजी राव सिंधिया के दरबार में लंबे समय तक संगीत सेवा की इन्होंने और यह संगीत रत्नाकर से इन्हें नवाजा गया था। आफ्ताब ए हिंद संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार तथा पद्म भूषण आदि से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और इनके पुत्र अमजद अली खां आज दुनिया भर में सरोद के सिस्टम कलाकार हैं। फिर आप सुनते हैं एक नाम, राजा भैया पूंछ वाले। तो समझिए एक पूंछ वाले, ठीक है, पूंछ एक कोई गांव होगा, कोई क्षेत्र होगा। 12 अगस्त 1882 को ग्वालियर में जन्मे बालकृष्ण आनंद राव अल्टेकर ही राजा भैया पूंछ वाले के नाम से संगीत की दुनिया में मशहूर हुए, क्योंकि इनके पूर्वज झांसी से पूंछ के जागीरदार हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें पूंछ वाले भी कहते हैं। आप समझ रहे हैं, एक तरह से इस गांव से रहे होंगे, इसलिए समझ रहे हैं। तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। और अपने संगीत विद्वानों की पुस्तक मालिका की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने और इनके द्वारा रचित सात संगीत पुस्तकों में तान हो गया, संगीतोपासना हो गया, ठुमरी हो गया, तरंगनी हो गया, प्रसिद्ध रही हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था इन्हें, ठीक है। फिर आप देखते हैं अमीर खान। 1913 में इंदौर में जन्मे अमीर खां को सारंगी और वीणा वादन में उनके पिता से ही संगीत शिक्षा मिली और अति विलंबित लय में झुमरा ताल,
तिलवाड़ा या फिर एक ताल में गाने की शुरुआत आमिर खान साहब ने की थी और इस प्रकार ख्याल गायकी में मंद मंद गायन खान की ही देन है। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था और तराना की खोज पर बिहार संगीत नाटक परिषद में ने फैलो बनाया है, ठीक है, और भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में प्रदान किया था। 1974 में मोटर दुर्घटना में दिवंगत आमिर खान इंदौर घराने की जन्मदाता थे, यानी कि इनकी दुर्घटना हो चुकी थी। इंदौर घराना है, इन्हीं की देन है एक तरह से। फिर आप देखेंगे कुमार गंधर्व, बेलगांव कर्नाटक में 1924 को जन्म हुआ इनका। शिवपुत यानी कि कुमार गंधर्व का मूल नाम के पिता कोमकली भी संगीत के जानकार थे और वे नए वातावरण हेतु देवास चले आए और यहीं के होकर रह गए। मध्य प्रदेश का जिला है ना देवास, यहीं लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत की खोज ही उन्हें स्वर दिया और आपने नए रागों का भी निर्माण किया, जैसे आप देखेंगे अहि मोहनी, मानवती सहेली, तोड़नी, मिदमारी, भावमत भैरव, लगन गंधार, गांधी राग। और इन्होंने अनुराग विलास नामक संगीत पुस्तक की रचना की, इस पुस्तक को भी आप लोग याद रखिए। संगीत नाटक अकादमी और मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें कालिदास सम्मान से पुरस्कृत भी किया था और पद्म विभूषण कुमार गंधर्व का देहांत 1992 में हुआ था। राज्य शासन ने उनके नाम पर एक पुरस्कार की भी स्थापना की और इनके पुत्र मुकुल शिवपुत्र भी उम्दा गाए थे, यानी कि उम्दा का मतलब है कि अच्छे गायक हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कृष्ण राव पंडित, संगीतज्ञ पिता श्री शंकर राव पंडित के यहाँ 1893 को ग्वालियर में जन्मे कृष्ण राव पंडित को संगीत की विधिवत शिक्षा दी और उनके गुरु उस्ताद मोहम्मद निसार हुसैन ने इन्होंने संगीत की शिक्षा दी और गायन की बोल तान शैली में विशेष रूप से पारंगत थे और स्वर के साथ शब्दों का प्रयोग भी करते थे अच्छा। और अपने संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत अलापचारी, सितार, जल तरंग और तबला वादन शिक्षा, हारमोनियम वादन शिक्षा आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की। मुल्तान संगीत सभा ने कृष्ण राव को गायक शिरोमणि से और कानपुर स्थित भारतीय संगीत विद्यापीठ ने संगीत मार्तंड से विभूषित किया था, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए थे और इन्हें तानसेन सम्मान से भी नवाजा गया था। फिर आप देखेंगे आगे पंडित शंकर राव पंडित, 1863 में ग्वालियर में जन्मे शंकर राव पंडित जी जन्म से ही संगीत में रुचि थे। इन्होंने गायन की टप्पा शैली धार को देवजी बुआ से प्राप्त की थी। ख्याल टप्पा और विशेषकर राग यमन में आप इनका एकाधिकार था। और अमजद अली खान, ग्वालियर में 1945 में जन्मे श्री अमजद खान अली खान विख्यात सरोद वादक हैं और इनके पूर्वजों ने ही सरोद का अफगानी यंत्र रबाब से आविष्कार किया था और इनके पिता हाफिज अली खान ने से शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, जो स्वयं भी ग्वालियर घराने के विख्यात संगीतकार थे और इन्हें पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के कुछ यहाँ के लोक गायन क्षेत्र हैं, इसमें गायन का नाम हो गया, ये संबद्ध क्षेत्र हो गया, विशेषता हो गई, प्रेमुख वाद्यंत्र हो गया, ठीक है। इसमें आप देखें कलगी तुर्रा, ये निवार क्षेत्र है, शिव पार्वती को समर्पित है और इसमें प्रयुक्त यंत्र है आपका चंग। फिर आप देखेंगे फाग, ये निवार क्षेत्र में होली के अवसर पर। गरबा, ये निवार के क्षेत्र में। इनकी तीन शैलियाँ हैं जिसमें गरबा, गरवी, गवलन, ठीक है। ताल की थाप इसमें यंत्र उपयोग किया जाता है, ताली, ठीक है। मासान्या, ये निवार क्षेत्र में मृत्यु गीत है, ठीक है। निर्गुणिया नारदीय, निवार क्षेत्र में निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से संबंध रखता है। और प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो एक तारा खड़ताल है, ठीक है। भरतरी, ये मालवा के क्षेत्र में नाथ समुदाय के लोग चिंकारा पर भरतरी कथा गाते हैं, चिंकारा इसमें वाद्यंत्र है। सांझा गीत, मालवा के क्षेत्र में मूलता मालवा की किशोरियों का पारंपरिक गायन है। तेजाजी कथा गायन, मालवा के क्षेत्र में विरोचित कार्यों का बखान। फिर आप देखेंगे हीन गायन, ये मालवा के क्षेत्र में श्रावण के महीने में। बरसाती वर्ता, मालवा के क्षेत्र में ऋतु कथा, वर्षा ऋतु में, ठीक है। आप देखते हैं ना वर्षा ऋतु में गाने गाते हैं, आप लोगों को भी गाने गाते होंगे आप लोग। अब आप लोग कौन से गाते हैं आप जानते हैं बेहतर।
फिर आप देखेंगे लावनी, ये मालवा निबाड़ के क्षेत्र में निर्गुणी दार्शनिक गीत है। रेलो गीत मुंडिया सिंह और मडिया भील के द्वारा युवक युवतियों का गीत है। चौकड़िया भाग बुंदेलखंड में ईश्वरी की रचनाओं का गायन। आहला बुंदेलखंड में बीरस प्रधान का भय। भोला गीत या फिर बबुलिया लमटेरा गीत बुंदेलखंड में वाचिक परंपरा का मधुर गीत है। नर्मदा स्नान जाते समय बैरायाटा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कथा गायन शैली है। दीवारी गायन ये बुंदेलखंड क्षेत्र में दोहे गायन शैली है। जगदेव का पुरावा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में भजन शैली का गायन है। ठीक है, बस देवा गायन ये बघेलखंड क्षेत्र में कथाओं और गाथाओं का गायन। इसमें आप देखेंगे यंत्र की बात करें तो चुटकी पेंजर सारंगी का उपयोग करते हैं। विरहा गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में सवाब जवाब शैली के। ठीक है, फाग गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में नगाड़ों पर फाग गायन गाई जाती है। ठीक है, हरदौली की मनोती और हरदौल की मनोती है, हरदौली लिख दिया है। आपको मैंने बताया था ना कि ओरछा में एक हरदौल मंदिर भी है। लोग शादी से पहले आप समझिए कार्ड छपवाने के पहला कार्ड यहाँ डाल देने जाते हैं एक तरह से। ठीक है, हरदौल की मनोती बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र में यह वीरता का गीत है। फिर आप देखेंगे विदेशिया गायन बघेलखंड जंगल या सुनसान जगह पर गाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के लोक गायन की। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे निवाड़ क्षेत्र में, निवाड़ अंचल में यानी कि निवाड़ क्षेत्र में कलगी तुर्रा निवाड़ अंचल में कलगी तुर्रा प्राचीन लोक गायन शैली है और यह कलगी और तुर्रा नामक दो अखाड़ा दलों के मध्य शाब्दिक वाद विवाद है। चंगी की थाप पर रात रात भर कलगी तुर्रा गाया जाता है। अखाड़े के गुरु को उस्ताद कहते हैं, इसमें भगवान शिव पार्वती को ये समर्पित है। लावनी की बात करें तो यह मालवा और निवाड़ दोनों में गाया जाने वाला निर्गुणी दार्शनिक गीत है। निर्गुणिया गायन शैली तो मृदंग और झांझ पर इस गायन की शुरुआत स्वयं सिंगाजी ने की थी और इसे नारदीय शैली भी कहा जाता है। वैसे निर्गुणिया गायन शैली के मुख्य वाद्यंत्र एक तारा और खड़ ताल रहे हैं। फिर आप देखेंगे गरबा गीत निवाड़ स्थित पर्व अनुष्ठानिक लोक गायन है। नवरात्रि में गरबे की स्थापना के साथ महिलाएं ताली की थाप पर गरबा गीत गाती हैं। इसके साथ ही नृत्य प्रवृत्ति भी है और गरबा मूलतः आप देखेंगे देवी गीत है। फिर आप देखें कि गरबी गीत गरबी पर पुरुष परक लोक गायन है। इसे झांझ मैदंग के साथ गाया बजाया जाता है और गरबी की गायन शैली द्रुत में होती है जो नृत्य और बैठक बैठकी गायकी दोनों में। गौलन ये गौलन मूलतः आप देखेंगे कृष्ण लीला गीत है। गौलन गीतों का मुख्य उपयोग रासलीला में किया जाता है। गौलन गीत पुरुष परक है जो झांझ मैदंग और ढोलक पर गाए जाते हैं। मासन्या ये मृत्यु गीत की मासन्या गायन शैली भी है और यहाँ प्रचलित है और मासन्या का को काया खोज गीत भी कहते हैं, काया खोज। ठीक है, फिर आप देखेंगे मालवा की बात अगर हम बात करें मालवा अंचल में मालवा क्षेत्र में यानी कि तो इसमें आप देखेंगे तेजाजी कथा गायन। इस कथा में तेजाजी की वीरोचित कार्यों को भी उतनी ही ओजस्वी शैली में प्रस्तुत किया जाता है जिनकी उनकी दया और प्रभावोत्सलता को करुण शैली में। धार जिले के वड़नगर में कुरुणिजा नामक स्थान पर प्रति वर्ष आप देखते हैं कि तेजाजी मेला भी का भी आयोजन किया जाता है। फिर आप देखेंगे भरथरी इसमें उज्जैनी के राजा भरथरी के वैरागी हो जाने और उनकी रानी पिंगला के विरह वियोग का अत्यंत मार्मिक चित्रण समझाया एक तरह से समाया हुआ है और प्रया नाथ पंथ के अनुयायियों में प्रचलित है जो चिंकारा पर भरथरी कथा गायन करते हैं। सारंगी या फिर एक तारे पर भी भरथरी गायन होता है। सूरजबाई खांडे ने भरथरी गायन को लोकप्रिय बनाया था। फिर आप देखेंगे निर्गुणिया गायन शैली मालवांचल में ही मैं भी निर्गुणिया भजन शैली का प्रचलन है। संजा गीत मालवा में किशोरियों का संजा गीत यानी कि शाम का गीत काफ़ी लोकप्रिय है। आप लोग बताया करिएगा कि आपके क्षेत्र में क्या होता है, कम से कम मालूम तो रहे। फिर आप देखेंगे हीन गायन श्रावण मास में अहीर जन हीन गायन की प्रतियोगिता करते हैं। बरसाती वार्ता मालवा में वार्ता का प्रचलन है जो घरों में स्त्रियों मोहल्लों की स्त्रियों के साथ करती हैं और यह चंपू शैली क्या है, यह चंपू है। यह है आपकी
चंपू शैली यानी कि गद्य और पद्य का मिश्रण में होती है। ठीक है, चंपू चंपू, ये चंपू क्या है। फिर आप देखेंगे बुंदेलखंड के अगर गायन की शैली की बात करें हम लोग, तो आल्हा गायन काफ़ी आप देखते हैं कि बुंदेलखंड के लोग ये अपना काम भी करते रहते हैं और इसे भी सुनते रहते हैं। आल्हा की रचना लोकप्रिय लोक कवि जगनिक ने की थी 1200 के करीब। ठीक है, और आल्हाखंड की मूल भाषा बुंदेली है और अतः आल्हा उदल की 52 लड़ाइयाँ लोकखंडों में विद्यमान हैं। आल्हा का लोग विचलित रूप बुंदेलखंड के गाँव में अलहेत आज भी गाते हैं। आल्हा फिरया वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इसमें वाद्य के रूप में ढोलक और नगड़िया का प्रयोग होता है। आल्हाखंड संसार की सबसे लंबी गाथाओं में से एक भी है और आप लोग देखते होंगे कि यहाँ के अगर लोगों से आप लोग पूछेंगे तो ये लोग सुना भी देंगे आपको। ठीक है, हरदौल की मनौती, याद रखिए कि बुंदेलखंड में गाया जाने वाला वीर गीत है और समूचे बुंदेलखंड में लाला हरदौल को लोक देवता के रूप में माना जाता है। यहाँ पर किसी की भी शादी होने पर पहला निमंत्रण कार्ड लाला हरदौल को भेजा जाता है और महिलाएं विवाह को भली प्रकार से संपन्न कराने के लिए उनके भात चावल के गीत द्वारा मांगती हैं। ओडिशा स्थित लाला हरदौल के चबूतरे पर बुंदेलखंड और बघेलखंड से भी लोग कार्ड चढ़ाने के लिए आते हैं। इनकी आप लोग देखिए, हरदौल को सर्च करिए आप लोग, आप लोगों को कई वीडियो मिल जाएंगे, उसमें आप लोग इनकी कहानी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और समझ सकते हैं इनकी क्यों इन्हें इतना माना जाता है। फिर आप देखेंगे वीलवाटी बुंदेलखंड का प्रसिद्ध धार्मिक गीत है। इसे शेर राहरे मल्हारे गोटे और रावले आदि के रूप में गाया जाता है। फाग गायन होली के अवसर पर होता है, जिसे आप लोग फाग कह देते हैं, होली कह देते हैं। फागुन माह के लगते ही समूचे बुंदेलखंड में ठाकुर फाग, ईश्वरी फाग, राई फाग शुरू हो जाती है जो होली जलने के बाद रंगपंचमी तक चलती रहती है। ठाकुर फाग में स्त्रियाँ जराई का खेल खेलती हैं और जराई का आकार अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होता है। फिर आप देखते हैं वैरायटा गायन, वैरायटा मूलतः कथा गायन शैली है जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे महाभारत के साथ अनेक ऐतिहासिक चरित्र और लोक नायकों की कथाएं गाई जाती हैं। फिर आप देखेंगे इसमें भोला गीत, क्या है भोला गीत, इसे बम्बुलिया या फिर लमटेरा गीत भी कहते हैं आप लोग। बुंदेलखंड की याज्ञिक परंपरा का मधुर गीत है। नर्मदा स्नान को जाते समय सामूहिक रूप से गाया जाता है। फिर आप देखेंगे देवारी गायन, अही गवली बरेली धोसी, धोबी भी कहते होंगे इसे, धोसी आदि जातियों ने देवारी गायन या और नृत्य करने की परंपरा है। दीपावली के अवसर पर आप देखें ग्वाल बाल सिर पर मोर पंख धारण कर घर घर देवारी मांगते हैं और नेंग पाते हैं। ऊंचे स्वर में दोहा गाकर ढोलक नगड़िया बांसुरी की धुन पर तेजी से नृत्य भी करते हैं, नाचते भी हैं। ठीक है, जवार गीत और जग दवे दवे, कुंवार मास में ईश्वर भक्ति के लिए जवार गीत और जग दवे का एक तरह से पुआरा गाया जाता है। ठीक है, गाना गाया जाता है। फिर आप देखेंगे बघेलखंडी गायन की अगर बात की जाए तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। बसदेवा गायन, बसदेवा बघेलखंड की एक पारंपरिक गायन जाति है और जिन्हें हर बोले कहा जाता है। श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें सरमन भी कहा जाता है। बसदेवा सिर पर कृष्ण की मूर्ति और पीला वस्त्र धारण कर हाथ में चुटकी फेजर और सारंगी लिए जाते हैं। बसदेवा जाति रामायण कथा के साथ कर्ण कथा, मोरध्वज, गोपी गोपचंद, भरभरी, भेले बाबा आदि कथा गाते हैं। विरहा गायन, विरहा एक श्रृंगार पर विरह गीत है और विरहा फिरहा खेत सुनसान राहों में सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। विदेशिया गायन समूचे बंदे बघेलखंड में मिलता है और गडरिया तेली कोटवार जातियों के लोग इसे विशेषता दक्षता रखते हैं और गाते भी हैं। विदेशिया गायन प्रायः जंगल अथवा सुनसान जगह में गाया जाता है। विदेशिया विछोर मिलन की अभिलाषा के गीत हैं। आप देखिए विशिष्ट लोकगीत भी हैं, आप इन्हें भी आप देख लीजिए। संस्कार संबंधी गीत, इसमें आप देखेंगे सोहर गीत जन्म संस्कार से संबंधित है, जन्म संस्कार समझ रहे हैं, जन्म के समय। बरुआ गीत उपनयन संस्कार से संबंधित है। इस गीत में बरुआ अपने संबंधियों से भिक्षा मांगता है। विवाह गीत विवाह समारोह के अवसर पर
पठोनी गीत संस्कार विधान सर्वप्रमुख लोकगीत गीत पठोनी है। ऋतुओं के समय की बात करें तो आप देखते हैं फाग गीत बसंत ऋतु में गाया जाता है, विशेषकर होली के आसपास। ठीक है, बारहमासी तो जेठ माह से प्रारंभ इस गीत में ऋतुओं की महीना का बखान किया जाता है। सवनाही गीत, सवनाही वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है। फिर आप देखेंगे धर्म उपासना संबंधी गीतों की बात करें तो मैंने बताया ना कि एक हम लोग बहुत एक तरह से आप समझिए कि हम लोग भारत की संस्कृति बहुत विचित्र है और आप समझिए हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है, आप समझ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबम यानी कि हम आप समझिए कि दुनिया को लेकर साथ चलते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी हमारी हालत क्या हो चुकी है। तो इसमें आप देखेंगे धर्म उपासना संबंधी गीतों में तो जावरा गीत, ये दुर्गा माता की आरती गाई जाती है इसमें और अन्य देवताओं की भी स्तुति यानी कि की जाती है। गौरा गीत, नवरात्र में देवी माँ की स्त्रियों द्वारा स्तुति होती है। माता सेवा गीत, इसमें चेचक माता की शांति के लिए गाया जाता है। चिकन पॉक्स आप जानते हैं, पहले आप समझिए कि इनकी कोई दवा नहीं होती थी, इनका टीका नहीं होता था, तो लोग इसी तरह से भगाया करते थे पूजा पाठ करके, आप समझ रहे हैं। आज आप इलाज करवा लेते हैं, उस समय इलाज करवाने की कोई प्रथा ही नहीं थी। अभी भी आपने देखा होगा गाँव में अभी भी इस तरह की मान्यताएँ हैं। ठीक है, भोजली कजली गीत, सावन माह में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला हरियाली गीत है। कार्तिक स्नान गीत, कार्तिक माह में कुंवारी कन्याओं द्वारा गाया जाता है। पंडवानी गीत, महाभारत में वर्णित वीरतापूर्ण कार्यों का ओजस्वी शैली में गाया जाने वाला नाट्य विधान गीत, गायक तंबूरा लेकर गाता है और अभिनय करता है, जबकि साथीगढ़ अन्य वाद्य यंत्रों के साथ हुंकार भरते हैं। इसमें आप एक गम्मत गीत भी देखते होंगे, श्री गणेश महोत्सव के समय गाया जाता है इसे। ठीक है, और आगे है आपका ढोलकी गीत, महिलाओं द्वारा राम और कृष्ण के लिए गाया जाता है। नगमत गीत, नागपंचमी को गाया जाता है, इसमें गुरु की प्रशंसा की जाती है और नाग से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। फिर आप देखेंगे मनोरंजन विधान और श्रृंगार विधान, आप समझ सकते हैं कि गांव में भी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे उस समय। आज तो आप देख रहे हैं कि मोबाइल आपके पास उपलब्ध है, उसी से आपका मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन क्या हो रहा है, उसके साथ टाइम पास भी हो रहा है, और टाइम पास क्या हो रहा है, टाइम बर्बाद भी हो रहा है। मनोरंजन के लिए लोग इस समय के लोग क्या करते थे, वही प्रथा आज भी चली आ रही है। ददरिया गीत, सौंदर्य और श्रृंगार विधान ददरिया गीत लोक गीतों का राजा कहलाता है। फिर आप देखेंगे डोला मारू गीत, मूलतः राजस्थानी प्रेम गीत है जो यहाँ भी गाया जाता है। नचौनी गीत, यह एक विरह गीत है जिसमें प्रणय संयोग एवं वियोग दोनों ही अवस्था में नारी की विरह वेदना गाई जाती है। बांस गीत, बांस गीत इसमें विभिन्न लोक कथाओं पर आधारित इस गीत को बांस के वाद्य यंत्र को बजाकर गाते हैं। दीवार गीत, यह लोक कथा पर आधारित है और दीवार जाति के लोग नाचते हुए इसे गाते हैं। लोरी यानी कि प्रधान बच्चों के गीत भी हैं, बच्चों के लिए भी आप समझिए कि इस समय के गीत रहते थे। और कभी आप लोग बुजुर्ग व्यक्तियों से मिला करिएगा जिनकी ओवर मतलब आप समझिए एज बहुत हो चुकी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो कहते हैं कि हमारे समय का जमाना ही एक तरह से समय ही बहुत अच्छा हुआ करता था, समझ रहे हैं। आजकल के बच्चों के लिए तो उनके शब्द किस तरह से निकलते हैं आप समझ सकते हैं। लोरी गीत माँ द्वारा शिशुओं को सुलाने हेतु गाया जाता है। आज भी तो आप लोग सुनते होंगे कि लोरी सुना दीजिए जिससे बच्चा सो जाए गाँव में, ठीक है वही है। शिक्षा गीत, माता पिता इस गीत के द्वारा बच्चों को लौकिक शिक्षा देते थे। और आप समझिए कि एक मतलब माँ बाप भले पढ़े लिखे ना हो लेकिन संस्कार देने में नंबर वन पर बने हुए हैं, और आप समझिए उनकी दी हुई शिक्षा काम जरूर आती है, समझ रहे हैं। खेल गीत, बच्चे खेलते समय गाते हैं और इनमें बैठे फुगड़ी बैठकर गाया जाने वाला, खड़ी फुगड़ी फुगनी खड़े हो रहते हुए गाया जाने वाला, खुड़ुआ डांडी पोहा आदि शामिल हैं। ठीक है, अन्य गीतों से पहले एक बात और बताना बोलूँ बच्चों, देखिए मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को मालूम नहीं है कि कोई अगर हमारा बच्चा अगर परीक्षा में फेल हो जाता है तो आप समझिए एक समय ही हमें दुख होगा, एक दो दिन ही। लेकिन कहा जाता है कि अगर संस्कारों में और इंसानियत में की परीक्षा में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो आप समझिए आपकी बनाई हुई जो भी पावर हो, सम्मान हो, व्यवहार हो, उसका एक तरह से रामनाम सत कर देता है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को व्यवहार अच्छा सिखाइए, इंसानियत दीजिए, मानवता दीजिए, समझ रहे हैं, यही काम रहेगा। वरना आप समझिए कि सिंधिया ने भी बच्चे पैदा किए हुए हैं, और आप समझिए कि सोनिया गांधी यानी कि गांधी परिवार में भी बच्चे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं किस तरह से परिवार का नाम डुबाते जा रहे हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारी आपकी ज़िंदगी 100 से 150 साल हो सकती है, और मान लीजिए आपकी 500 साल हो सकती है, लेकिन 500 साल के बाद क्या रहता है वो ज़रूर मायने रखता है। अभी आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि आप लोगों ने मानसिंह के बारे में पढ़ा होगा, गद्दार लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, आप लोगों ने सिंधिया के बारे में भी पढ़ा होगा, गद्दार लिखा हुआ है, उनके कर्मों की वजह से ही आज आप देख रहे हैं, और ये हमेशा लिखा रहेगा। अन्य गीत को बात गीत की बात करें तो कर्मा गीत आदिवासी महिलाएं महिला पुरुषों का सामूहिक गीत है, इसमें कर्म और श्रृंगार का अद्भुत संगम है। लोरिक चंदेनी गीत ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है। बैना गीत देवी देवताओं को प्रसन्न रखने हेतु तंत्रमंत्र विधान गीत है। संध्या गीत कुंवारी कन्याओं द्वारा दीवार पर मिट्टी की संध्या देवी बनाकर सामूहिक रूप से गाया जाता है। डंडा गीत पूस पूर्णिमा को गाया जाने वाला नृत्य गीत है। पंथी गीत सतनामी संप्रदाय का नृत्य विधान आध्यात्मिक गीत है। फिर आप देखेंगे ककसार पाठा भूरिया आदिवासी लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु गाते हैं। अन्य लोकगीत की बात करें तो सुहा गीत दीपावली पर सुहा के लिए गाए जाने वाला रस प्रधान गीत है। यह विशेष रूप से गौंड स्त्रियां गाती हैं, ठीक है। राउत गीत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी के प्रारंभ होने वाले 10 दिवसीय उत्सव में यह नृत्य गीत गाया जाता है। छेर छेरा गीत माघ मास में पूर्णिमा के दिन छेर छेरा पुन्नी नामक त्यौहार पर गाया जाने वाला एक गीत है, ठीक है। इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, लोक नृत्य हो गए। मध्य प्रदेश के छेतवाल लोक नृत्य हैं मालवा निवाड़ बुंदेलखंड बघेलखंड। मालवा में आप देखेंगे रजवाड़ी डंडा मटकी पतंग नाच, और निवाड़ की बात करें तो गनगोर काठी फेफरिया मडल्या आड़ा खड़ा डंडा नाच, और बुंदेलखंड की बात करें तो कानना नौटंकी बधाई राई राई तो आप लोगों ने देखी होगी ना, सेरा ढीमराई जवारा, ठीक है। बघेलखंड की बात करें तो परधोनी सेला दादर केहरा कलसा बरहा, ठीक है। आगे बात करते हैं मालवा के नृत्य के बारे में भी देख लेते हैं। मालवा के नृत्य, ठीक है। मटकी मालवा का अत्यंत लोकप्रिय नाच है। विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर महिलाएं विशेष रूप से करती हैं। ढोल की एक विशेष ताल मटकी पर यह नृत्य किया जाता है। नृत्य प्रारंभ करने वाली महिला झीला कहलाती है, ठीक है। ये कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि मटकी जो नृत्य है ये किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो आप याद रखिए मालवा की, ठीक है। और पतंग नाच में पतंग उड़ान कहेरवा दादरा पर नृत्य किया जाता है, और यह एक महिला नृत्य है। यह भी आजकल पुरुष भी विवाह आदि अवसर पर इसे करते हैं। आप लोगों में से भी काफ़ी अच्छे डांस कर लेते होंगे, नृत्य कर लेते होंगे, यानी कि समझ रहे हैं। श्रीदेव बघेलखंड में जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला एक लोक गायन है। श्रीदेव लोक गायन में विभिन्न जनजातियां अपने पारंपरिक उत्सव के अवसर पर विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत को का गायन करती हैं। ब्रजवाड़ी नृत्य या ढोल की पारंपरिक कहरवा दादरा तालों पर किया जाता है। यह विशेषता महिला प्रधान नृत्य है, और रजवाड़ी नृत्य साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है, और यह नृत्य झुककर कहरवा की ताल पर किया जाता है, और इसे आड़ा खड़ा नृत्य भी कहते हैं, आड़ा खड़ा, ठीक है। और मालवा में रजवाड़ी अवसर विशेष पर किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लीजिए निवाड़ के लोक नृत्य की, निवाड़ क्षेत्र के, तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। तो गणगौर निवाड़ का धार्मिक लोक नृत्य है। चैत मास पर पार्वती की पिति गणगौर देवी की मूर्ति की स्थापना मोहल्ले के एक घर में करके सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से ढोल और थाली की थाप पर घेरे में नृत्य करती हैं। गणगौर के दो तरह के नृत्य होते हैं, एक तो झालरिया और दूसरा आपका झोला। वर्तमान में श्री हीरालाल साध और श्री प्रभाकर दुबे श्रीमती साधना उपाध्याय का गणगौर नृत्य दलों में श्रेष्ठ माना जाता है।
यह काठी भी एक तरह से नृत्य होता है। पार्वती की तपस्या से संबंधित मातपूजक नृत्य काठी नेवाड़ की कलात्मक अभिव्यक्ति है। बाना पहने काठी नर्तक कथा कहते हुए नृत्य करते हैं और ढाक काठी का मुख्य वाद्य यंत्र है। काठी नर्तकों की वेशभूषा को बाना कहा जाता है। काठी नृत्य को आप देखेंगे चार भगत और दो नृतक की एक टोली मिलकर प्रस्तुत करती है, ठीक है। और चूंकि इस नर्तकों की वेशभूषा नेपाल की महाकाली नृत्य की नर्तकों जैसी है, इसलिए इसे महाकाली नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। काठी का प्रारंभ देव प्रबोधिनी एकादशी से विश्राम महाशिवरात्रि को होता है और महाशिवरात्रि को काठी के नृत्य दल पंचमढ़ी, सिरवेल, महादेव, बीजागढ़, चरुआ, बड़े केसर और महादेव मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हैं। काठी माता के आराधक भक्त नाम से पुकारे जाते हैं। और इस नृत्य के प्रमुख पात्र रजुल्ला काठी माता के हाथ के लिए हाथ में लिए रहते हैं और खोरदार थाली बजाकर इस नृत्य में संगीत को लय प्रदान की जाती है। काठी देव देवी के कारण ही इसे काठी नृत्य भी के नाम से भी जानते हैं, जबकि काठियावाड़ को इस नृत्य का जन्म स्थल माना जाता है। फिर आप देखेंगे फफारिया नृत्य। यहाँ पर आप देखेंगे एक सामूहिक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष से पुंगी बजाते हुए नृत्य करती हैं, ठीक है। मडल्या स्त्री नृत्य है और जिसमें ढसेल की थाप पर विभिन्न शारीरिक मुद्राओं पर की अभिव्यक्ति होती है। आखा खड़ा नेवाड़ में जन्म मुंडन विवाह अवसरों पर ये आखा खड़ा नृत्य किया जाता है। डंडा नाच चैत बैसाख में कृषक डंडा नाच करते हैं और 20 से 25 के समूह में डंडों को परस्पर बारी बारी से टकराते हुए एक घेरे में यह नाच किया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड की अगर नृत्य की बात करें तो काफ़ी राई आप लोग चर्चित है, राई आप लोग सुनते भी हैं और नहीं सुनते हैं तो आप लोग कभी सुन भी लिया करिएगा। राई जैसे नृत्य में सौर्य और श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियाँ का समावेश है। राई के केंद्र में वेडनी नर्तकी होती है जिसे गति देने का काम मृदंग वादक करता है। राई की विशेषता नृत्य के विराम काल में स्वांग का आयोजन है और जिसमें सामाजिक विधुताओं पर खुलकर चोट की जाती है। और एक तरह से आपने देखा होगा इसमें कोई महिला एक तरह से चक्कर लगाती रहती है, वही बात की जा रही है। एक आपका बुंदेलखंड में नृत्य है सेहरा नृत्य। सावन माह में कजली तीज के अवसर पर आंगनों में नाचकर गाया जाने वाला इस नृत्य में 14 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं और नर्तक वृत्ताकार खड़े होकर कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य में आप देखेंगे ढोलक हो गया, टिमकी हो गया, मजीरा, मृदंग, बांसुरी वाद्य यंत्र प्रमुख होते हैं इसमें, ठीक है। कनाना नृत्य धोबी समाज में 100 अवसरों पर किया जाता है। नृत्य के साथ आप देखेंगे सरस्वती और गजानन भगवान की कथा भी की जाती है। नृत्य में भक्ति आधारित गायन होता है जिसमें आप देखेंगे रामकृष्ण तथा शिव की लीलाओं का वर्णन होता है। और आप देखेंगे नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य सारंगी, लोटा, ढोलक, तारे हैं और कभी कभी ढोलक के स्थान पर मृदंग का भी प्रयोग होता है। फिर आप देखेंगे जवारा बुंदेलखंड में समृद्धि के रूप में जवारा नृत्य किया जाता है और कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ यह नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। पुरुष स्त्री दोनों इस संयुक्त रूप नृत्य के स्त्री के सिर पर गेहूं के उगे हुए जवारा की बास्केट रखी जाती है और डांस यानी कि नृत्य किया जाता है। डांस और नृत्य आप समझ रहे हैं, नृत्य कितना अच्छा शब्द लगता है और डांस बड़ा अजीब शब्द लगता है। फिर आप देखेंगे ढीमर थाई नृत्य। यहाँ के ग्रामीण अंचल में ढीमर थाई नृत्य पिछले थे और ढीमर जाति के नर्तक गीत गाते हुए कथक की तरह पद संचलन करता है। ढीमर आप जाति देखते हैं वही करती है। शादी ब्याह और नवदुर्गा के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद अंत की बात करें तो ढोलक, टिमकी और मृदंग होता है। बधाई बुंदेलखंड की ग्राम अंचल में शादी ब्याह के अवसर पर बधाई नृत्य करने की परंपरा है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष की संयुक्त भूमिका होती है। बघेलखंड के भी आप लोग देख लीजिए। विरहा बघेलखंड में सभी जाति समुदाय के मध्य उनकी जाति के नाम पर विरहा नृत्य अहिर्याई किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष सवाल जवाब करते हैं। केहरा स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य केहरा नृत्य है जिसमें दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। इसमें बांसुरी की धुन महत्वपूर्ण होती है। फिर आप देखेंगे दादरा नृत्य कोल को आवार कहार जाति में दादरा नृत्य प्रसिद्ध है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कलसा अहीर गढ़िया आदि जातियों में सिर पर कलश रखकर कलसा नृत्य किया जाता है। स्त्री पुरुष के कमाली नृत्य सवाल जवाब शैली में होते हैं, ठीक है।
फिर आप देखेंगे केमाली नेत, केमाली नेत को साजन सजनी नेत भी कहते हैं। केमाली में स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं और यह विवाह अवसर पर किया जाता है। केमाली के गीत जवाब की शैली में होते हैं, ठीक है। अटारी नृत्य, यह बघेलखंड की भूमिया बेगाओं का नृत्य है। नृत्य वर्तुलाकार होता है, एक पुरुष के कंधे पर दो आदमी अरुण होते हैं, ठीक है अरुण। और पंडवानी गायन शैली का महाभारत आख्यान पर आधारित ऐसे लोक गायन परंपरा है जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा ओजस्वी भाषा में नृत्य अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पंडवानी मुख्यतः छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के में बघेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है जिसमें पांडवों की एक कल कथा गाई जाती है। पंडवानी में अध्यात्म धर्म उद्देश्य शौर्य साहस श्रृंगार सभी भाव सम्मिलित हैं। इसकी दो शाखाएं मिलती हैं, पहली आप देखेंगे कपालिक, इसमें आप देखेंगे गायन गायक गायिकाओं के कपाल का प्रयोग होता है। और कपालिक शैली के प्रमुख गायन की बात करें तो तेजनबाई हो गया, शांतिबाई, चेलकने, उषाबाई वारले, ऋतु वर्मा। दूसरा आपका वेदमती, तो इसमें वेदमती में शैली वाचक परंपरा पर आधारित है। वेदमती शैली के गायक गायिका विरासन पर बैठकर पंडवानी गायन करते हैं। वेदमती शैली के प्रमुख गायक गायिका की बात करें तो पूनाराम निषाद हो गया, पंचूराम, रेवाराम, लक्ष्मीबाई और श्री झाड़ूराम दिवांगन। झाड़ूराम समझ रहे हैं आप लोग, कैसा नाम लगता होगा झाड़ूराम। यहाँ भी आपके कुछ पॉइंट दिए गए, इन्हें भी देख लीजिए। राजा चक्रधर सिंह किस तरह का नाम है। उनके समय में रायगढ़ गणेश पूजा उत्सव में देशभर के कलाकार एकत्रित होते थे और इस उत्सव को गणेश मेला के नाम से जाना जाता था। उनकी स्मृति में आज भी रायगढ़ में आप देखेंगे चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। इनके चक्रधर का संक्षिप्त परिचय देख लीजिए, इनसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएं। इनके पिता के नाम की बात करें तो राजा नटवर सिंह था और इनका जन्म हुआ था 1905 में रायगढ़ में और इनकी डेथ हुई थी 1947 में, ठीक है। इनकी रचनाओं से अगर क्वेश्चन पूछे तो रग रतन मंजूषा, ताल तोय निधि संगीत विषयक था भी, और मूरज वर्ण पुष्पाकर नर्तन सर्वस्थ ये नृत्य संबंधी, और अलकापुर मायाचिक रसम रास सभी साहित्य थे, ठीक है। उपाधि की बात करें तो संगीत सम्राट, और उपलब्धियों की बात करें तो राजगढ़ महाराजा रहे और प्रसिद्ध संगीतकार नर्तक रहे और कार्तिक राम को आश्रय दिया था इन्होंने। एक है आपका नाम पंडित कार्तिक राम, बिलासपुर में भवर तान गांव में सन 1912 में कार्तिक राम का जन्म हुआ था और राजा चक्रधर सिंह ने कार्तिक राम को गणेशोत्सव के दौरान गम्मत नृत्य करते देखा व मोहित होकर उन्हें अपने आश्रय में ले लिया और कथक नृत्य में के शिक्षण की व्याख्या कर दी। और पंडित कार्तिक राम ने सन 1936 में दिल्ली में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में चुनौती भरा नृत्य प्रस्तुत किया जहां उनकी आसारण नृत्य कलाकार विशेष सम्मान और नृत्य सम्राट की उपाधि मिली। और आप देखेंगे कार्तिक राम व कल्याण दास की जोड़ी ने पूरे देश में ख्याति अर्जित की। इनके सम्मान उपाधि की बात करें तो इसे नृत्य सम्राट, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी मिला, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया, सुर श्रृंगार परिषद बंबई से इन्हें पद्म एक तरह से सम्मान भी दिया गया, ठीक है। इनके बारे में याद रख सकते हैं गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार अपने समय के असाधारण नृत्यकार, रायगढ़ घराने की विलक्षण विशिष्टतम अति विलंबित लय पर असाधारण अधिकार, भजन गजली गजल व ठुमरी गायन करते थे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि ढोला मारू, मूलतः राजस्थान की लोक कथा ढोला मारू कालांतर में क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हुए संपूर्ण उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो गई है और ढोला मारू स्थानीय सांस्कृतिक रंगों में लिपटकर मनोहारी हो जाती है। सूरजबाई खांडे ढोला मारू को बेहद प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करती है। अब है आपके जनजातियों के नृत्य, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा गौर नृत्य। गौर नृत्य इसमें सिंह मारिया जनजाति वस्त्र से संबंधित इस नृत्य को खुशी के अवसर पर विशेषकर आप देखेंगे नई फसल के समय एक तरह से इसे नृत्य को करती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा मांडिया युवा गौर नामक पशु के सिंह कौड़ियों से सजाकर सिर पर सकते हैं या रखते हैं और अत्यंत आकर्षक ढंग से नाचते हैं। इसे आप देखेंगे वारियर एल्विन ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य भी कहा है। अगर आपसे पूछे कि
देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसे कहा जाता है और वॉरियर एलेवन ने किसे कहा था? तो याद रखना है गौर नृत्य था ये, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा गैंडी नृत्य, तो इसमें मुड़िया आदिवासी बस्तर युवक लकड़ी की ऊंची गैंडी लकड़ी की बनी पर चढ़कर तेजी गति से नृत्य करते हैं और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि शारीरिक कौशल और संतुलन महत्व रखता है। घोटुल नामक युवा ग्रह के अंदर तथा बाहर इस नृत्य को विशेष रूप से किया जाता है और जिसे डी टोंग कहते हैं या गीत रहित नृत्य है, गीत रहित नृत्य। फिर आप देखेंगे मंडरी नृत्य, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा घोटुल समाज में मुरिया युवक और युवतियों द्वारा पृथक पृथक गीत रहित नृत्य किया जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा राउत गीत, इसमें आप देखेंगे कि अंचल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसमें अहिर जाति के लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और यह देव उठनी एकादशी के पश्चात यानी कि बाद आयोजित किया जाता है। फिर आप देखेंगे ककसार, तो ये मुड़िया आदिवासियों वस्त्र द्वारा अपने देवता लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु नृत्य किया जाता है और इस पर आप देखेंगे जो गीत गाए जाते हैं उसे ककसार पाटा कहते हैं। फिर आप देखेंगे पंथी नृत्य, तो इसमें सतनामी जाति का नृत्य है और माघ पूर्णिमा को जैत खम्भ की स्थापना कर उसके चारों ओर किया जाता है जिसमें गुरु घासीदास की चरित्र गाथा को राग से गाया जाता है। फिर आप देखेंगे कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को रिझाने के लिए किया जाता है और विजयदशमी से शुरू होकर वर्षा के आगमन तक ये चलता है। कर्मा नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है जिसमें लय ताल पद का संचालन विशेष महत्व रखता है। लय और ताल के अंतर में यह नृत्य चार प्रकार के हैं, कर्मा खरी, कर्मा खाए, कर्मा झुन्नी और कर्मा लहकी, ठीक है। मंडला के बेगा और गोंडों का तो एक प्रमुख नृत्य भी है। बेगा जनजाति का कर्मा नृत्य वैगानी कर्मा कहलाता है और इसका केंद्रीय वाद्य यंत्र मांदर है, ठीक है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल देश का पहला नृत्य कर्मा है। तो इस तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं पॉइंट है। 11 अप्रैल 2016 को आदि उत्सव में 3050 छात्राओं द्वारा संपन्न किया गया था। फिर आप देखेंगे दशहरा और ददरिया, तो ये आपको देखने को मिलेगा बेगा आदिवासियों के त्यौहार दशहरा और ददरिया क्रमशः सामाजिक व्यवहार की कलात्मक और प्रेम संबंधों की भावना प्रधान अभिव्यक्ति है और विजयालक्ष्मी से शुरू होने के कारण इस नृत्य का नाम दशहरा पड़ा और ददरिया नृत्य दशहरा नृत्य की कड़ी है जो लोक जीवन में प्रेम कविता के रूप में स्वीकार है। फिर आप देखेंगे भगोरिया, संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भगोरिया फागुन में होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है और झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र भी है। भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं, प्रथम दिन गुगलिया हाट जिसमें आप देखेंगे महिला और पुरुष अपने उपयोग की वस्तु खरीदते हैं और इसी भगोरिया हाट के समय बाजार में गांव के सम्मानित वायुवृद्ध व्यक्ति द्वारा भगोरा देवता की पूजा की जाती है। और फिर आप देखेंगे सामूहिक नृत्य गोल गधेड़ों का आयोजन होता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। तीसरे दिन आप देखेंगे मेला वीरान हो जाता है और जिसे आप लोग उजड़िया कह देते हैं। एक तरह से मेला ख़त्म यानी कि वीरान हो गया, आप समझ रहे। इसके माध्यम से अविवाहित युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, जिस तरह से आप लोग करते हैं। आपका ये है कि मेल बैठ नहीं पाता है, कई जगह आप लोग देखते हैं कि बीच में जाति पाति आने लगती है और अंत तक नहीं पहुंच पाता है। खैर छोड़िए, अलग बात है। रीना नृत्य, तो ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की गौंड जनजाति की स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी क्षेत्र की गौंड जनजाति विभिन्न उत्सव में इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और रीना नृत्य ही गिरजा उत्सव मनाने की परंपरा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे भवाई नृत्य, तो इसमें आप देखेंगे भवाई अथवा भवाई मालवा में विशेष झाबुआ के आसपास भीलों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य राजस्थान में भी प्रचलित है। इस नृत्य में आप देखेंगे घूंघट की हुए नर्तकियाँ मुख्य भूमिका निभाती हैं और नर्तकियाँ 7 अथवा 8 तांबे के घड़े सिर पर रखकर उनका संतुलन रखते हुए नृत्य करती हैं और भवाई नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएँ किसी गिलास के ऊपर अथवा
तलवार की धार पर अपने पैर की तलुओं को टिकाकर झूमते हुए नृत्य करते हैं। फिर आप देखेंगे तरताली, तो इसमें आप देखेंगे कमार जनजाति का यह नृत्य दो या फिर तीन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। दांतों में तलवार पकड़े स्त्रियां नाचते हुए सिर पर वर्तन के संतुलन को बनाए रखती हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे गोल गोल गधेड़ो नृत्य, तो ये भील जनजाति का नृत्य है। अहीर नृत्य ग्वालियर की यादव ग्वाला रावत राउत और बरेड़ी जाति द्वारा किया जाता है। फिर आप देखेंगे परधोनी नृत्य बेगा जनजाति का एक कला प्रधान नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। और फिर आप देखेंगे लहंगी नृत्य, तो लहंगी श्रावण मास में किया जाने वाला सहरियाओं का समूह का नृत्य है। और भुजरिया के जुलूस के आगे आगे सहरिया पुरुषों द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है। फिर आप देखेंगे हुल्की नृत्य, लड़के लड़कियों दोनों ही भाग लेते हैं इसमें, और इसमें यह गाया जाता है कि राजा रानी कैसे रहते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे थापटी नृत्य, चैत वैसाख में कोरकू स्त्री पुरुष यह सामूहिक नृत्य करते हैं और युवतियों के हाथों में चिरकोटा वाद्य यंत्र होता है और युवकों के हाथ में एक पंछा और झांझ नामक वाद्य यंत्र होता है। गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झुक झुक कर नृत्य करते हैं और थावटी के मुख्य वाद्य ढोल और ढोलक हैं। ग्राम मल्हारगढ़ खंडवा के श्री मौजीलाल कोरकू थावटी के प्रतिष्ठित कलाकार भी हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे इसमें सैला नृत्य, यह शुद्धता जनजातियों का नृत्य है और यह नृत्य आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। सैला कर सैला या ठंडा होता है और यह नृत्य दशहरे से आरंभ होकर पूरे शरद ऋतु की रातों को चलता है। आदिदेव को प्रसन्न करने हेतु सैला नृत्य का आयोजन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक सादी वेशभूषा, हाथों में डंडा लेकर एवं पैरों में घुंघरू बांधकर गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। पहले एक गायक एक दोहा बोलता है, फिर शेष उसे दोहराते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और नाचते हैं और एक तरह से आप देख सकते हैं मांदर इसका प्रमुख, एक तरह से मंदर या मांदर इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। फिर आप देखेंगे ढोडल नृत्य, यह नृत्य कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। नृत्य के साथ श्रृंगार गीत गाए जाते हैं और नृत्य करते करते समय एक दूसरे पर छोटे से छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। यह नृत्य ज्येष्ठ अषाढ़ की रातों में किया जाता है और नृत्य के साथ ढोलक ढिमकी बांसुरी मृदंग आदि का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे दुलदुल घोड़ी राजस्थान का मूल नृत्य है और ग्वालियर गुना शिवपुरी में यह स्वांग राजस्थान से आया और शहरिया संस्कृति राजस्थान से प्रभावित है। नृत्य में ढोल नगड़िया झीका और मशक वाद्य यंत्र होते हैं। फिर आप देखेंगे भारिया भड़म सैतम नृत्य, भारिया आदिवासियों का यह नृत्य समूह है जिसमें अनेक नृत्य किए जाते हैं और 20 से लेकर 50 नर्तक तक भाग लेते हैं इसमें और सैतम महिलाएं करती हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे सरहुल नृत्य, उराओ जनजाति द्वारा सरही वृक्ष उनके देवता का निवास के चारों ओर चैत मास पूर्णिमा को किया जाता है। फिर आप देखेंगे पोल दहेका नृत्य, बघेलखंड में कोल जनजाति का ये सामूहिक गीत प्रधान नृत्य है। फिर आप देखेंगे इसमें गरबा डांडिया, तो ये आपको देखने को मिलेगा दशहरे के अवसर पर निवाड़ की बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर आप देखेंगे बिनकी भोपाल के कृषक आदिवासी यह नृत्य करते हैं। गोचो वर्षा की प्राप्ति के लिए गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। टीना दीपावली के अवसर पर होने वाले गोंड स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। गेंडी पाँव में आप देखेंगे घोंडिया फंसाकर गोंड जनजाति यह नृत्य करती है। रागनी ग्वालियर की सभी जातियों व जनजातियों का नृत्य है। ढोहा नृत्य कार्तिक अमावस्या में दिन के दिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं महिलाओं द्वारा किए गए नृत्य के विपरीत पुरुष अन्य प्रकार से नृत्य प्रदर्शन करते हैं। भील जनजाति में ढोहा नृत्य भील नृत्यों का गजरा कहलाता है। फिर आप देखेंगे गरवी नृत्य, भील जनजाति में गरवी नृत्य पित्त एवं प्रकृति पूजा के रूप में किया जाता है। फिर आप देखेंगे पूजा नृत्य, तो पूजा नृत्य धार्मिक आस्था से प्रेरित यह नृत्य गोंड एवं उराव जनजाति का है। गोंड जनजाति मंडला क्षेत्र द्वारा श्रेष्ठ मास में बिदरी पूजा का उत्सव और उराव जनजाति द्वारा चैत माह में साल पूजा सार्वजनिक उत्सव पर किया जाता है इसे, ठीक है। याद रख सकते हैं आप लोग अच्छे से। जनजातियों के अगर लोक गायन की बात करें हम लोग, तो इसमें आप देख सकते हैं ककसार पाटा, मुंडिया आदिवासियों बस्तर द्वारा अपने देवता लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु यह गीत नृत्य किया जाता है और इस अवसर पर आप जो गीत गाते हैं
उसे अब उसे ककसार पाटा कहते हैं, ठीक है। हुलकी पाटा, हुलकी पाटा आदिवासियों में प्रचलित है और लड़के लड़कियां दोनों ही गाते हैं। इसमें यह गाया जाता है कि रानी रानी राजा रानी कैसे रहते हैं, हुलकी नृत्य के समय गाते हैं, ठीक है। बांस गीत की बात करें तो यह मूलतः एक गाथा गायन है और इसमें गाय नायक रागी और वादक होते हैं। इसमें मोटे बांस के एक मीटर के लंबे वाद्य को बजाया जाता है, इसी कारण इसे बांस गीत भी कहते हैं और इसे फिर राउत जाति के लोग गाते हैं, ठीक है। पंडवानी महाभारत का आख्यान पर आधारित यह गोंड आदिवासियों की प्रधान उपजाति से मुख्यतः संबंधित है। पर आप देखेंगे घोटुल पाटा, घोटुल पाटा मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में गोंड एवं मुंडिया जनजाति के लोगों के द्वारा मृत्यु के मौके पर ये गाया जाता है और इस लोकगीत में मुख्यतः राजा जोलोंग साई की कथा के साथ प्रकृति अनेक जटिल रहस्यों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है और यह लोकगीत मुख्यतः बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा गाया जाता है। फिर आप देखते हैं पंवारा, तो यह पद्य गद्य गायन शैली का यह नृत्य दो दलों में प्रश्नोत्तर शैली में होता है। भाव आवेग के साथ इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप देखते हैं कि परंपरागत लोक गायक की बात करें तो बसदेवा की गांव के बाहर जंगलों के निकट होती थी। बसदेवा बसे पहाड़ के हरे मोर रामजी, इनका मोर कर्म गायकी रहा है और बसदेवा को हर बोला या फिर जरग गंगान भी कहा जाता है। देवार भी आपका पारंपरिक रूप से सारंगी और डुमरू वाद्य के साथ संगत करते हैं और ये चंदा रउताइन और दसमत सीताराम गायक नगेसर केना गौड़वानी पंडवानी कथा गायकी के साथ बंदर का खेल भी खेल दिखाते हैं। और वेरियर एल्विन के अनुसार देवार संभवतः गोंड एवं कंवर से उत्पन्न हुए और जिन्हें आप लोग ओझा भी कहते हैं, ठीक है। प्रधान की बात करें तो गायकी से जुड़ी जनजाति है जो लिंगो पाटा गाते हैं। इसमें आप देखेंगे गोंड मिथकों और गोंड इतिहास से संबंधित गाथाएँ गाई जाती हैं। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के विशिष्ट लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं, इनसे भी आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देखें बधाई नृत्य, इसमें आप देखते हैं बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर होता है। चटकोरा नृत्य एक ओर की आदिवासियों का नृत्य है, निवाड़ क्षेत्र में होता है। टीना नृत्य बेगा तथा गोंड स्त्रियों का दीपावली पर होता है। बिमला नृत्य ये बेगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। भगोरिया हाट ये भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मटकी नृत्य मालवा का एकल नृत्य है। गोचो नृत्य ये गोंडों द्वारा किया जाता है, गोंड जनजाति। बार नृत्य कंवर आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य बंजर और बंजारों एवं शहरिया लोगों के द्वारा किया जाता है। परधोनी नृत्य विवाह के अवसर पर बेगा आदिवासियों के द्वारा बारात की अगवनी के समय आने के समय गाया जाता है। कानरा नृत्य बुंदेलखंड में धोबी जातियों के द्वारा गाया जाता है। बरेदी नृत्य ग्वाला और गुर्जर जातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, इनसे अगर क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग आराम से बैठ के करते रहा करिएगा, करना है। तो इसमें मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा सिंगा बाजा। तो इसमें आप देखेंगे मनुष्य द्वारा आविष्कृत वायु ध्वनि पर आधारित पहला यंत्र है ये और आपको देखने को मिलेगा कि मृत पशु के सींग से निर्मित होता है और अंता सिंगा बाजा कहलाता है, ठीक है, सिंगा बाजा कहलाता है और जनजाति से गुदुम के नाम से भी जानती है, ठीक है। और फिर आपका पुंगी या फिर इसे बीन भी कहते हैं। खोखले आप देखेंगे खोखले बांस के दो समानांतर फाइव से बनी पुंगी सपेरों के हाथ में देखी जा सकती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। और फिर है आपका अनसिंगा, इसे आप देखेंगे अंग्रेजी के एस आकार का आसिंगा तांबा पीतल या चांदी का बना होता है। फिर आप देखेंगे मोहरी, यह बांस से बना बांसुरी जैसा बेलनाकार यंत्र है जिसमें 7 छेद होते हैं, सभी समुदायों में पिछले थे, ठीक है। बांसुरी की बात करें तो ये बेलनाकार खोखले बांस की बनी बांसुरी फ्रिया 6 छेदों वाली होती है, प्रत्येक संगीत का आवश्यक अंग है, ठीक है। अगर हस्त वाद्यंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग ढोलक काफ़ी सुनते रहते होंगे, तो ढोलक तो इसे आप देखेंगे लकड़ी से निर्मित बेलनाकार ढोलक के दोनों ओर चमड़े का कवर होता है।
जिसे आप देखते हैं छड़ी से पीटने पर डम डम की आवाज़ निकलती है। यह छोटे छोटे बड़े आकार में होती है। ढोलकी, यह एक किस्म का ढोलक ही है जिसमें प्रायः महिलाएं प्रयोग करती हैं। ठीक है, खंजरी, हाथ में लेकर चलने वाला अत्यंत छोटा ढोलक है। गायक हाथ से कमर पर टांगी गई खंजरी को बजाते हैं। फिर आप देखेंगे इसमें आगे है माठल। इसमें आप देखेंगे जनजातियों में प्रयुक्त शंकु आकार का विशिष्ट ढोलक है। मिट्टी पर मृत बंदर की खाल लपेट कर बनाया जाता है। टिमकी, ये आप देखेंगे गर्दन पर टांग कर बजाने जाने वाला ढोल है। इसे फिर या ढोलक आदि यंत्रों के साथ समूह में बजाया जाता है। ठीक है, फिर आपका तबला, गोलाकार तबला के एक और तने चमड़े की खोल होती है जिसे अंगुलियां या फिर छड़ी से ढोल की भांति बजाते हैं। अगर हम लोग बात करें सौध्वनिक यंत्र की, तो इसमें आप देखते हैं कि तबरी हो गया। तबरी जानते हैं आप लोग, तबरी, तो इसमें आप देखेंगे तबरी में अगर बात करें हम लोग, तो राज्य की जनजातियों द्वारा प्रयुक्त यंत्र है। इसमें एक खोखली डिस्क के दोनों ओर लकड़ी की चिमटियां होती हैं जो डिस्क से टकराकर आवाज़ करती हैं और पालतू पशुओं के गले बहुधा टांगी जाती हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे खिड़की, गौंड जाति द्वारा प्रयुक्त खिड़की बाँस की होती है। फिर आपको देखेंगे ठिस्की, ये त्रिभुजाकार स्वरूप की ठिस्की में लकड़ी के गोल टुकड़े होते हैं जो वायर फ्रेम के चारों ओर घुमाए जाते हैं। अन्य अंत में आप देख सकते हैं गैडी। इसमें गैडी नृत्य में प्रयुक्त गैडी वस्तुता बांस की दो बहुत लंबी स्टिक होती हैं जिन पर नर्तक खड़े होकर नृत्य करते हैं। आप पेजिनी के बारे में भी सुनते होंगे। धातु प्रयास चांदी की देखने को मिलेगी। इससे निर्मित खोखले घुंघरुओं से भी पेजिनी स्त्रियों पैरों में पहनकर नृत्य करती है। पेजिनी आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र की अगर हम बात कर लें, तो इसमें आप देखेंगे एक तारा, अत्यंत महीन तार को एक खोखले गोल डिब्बे से बांधकर अंगुली या फिर उसमें बंधी चिमटी से बजाया जाता है। निर्गुण संत प्रयास प्रयुक्त करते थे इसे। तानफोरा, एक शास्त्रीय वाद्यंत्र है जो बीड़ा से मिलता जुलता है। ठीक है, उसी जैसा होता है लगभग। और लोक चित्रकला की मध्य प्रदेश की लोक चित्र परंपरा भी देख लीजिए। लोक चित्रकला की आशय है कि आम जनमानस द्वारा अवसर विशेष पर या फिर परंपरागत रूप से साधारण स्वरूप के चित्रों को भूमि, दीवार या फिर बर्तन, शरीर आदि पर उकेरना। ठीक है, तो निवाड़ की अगर लोक चित्रों की बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं जिरौती, हरियाली अमावस्या पर, नांगचित नांग पंचमी पर, संजा फूली ए कुंवार में, नवरत ए नवरात्रि पर, थापा सिल सप्तमी, मोरधन दीपावली पनवा पर, दशहरा चित्रण, भाई दो चित्र और चित्त वार त्यौहार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, निवार चित्र की बात करें, संज्ञा की बात करें तो पर्व पर किशोरियों दीवार पर गोबर फूल पत्ती चमकीली पन्नियों से पितृ पक्ष में 16 दिनों तक आकृतियां बनाती हैं। ठीक है, विवाह या अन्य अवसरों पर आप देखते हैं मोड़ना, भूमि पर अंकन विचलित है और भूमि अलंकन के रूप में निवाड़ में मंडना सर्वथा एक स्वतंत्र और पूर्ण कलाविधा है। फिर आप देखेंगे मालवा के चित्र की बात करें तो मालवा के लोक चित्रों में अधिकांश चित्र तो घर की महिलाएं ही बनाते हैं। मंडना की बात करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय है और जो दिवाली पर घर घर में मंडता है। ठीक है, मंडनों की हजारों आकृतियाँ होती हैं जो ज्यामितिक रेखा त्रिभुज और चतुर्भुज पर निर्भर होती हैं। चीतेरे जाति के द्वारा चित्रावन घर की बाहरी दीवारों और मंदिर की दीवारों पर होता है। निवाड़ की भांति आप देखेंगे संजा परप पर किशोरियां दीवार पर गोबर फूल पत्ती चमकीली पन्नियों से पित्त पक्ष में 16 दिनों तक आकृतियां बनाती हैं। रंगोली भी यहां लोकप्रिय है काफ़ी। हरियाली अमावस्या को दीवारों पर गोबर से 100 नाही का अंकन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर आप देखते होंगे कि मिट्टी के रंगों से दीवार पर 8 कन्हैया चित्र उकेरा जाता है। फिर आप देखते हैं हर तालिका के दिन हर तालिका का चित्र बनाया जाता है जो सिर्फ पार्वती की चित्रात्मक पूजा है। ठीक है, बुंदेली अगर लोक चित्र की हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे बुंदेली लोक चित्रों में आप चौक चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। आप लोग चौक पूजते होंगे ना, उसी को करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे प्रत्येक अवसर पर चौक चावल के आटे या गेहूँ के ज्वार के आटे कुमकुम आदि से उकेरे जाते हैं। सुरैती, ये आप देखे हुए कारी रेखांकन लक्ष्मी पूजा के अवसर पर किया जाता है जिसमें आप देखेंगे जालीनुमा अंकन होता है। नवरात्रि में आप देखेंगे कुमारी कन्याएं नौरता नामक भीति चित्र भी बनाती हैं और नृत्य भी करती हैं। मूर्ति विवाह के अवसर पर दीवारों के में उकेरे जाते हैं। ठीक है,
याद रखिए बुंदेलखंड के। फिर आप देखेंगे बघेलखंड, बघेली के लोकचित्र, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ हल्दी आटे चावल से लगभग प्रतिदिन चित्र उकेरे जाते हैं और यहाँ न सिर्फ भूमि और दीवार पर रंगों के चिंतांकन किए जाते हैं अपितु दीवार को खोदकर भी चित्र बनाए जाते हैं। बघेली लोक चित्रों में आप देखेंगे, बघेली लोक चित्रों में आपको देखने को मिलेगा इसमें कोहबर चित्र विवाह के अवसर पर बनाया जाता है, जिसकी आपको देखने को मिलेगा जिसके नव युगल पूजा करते हैं, ठीक है। और कोयले और तिल्ली के तेल से दीवार पर तिलंगा चित्र भी बनाया जाता है। छाटी चित्र शिशु जन्म के छठवें दिन बनाया जाता है और ने उरान चित्र नेवला द्वारा शिशु रक्षा दिए गए बलिदान की कहानी कहता है, ठीक है। अगर जनजातियों में बात करें हम लोग तो जनजातियों में भी कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे राज्य की गोंड हो, भील हो, बैगा हो, कोरकू हो जैसी जनजातियों में शरीर पर विभिन्न आकृतियाँ उकेरी जाती हैं। गुदना पिथा आप लोग देखते हैं ना, आप लोग भी नाम लिखवा लेते हैं अपने हाथ पर कहीं भी, ठीक है। अपने बर्तनों दीवारों पर भी चित्रकारी करके रखते हैं। नोए डोहा गोंडों में विशेष पिछले थे, ठीक है, याद रखिए। यहाँ भी कुछ आपके पॉइंट हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैलियों की बात करें तो प्रागैतिहासिक शैली, इसमें आप देखेंगे आदमगढ़ हो गया, भीम बैठका, मारा गुफा की आदिम चित्रकलाएँ इन शैली में आती हैं। मालवा शैली की बात करें हम लोग तो बाघ की गुफा गुप्तकालीन चित्रकला है, यहाँ की लोक चित्रकला मानना आदि भी मशहूर है काफ़ी। बुंदेली शैली की बात करें तो दतिया के राजा सोंगजीत सिंह ने राजस्थानी शैली को यहाँ स्थापित किया और ग्वालियर शैली की बात करें तो तोमर शासकों के संरक्षण में फली फूली है, ठीक है। और कुछ आपके प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार भी रहे हैं, इनके नाम भी याद रखिए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले आपसे। तो जनगन सिंह श्याम, इन्हें प्रथम गोंडी चित्रकार होने का गौरव प्राप्त है, जिन्होंने अपनी पारंपरिक चित्रकला को कागज और कैनवास पर उतारा और आप इनके चित्रों की कई प्रदर्शनियाँ भी हो चुकी हैं और विधानसभा भवन पर आपने इन्होंने ही चित्र उकेरे, ठीक है। सोमेश सिंह गोंडी, ये आप देखेंगे हिंदू देवी देवताओं तथा सूर्य चंद्रमा आदि के चित्र बनाना इनकी विशेषता है। नर्मदा गोंड, मंडला जिले में रहने वाली श्रीमती नर्मदा गोंड ने विविध रंगों का उपयोग करते हुए इस कल्पनाशील चित्र बनाए, इनमें पशु पक्षियों के चित्र प्रमुख हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक चित्रकार की बात करें अगर हम लोग तो इनमें आप देखेंगे सैयद हैदर रजा, ठीक है। सैयद हैदर रजा का जन्म आप देखेंगे बाबरिया नरसिंहपुर में हुआ था और 1950 में ये फ्रांसीसी छात्रवृत्ति फाइन आर्ट्स अकेडमी द्वारा प्रदान की गई और वे पेरिस चले गए। फ्रांस सरकार ने उन्हें 1953 में प्रो दिला क्रेटिक सम्मान से और 1981 में आप देखेंगे भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। 1996 में आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें श्री सैयद रजा को कालिदास सम्मान भी दिया था और इनके उल्लेखनीय चित्रों में अटल शून्य की अनंतता, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान, सफ़ेद फूल, फर्टिलिटी, नांग, अंकुरण, स्पंदन, ये सभी हैं, ठीक है। फिर एक नाम आप और सुनते होंगे, विष्णु चिंचालकर। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपसे कि विष्णु चिंचालकर का संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है, चित्रकार थे। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देवास के पास आलोट गांव में जन्मे विष्णु चिंचालकर ने देवलालीकर के सानिध्य में इंदौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से पेंटिंग की और ड्राइंग की शिक्षा ली थी। उन्होंने फ्राइडे ग्रुप बनाया और इन्हें 1960 में वेनियत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया था, ठीक है। फिर आपके देवयानी कृष्ण, इंदौर में ही जन्मी देवयानी कृष्ण के गुरु श्री देवलालीकर थे और देवयानी कृष्ण ने तिब्बत और सिक्किम में मुखोटा दृश्य का सुंदर अंकन भी किया था, ठीक है। फिर आप देखेंगे नारायण श्री श्रीधर बिंदे, तो श्री बिंदे का जन्म इंदौर में आप देखने को मिलेगा 21 अगस्त 1910 की बात है, ठीक है। उन्हें चित्रकारी के क्षेत्र में प्रारंभिक मार्गदर्शन देवलालीकर जी से प्राप्त हुआ और उनके चित्रों में आवश्यकता से मुक्ति, पटना आवास, दार्जिलिंग के चाय बागान में युक्ति, ग्राम जीवन आदि के अतिरिक्त कश्मीर की घाटी, नैनीताल की झील, ओटकमंड
और अमरनाथ, हिमालय, प्रार्थना सभा में गांधी जी, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर दो यात्री, बसंत, उमर खयाम की रोवैया आदि प्रसिद्ध काफ़ी रहे हैं। ठीक है, फिर आपके देवकृष्ण जयशंकर जोशी भी रहे हैं, इनका जन्म महेश्वर में हुआ था और इन्होंने शिक्षा इंदौर में पाई थी। ठीक है, मार्गदर्शन देवलालीकर जी और डिप्लोमा जे स्कूल बम्बई से प्राप्त किया। चित्र की बात करें तो इनकी चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन, लाल पगड़ी और साप्ताहिक बाजार गोरी त्यौहार इनके काफ़ी चर्चित चित्र हैं। ठीक है, इनके द्वारा बनाए गए। फिर एक नाम और सुनते हैं आप लोग, डॉक्टर मंजूषा गांगुली, इनका जन्म 5 नवंबर 1953 को ग्वालियर में हुआ था और नेशनल डिप्लोमा फाइन एंड आर्ट में इन्हें को लाभ चित्रण में विशेषता हासिल थी। भोपाल, कोलकाता, पुणे सहित देश के 25 स्थानों पर एकल प्रदर्शनियों इन्होंने प्रदर्शित की और इनकी कलाकृतियां मध्य प्रदेश कला परिषद रूपांकर में भी प्रदर्शित की जा चुकी हैं। सम्मान अमिता शेरगिल सम्मान, कालिदास सम्मान, हैदर सम्मान इन्हें दिया गया था। राजा राम, इनका जन्म आपको देखने को मिलेगा कि 22 जनवरी 1943 में इंदौर में हुआ। इन्होंने शिक्षा इंदौर के JD सहित बम्बई में चित्रकला सीखी और बड़ौदा फाइन आर्ट्स के MA प्राध्यापक भी रहे। इटली सरकार के अध्ययन हेतु विशेष अनुदान भी मिला। ग्रीस सरकार 1970 में सोच छात्रवृत्ति दी इन्हें। राजस्थान, मध्य प्रदेश की सभी चित्र प्रदर्शनियों को प्रदर्शित भी किया इन्होंने। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मी शंकर राजपूत। श्री राजपूत का जन्म 1919 में इंदौर में हुआ और इन्होंने इंदौर में श्री देवलालीकर से और बंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला की शिक्षा प्राप्त की। आरंभ में श्री राजपूत ने अकादमी पद्धति के चित्र बनाए और किंतु बाद में उन्होंने प्रभाववादी रीति को अपना लिया। वर्षा आगमन आपका प्रसिद्ध, इनका काफ़ी चित्र प्रसिद्ध चित्र है और इस पर आप देखेंगे कि वर्धा वकील पुरस्कार मिला इन्हें और मध्य प्रदेश की झांकी पर भी पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें। ठीक है, ऐसे आप लोग बड़े अच्छे से याद रखिए। अब है आपका मध्य प्रदेश में रंग करम। ठीक है, इसमें आपका इप्टा क्या है, इप्टा 1943-44 में इप्टा भारतीय जन नाट्य मंच के गठन से रंगकर्म को निश्चित दिशा मिली और शंभुमित्र, बलराज साहनी, उत्पल दत्त, हबीब तनवर, तनवीर जैसे ख्यातनाम हस्तियां इससे जुड़ी रही। आप देखेंगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तो भारत में रंगकर्म से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1963 में नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगकर्मी प्रशिक्षण को की संस्था रही है और रविंद्र भवन भोपाल में रविंद्र भवन की स्थापना के साथ रंगमंच की हलचलें तेज हो गई मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर रंगकर्मियों की बात करें तो इसमें आप लोग काफ़ी एक चर्चित नाम सुनते हैं, हबीब तनवीर। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में जन्मे हबीब तनवीर प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं और 1943-44 में इप्टा का गठन हुआ था और इससे श्री तनवीर संबंध हो गए। ठीक है, जुड़ गए। 1954 में उन्होंने हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की और मिच कट्टिकम, चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा बाजार आदि अनेक प्रसिद्ध नाटकों का मंचन हुआ और 1972 में इन्होंने राज्यसभा के लिए भी चुना गया था हबीब तनवीर को। ठीक है, मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान 1984 के साथ श्री हबीब तनवीर को भारत सरकार के पद्म विभूषण 2002 से अलंकृत भी किया गया था 2002 में। ठीक है, फिर आप देखेंगे वा कारंत। 1982 में भोपाल में भारत भवन के रंग मंडल के निदेशक के रूप में श्री कारंत नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और इनको ग्रीस कर्नाड के साथ वंश वृक्ष पुरस्कार भी मिला था और भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से भी सम्मानित किए गए थे। बाबा डीके। ठीक है, तो 7 जून 1919 को नीमच में जन्मे बाबा डीके ने नाट शुरुआत अकाल तांडव के लेखन से की और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाले बाबा डीके ने अपने नाटकों के माध्यम से जन जागरण किया और लगभग 75 नाटकों के 200 से अधिक प्रदर्शन बाबा डीके के निर्देशन में हुए। उन्होंने 1975 में नाट्य भारती की स्थापना भी की थी और यह प्रशिक्षणशाला लिटिल थिएटर कहलाती है। एक नाम सुनते हैं आप लोग, सेठ गोविंददास। तो जबलपुर निवासी सेठ गोविंददास महेश्वरी प्रसिद्ध गांधीवादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक रंगकर्मी भी थे और इन्होंने जबलपुर में रंगकर्म की शुरुआत भी की थी। ठीक है, और आप सुनते हैं राजीव वर्मा। तो इनका निवास रहा है भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल निवासी राजीव वर्मा ने अनेक धारावाहिकों एवं फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने, ठीक है। फिर आप देखेंगे अलखनंदन, अलखनंदन, अलख निरंजन कौन कहता है आप लोग बताइए। अलखनंदन, अलखनंदन का जन्म 1948 में होता है और अलखनंदन नाटककार, अभिनेता, नाट संगठक, संगठक और कवि के रूप में ख्याति इन्होंने पाई। अलखनंदन नाट्य संस्था नट बुंदेली के निर्देशन निर्देशक भी रहे हैं, ठीक है। पर आप देखेंगे कि विभा मिश्र, 1958 में लखनऊ में जन्मी विभा मिश्र ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से स्नातक की और पिछले 9 वर्षों से वे भारत भवन के रंगमंडल में वरिष्ठ अभिनेत्री की हैसियत से काम भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे बंसी कौल, ये भी काम काफ़ी नाम चर्चित रहता है। तो 23 अगस्त 1949 को जन्मे बंसी कौल ने स्टेज क्राफ्ट में विशेषज्ञता हासिल की है, ठीक है। नरहरी पटेल, नरहरी पटेल का जन्म होता है 2 जनवरी 1934 को रतलाम जिले के सैलाना में, ठीक है। और इन्होंने इंदौर के जननाट संघ और यवनिका के माध्यम से विगत 40 वर्षों से लोक मंच पर जन गायक के रूप में उपस्थित रहे। एक अनवार सिद्दीकी, तो अनवार सिद्दीकी ने अनेक नाटकों में भाग लिया और निर्देशन भी किया, ठीक है। एक ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, मध्य प्रदेश राज्य नाट्य स्कूल की के बारे में, तो राष्ट्रीय नाट्य स्कूल के तर्ज पर मध्य प्रदेश शासन ने 8 जुलाई 2011 को भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य नाट्य स्कूल की स्थापना की। यह रंगक्रम में द्विवार्षीय कोर्स कराता है, अगर आपके आपकी दिलचस्पी है तो आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे लोक नाट्य की बात कर लेते हैं, इसमें आप देखेंगे माच, तो मालवा का यह प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि नाट्य है और मंच सबसे उत्पन्न माच की शुरुआत रात्रि के प्रथम पहर से होती है और शेरमान खान विदूषक होता है। इसमें हीर मांझा हीर रांझा नल दमयंती जैसी कहानियों को आधार बनाया जाता है और माच के प्रणेता उज्जैन की बाल मुकुंदरी माच की वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक सारंगी देखने को मिलेगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका प्यार के चक्कर का है, ठीक है। फिर आप देखेंगे स्वांग, स्वांग का अर्थ होता है नाटक या नकल। बुंदेलखंड में प्रत्येक अवसर विशेष के लिए स्वांग आयोजित होता है, जैसे होली स्वांग, नवरात्रि स्वांग, बच्चों के स्वांग, ठीक है। नौटंकी की बात करें तो यही एक गे लोक नाट्य है जो बुंदेलखंड में अत्यधिक पिछले थे। ध्रुव भक्त प्रहलाद, लैला मजनू, सोहिनी महिवाल जैसे धार्मिक पौराणिक प्रेम प्रसंगों को लेकर नौटंकी का आयोजन मंच होता है। देखिए लैला मजनू, आप लोग जब पढ़ते हैं प्यार में तो क्या कहते हैं कि लैला मजनू मत बनो जांदा, तो यही हुए है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कठपुतली, पर्दे के पीछे स्थित कलाकार बिना सामने आए पुतलों के प्रतीकों से किसी कहानी या गधा का प्रदर्शन कर देता है। इसकी कई शैलियां प्रचलित हैं जैसे दास्तान पुतली, धड़ पुतली, सूत संचालित पुतली, छाया पुतली। गम्मत, गम्मत का अर्थ होता है नाटक। नेवाड़ में गम्मत सर्वाधिक प्रचलित लोक विद्या है। इसमें झांझ, मादर, मादर और ढोलक, हारमोनियम, तबले का प्रयोग होता है। रासलीला, मुख्य रूप से नेवाड़ में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रासलीला का आयोजन होता है जिसमें कृष्ण प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। आजकल आप देखिए प्यार कितना बदनाम कर रहा है लैला मजनू को, कृष्ण भगवान को, समझ रहे हैं उन्होंने किस तरह से प्यार किया आप समझ सकते हैं, और आजकल कैसा हो रहा है। देखिए समय समय की बात है, समय बदलता रहता है। अब आप लोग 21वीं सदी के हैं तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिंदवा, तो यह बघेलखंड की महिलाओं का नाट्य है जिसमें अश्लीलता की कोई सीमा रेखा नहीं होती। इसे बहलोल भी कहा जाता है, बहलोल भी कहा जाता है। मनसुखा, रास का बघेली संस्करण मनसुखा है और मनसुख और गोपियों के मध्य नोकझोंक छेड़छाड़ इसकी मुख्य विषय वस्तु है। खम स्वांग, कोरकुओं का खम स्वांग मेघनाथ की पूजा के अवसर पर किया जाता है। झांग व मृदंग के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली खम स्वांग लोक कथाओं पर आधारित है, ठीक है, याद रखिए इसे। फिर आप देखेंगे छाहुर, छाहुर, छाहुर बघेलखंड का लोक नाट्य है और दीपावली से गोप
अष्टमी तक अहीर तेली कुम्हार जाति के लोग चाहोर का आयोजन करते हैं। रागनी, रागनी ग्वालियर अंचल की लोक नाट्य विधा है। रागली रागनी लोक नाट्य सभी जातियों में किया जाता है और सहरियाओं में रागनी का प्रचलन सबसे अधिक भी है। सहरियाओं में रागनी के कई लोकप्रिय कलाकार हैं, जिसमें साडोरा की श्री सावरिया की रागनी मंडली बहुत प्रसिद्ध है। फिर आप देखेंगे भवाई, झाबुआ के आसपास आप देखेंगे पिछले भवाई मुख्यतः गुजरात का लोक नाट्य है। फिर आप देखेंगे हिंगोला, मंच रहित एक सरल नाट्य हिंगोला, वस्तुतः दो दलों के बीच गीतों भरे नोकझोंक है। इसमें हिंगोला देवी के पाठ की सीख दी जाती है। फिर आप देखेंगे लकड़बगा, यह विवाह के अवसर पर आप देखेंगे के बाद विवाह के बाद मंच पर खेला जाता है। इसमें लड़की को लकड़बगा उठा ले जाता है और लकड़बाघों को युवक आकर तीर से घायल करते हैं और घायल लकड़ों की लड़की सेवा करती है। नौटंकी की बात करें तो बघेलखंड में एदल वैरग और राजा या फिर मनीहारिन के प्रसंगों को लेकर नौटंकी खेली जाती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के में प्रमुख जो लोक शिल्प हैं इनके बारे में देख लीजिए, क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप देखेंगे मिट्टी शिल्प, या ऐसे आप लोग टेरा कोटा भी कहते हैं, ठीक है। झाबुआ, मंडला, बैतूल आदि जिलों में आप देखेंगे कि मिट्टी शिल्प अपनी अपनी निजी विशेषताओं के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और चर्चा में भी रहते हैं। आप लोग देखते होंगे मंडला जिले में निवास करने वाली पूनिया और अरहरिया जनजातियाँ टेराकोटा शिल्प होते हैं, इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। इस शिल्प में आप देखेंगे धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काम आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है। इसमें आप देखेंगे बड़ी देवी, फुलवारी देवी की प्रतिमाएँ प्रसिद्ध हैं और आप अपने क्षेत्र में भी तो देखते होंगे कि बड़ी देवी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, समझ रहे हैं। इस फिल्म में तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामान और गमलों का निर्माण भी होता है। फिर आप देखेंगे काष्ठ शिल्प, इसमें क्या है काष्ठ शिल्प में आदिम समूहों में सभी काष्ठ में विभिन्न रूपांकर उकेरने की प्रवृत्ति सहज रूप में देखी जाती है। कोरकू, मृतक, स्तंभ, मंडो, भीलों में आप देखेंगे कलात्मक दीवान्या काष्ठ कला की श्रेष्ठ नमूने हैं और मंडला में बेगा और गौंड मुखोटी मकान औजार में काष्ठ का कलात्मक उपयोग करते हैं। फिर आप सुनते हैं कराध कला, तो ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। श्योपुर हो गया, बुधनी घाट हो गया, रीवा, मुरैना, इसमें आप देखेंगे करात कला की प्रतिष्ठित केंद्र हैं और जिनकी कला पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। सागौन, दूध, घी, खेर, मेडला, सरई, कदम की लकड़ी पर इस तरह की खराद की जाती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे गुड़िया शिल्प, ये क्या है, तो इसमें आप देखेंगे नई पुरानी रंगीन चिन्नियों और कागजों से गुड़ियाएँ बनाने की परंपरा लोक में सब दूर देखी जा सकती हैं। झाबुआ तो भीली गुड़िया का केंद्र भी माना जाता है, ठीक है। झाबुआ की भीली गुड़िया प्रदेश और प्रदेश के बाहर तक प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और श्रीमती बातोबाई गुड़िया शिल्प की श्रेष्ठ कलाकार भी हैं और नई पुरानी रंगीन चिन्नियों और कागजों से गुड़िया बनाने की परंपरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सदियों पुरानी है। ग्वालियर अंचल में आप देखेंगे कपड़े, लकड़ी और कागज से बनाई जाने वाली गुड़ियों की परंपरा अनुष्ठानिक है, तो इस क्षेत्र को भी आप याद रखें। फिर आप देखते हैं बाँस शिल्प, तो इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश में बाँस बहुतायत होता है और यहाँ पर बाँस से अनेक सौंदर्य परक और उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं। आपके घर में भी आप लोग देखते होंगे कि दैनिक जीवनचर्या में कुछ वस्तुएँ उपयोग होती हैं, जो आप देखते हैं बांस का जो पौधा होता है एक तरह से बड़े बड़े डंडे होते हैं उसी से बनाई जाती हैं। और बालाघाट इसका प्रमुख केंद्र है और झाबुआ मंडला की जनजातियों में बांस शिल्प का अत्यधिक निर्माण होता है। फिर आप देखेंगे पत्ता शिल्प, तो आप देखेंगे राज्य में पेड़ पौधों से मिलने वाली विभिन्न पत्तों से अनेक कलात्मक उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं, जैसे खिलौने हो गए, चटाई हो गई, आसन हो गया, दूल्हा दुल्हन के मोड हो गए, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि छीपा शिल्प, इसमें क्या किया जाता है, कपड़े पर हाथ से बनाए जाने वाले छीपा शिल्प में विभिन्न छापों को उकेरा जाता है और बाघ, कुछी और मनावर, बदनावर, गोगांव गांव और खिराला उज्जैन छीपा शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं। उज्जैन का छीपा शिल्प भैरुगढ़ के नाम से विख्यात है और बाघ पेंट बाघ तहसील जिलाधार की वस्त्र पेंटिंग कला है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में बाघ की प्राचीन गुफाएँ भी भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं,
ठीक है, बाघ की गुफाएं आप लोग सुनते हैं उसी की बात की जा रही है। बाघपेंट 60 के दशक से पहले अली जरीन के नाम से जानी जाती थी। इसमें आप देखेंगे इसमें परंपरागत रंगों का प्रयोग किया जाता है। बाघपेंट साड़ी, घाघरा और पगड़ी, लुगड़ा और चोली पर उकेरा जाता है। बाघपेंट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई अर्जेंटीना की वस्त्र निर्माण कंपनी रेपसोडिया ने, जब वो उसके सिल्क पर बाघपेंट बनाने का प्रस्ताव दिया था। बाघपेंट सिल्क कुछ ही निवासी इस्माइल सुलेमानजी खलीस विधा में परंपरागत हैं और उन्हें यूनेस्को से पुरस्कृत भी, यानी कि पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है। और श्री इस्माइल सुलेमान का परिवार जो विशिष्ट चित्र बनाता है, उन्हें आदिवासी भील अपने वस्त्रों पर उकरवाते हैं, ठीक है। और याद रखिए, आप लोगों ने सुना होगा इतिहास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, कि हमारे यहाँ के वस्त्रों को आप समझिए विदेशों में बड़े बड़े घराने पहनते थे, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियों के वस्त्र हम लोग मंगवा रहे हैं। तो एक समय ऐसा था कि हम लोग निर्यात करते थे और आज हम लोग आयात कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे पिथौरा भित्ति चित्र, तो इसमें आप देखेंगे झाबुआ की भित्ति चित्रकारी का नाम है पिथौरा, ठीक है। इसमें घोड़ों का चिंतांकन होता है और वास्तव में यह भील आदिवासियों में प्रचलित है। और पेम्या फात्या या फाल्या भील मुख्य चित्रकार हैं इसके, ठीक है। फिर आप देखते हैं प्रस्तर शिल्प, तो ये आप देखेंगे मंदसौर और रतलाम जिला इसके मुख्य केंद्र हैं और जहाँ पत्थरों को विभिन्न आकार प्रदान करने वाले श्रेष्ठ और परंपरागत कलाकार मौजूद हैं। भेड़ाघाट संगमरमर की और ग्वालियर पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का केंद्र है। फिर आप देखते हैं लाख शिल्प, और वृक्ष के गोंद या रस से लाख बनाई जाती है और लाख का काम करने वाली एक जाति का नाम ही लखार जाति रख दिया गया है। और जिनके आप देखते हैं जिसके स्त्री पुरुष दोनों लाख कर्म में दक्ष होते हैं, उज्जैन इंदौर रतलाम मंदसौर महेश्वर लाख शिल्प के परंपरागत केंद्र रहे हैं। आपने देखा होगा एक तरह से उनके काम पर ही उनकी जाति निर्भर करती थी। एक तरह से मान लीजिए कि कोई किसी जाति का है तो उसके लिए वही काम रहेगा, वही काम करेगा वो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बाल काटने का नाई जाति का है, कपड़े धोने का धोबी जाति का है, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि सब कुछ बदल गया है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप भी चाहें तो आप भी देखा होगा कई लोग नाई ना होते हुए भी बालों की दुकान खोले हुए, ठीक है, टंकी। फिर आप देखेंगे महेश्वर की साड़ी तो काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग कहते रहते हैं बनारस महेश्वर की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, ठीक है। महेश्वरी साड़ी की प्रमुख विशेषता चौखाला चौकड़ी, कलात्मक किनार और मनमोहक पल्लू, हल्के गहरे चमकदार चांदी और सोयडिम रंगों में जरी रेशम से हथकरघा की कढ़ाई है। महेश्वर साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध शासिका अहिल्याबाई को जाता है। फिर आप देखेंगे चंदेरी भी आपका साड़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। चंदेरी में बनने के कारण इस साड़ी का नाम चंदेरी साड़ी पड़ा है। और चंदेरी साड़ी रेशमी और सूती दोनों तरह की बनाई जाती है। साड़ी में सूती और रेशमी बड़े छोटे बेल बूटे डाले जाते हैं और चंदेरी साड़ी की विशेषता उसके हल्के और गहरे रंग, कलात्मक चौड़े बॉर्डर और साड़ी के बीच बड़े आकार के जरी और रेशमी और सूती बेल बूटे हैं। बड़े आकार के बेल बूटे मोर बतख आदि की आकृतियाँ कड़ी जाती हैं इस पर और नाल फेरना चंदेरी साड़ी निर्माण की एक प्रक्रिया है। एक बात और आपको बताऊं, यहाँ आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि सस्ती से सस्ती साड़ी मिल सकती है आपको। आप समझिए कि 50 से 60 रुपए में भी साड़ी मिल सकती है और आप देखिए 50 लाख तक की भी साड़ी मिल सकती है। यही आप बनारस में भी देखते हैं, ठीक है। तो आपको जिस तरह इसकी चाहिए होती है आप ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे इसमें एक है आपका भरेवा शिल्प। ये क्या है? भरेवा शिल्प के अंतर्गत प्रदेश के बैतूल आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की कलात्मक वस्तुएं और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। यहाँ ठोकरा शिल्प कला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ? आपका बैतूल के आसपास, ठीक है। फिर आप देखेंगे पीतल शिल्प। पीतल एवं तांबे से नरसिंहपुर जिले यानी कि चिंचली में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं और यहाँ प्रमुख रूप से बर्तन बनाने का काम होता है, जिसमें आप देखेंगे परात, डेचकी और गंज शामिल होते हैं, ठीक है। धातु शिल्प की बात करें तो सतना के उचेहरा कस्बे में कांसे से प्रसिद्ध वटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं। सुपारी शिल्प की बात करें तो रीवा में सुपारी पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। सुपारी आप जानते हैं कि छोटी सुपारी होती है, उस पर कई तरह की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। आपने देखा होगा कि चावल पर भी नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। खिलौना शिल्प, तो सीहोर जिले की बुधनी तहसील काष्ठ कला कृतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो आप भी कभी क्या
माँ बाप बने तो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, बच्चों के लिए ला सकते हैं। यहाँ भी आपके कुछ पॉइंट हैं, नहीं भी आप लोग देख लीजिए, इनसे आपका क्या रहेगा कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकते हैं या और भी आपके व्यापम के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें भी आ सकता है। सूरज बाई खांडे भरथरी गायिका है और अखाड़ा बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का संपूर्ण लोक नाट्य है आपका माच, ठीक है, इसे याद रखिए। खम स्वांग कोरकुओं का लोक नाट्य है और मेघनाथ को समर्पित है। नौटंकी बुंदेलखंडी लोक नाट्य है, आप सुनते भी होंगे बुंदेलखंड में कि नौटंकी मत करो ज्यादा, क्योंकि वहाँ एक तरह से विचलित है। अब बात करते हैं हम लोग, इससे भी आपके क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार जो प्रसिद्ध लोक साहित्यकार हैं इनके बारे में याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। तो सबसे पहले आपके संत सिंगा जी, तत्कालीन बड़वानी स्टेट के ग्राम खजूरी में संबत 1541 को जन्मे सिंगा जी ने युवावस्था में आगे राजा राव के यहाँ डाक लाने ले जाने की नौकरी कर ली और इसी यात्रा के दौरान स्वामी मनरंग ने से उनकी भेंट हुई और वे बैरागी हो गए और वे पिपलिया खंडवा गांव में आकर रहने लगे और अपनी मृत्यु तक यहीं रहे। समीप उनकी समाधि बनी यहीं इसकी इसी जगह और जहां प्रतिवर्ष आप देखेंगे मेला भी लगता है और उनका समाधि स्थल अब सिंगाजी गांव के का रूप ले चुका है। तो आप समझिए कई लोग आप में से सोचते होंगे बैरागी बन जाते हैं, तो वही है। अगर इनकी हम लोग संत सिंगाजी की अगर रचनाओं की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कबीरदास जी के समकालीन संत सिंगाजी कबीर की भांति सखियां गाते थे। इसमें मैं निवाड़ी बोली में 7 बार वारहमासी 15 तिथि दोषबोध नरद शरद आदि उन्होंने रचे और उनके शिष्य खेमदास ने उनके जीवन परिचय पर परचुरी की रचना की थी और श्री राम परिहार ने उन पर कहे जन सिंगा ये 1996 में लिखी थी, ठीक, किसने, राम परिहार ने। फिर आप देखेंगे जगनिक, इनसे भी आपका क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया आपसे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जगनिक का जन्म संबद्ध 1230 में हुआ था और कलिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी जगनिक ना सिर्फ कवि थे बल्कि योद्धा भी थे, यानी कि आप समझ सकते हैं इनमें दोहरी योग्यता थी कि युद्ध भी कर सकते थे और कवि भी थे। और आप समझ सकते हैं कि कवि और योद्धा होना एक तरह से बड़ी बात होती है। उन्होंने परिमल रासो और आलाखंड लिखी, इन दोनों को याद रखिए, इनमें से कई बार पूछ लिया गया, ठीक है। और आलाखंड को सर्वप्रथम इलियट महोदय ने लिपिबद्ध किया और मुंशी राम स्वरूप ने हिंदी में अनुवादित किया, ठीक है। आलाखंड कलिंजर के दो महान योद्धाओं आला और उदल की सौरी का बनाफरी बोली में गीत रूप में प्रस्तुतिकरण है और आलाखंड में 52 योद्धों का वर्णन ओजमयी शैली में हुआ है। इस दृष्टि से यह विश्व का सबसे लंबी लोक गाथा है। ये भी आपसे पूछ लेगा कि विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा कौन सी है, तो याद रखिए आलाखंड, ठीक है। फिर आप एक नाम सुनते हैं ईसुरी, संबत 1898 में मऊरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश में जन्मे ईसुरी बचपन में ही अनाथ हो गए और उनकी सबसे बड़ी देन है फाग का आविष्कार, जो आज आप लोग फाग खेलते हैं होली, ये उन्हीं की देन है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो बुंदेलखंडी लोक बोली में ईसुरी ने लोक साहित्य की रचना की। ओरछा नरेश की सहायता से उन्होंने ईसुरी की फागों का खूब प्रचार प्रसार भी करवाया। कृष्णानंद गुप्त ने ईसुरी की फागे में पंडित गौरीशंकर द्विवेदी ने ईसुरी विकास और लोकेंद्र सिंह नागर ने ईसुरी सतसई द्वारा ईसुरी साहित्य को लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा। अब देखिए ओरझा कर दिया, ओरछा है बल्कि, ठीक है। तो आप लोग इतने तो मुझे लगता है आप समझदार काफ़ी हो चुके हैं। फिर आप देखेंगे घाघ दुबे, तो संबत 1753 में लगभग कन्नौज या निकट के गांव में जन्मे कृषि पंडित घाघ को कविता ज्योतिष और नीति संबंधी अच्छा ज्ञान था और घाघ ने कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय घोषित किया। और आप समझते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान ही है, समझ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राचीन साहित्यकार के बारे में, इसमें आप देखेंगे महाकवि कालिदास काफ़ी चर्चित नाम है और इनसे आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। कालिदास के जन्म के समय और स्थान के बारे में तथ्यात्मक जानकारी का अभाव है, यानी कि मालूम नहीं है इनका जन्म कहाँ हुआ था। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रहे हैं, कौन, आपके महाकवि कालिदास। और अग्निमित विदिशा के राजा सुंग के भी दरबारी रहे हैं, कौन, महाकवि कालिदास। जनस्रोतों के सुरीति के अनुसार कालिदास बचपन में मूढ़ बुद्धि के थे, यानी कि आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं, सबसे कमज़ोर बच्चा होता है उसे क्या कह देते हैं, कमज़ोर पढ़ने में या उसका दिमाग क्या है,
समझ रहे हैं, वही थे। उन्होंने ब्राह्मणों ने प्रगोत्मा नामक सुंदरी और विदुषी राजकुमारी का घमंड चूर करने के उद्देश्य से अपने हाथ साथ ले लिया था। उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में स्थान भी मिला। इनकी उपमाओं की बात करें तो महाकवि, कवि, कुल गुरु, कविता, कामिनी, विलास, इनके उपनाम हैं, ठीक है। रचनाओं की बात करें तो कालिदास की कुल 7 रचनाएं उपलब्ध हैं। इसमें आप 2 महाकाव्य देखेंगे। 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, इसमें एक तो है आपका रघुवंश, दूसरा है आपका कुमार संभव। 3 नाटक की बात करें तो इसमें मालविकाग्निमित्त, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमवंशीय, इनकी एक तरह से 3 नाटक हैं। इनके 2 खंडकाव्य भी हैं, एक तो ऋतु संहार, मेघदूत। ये मालविकाग्निमित्त कई बार आपसे पूछ लिया है, तो याद रखिए कालिदास की रचना है, ठीक है। यह दिया भी गया, देखिए मालविकाग्निमित्त, मालविकाग्निमित्त उनकी पहली रचना मानी जाती है जो सुंग राजा अग्निमित्त और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है, यानी कि लव पर। और कालिदास की ख्याति जिस कृति से मानी जाती है वह है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका आधार उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कवि भर्तृहरि भी हुए, तो इनके बारे में क्या है, प्रबंध चिंतामणि और प्रभावक चरित के अनुसार भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे और वे उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि ने 12 वर्ष तक उज्जैनी पर राज करने के उपरांत सिंहासन अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और सन्यासी बन गए, यानी कि उन्होंने सब कुछ देख लिया। एक बड़ी दिलचस्पी होती है कि आप समझिए कि सब लोगों ने एक तरह से सब कुछ देख कर ही एक तरह से संत बने, चाहे आप बुद्ध भगवान को ले लीजिए, महावीर स्वामी को ले लीजिए, यानी कि आप समझिए कि अपने मोदी को ले लीजिए, समझ रहे हैं, शादी की, उसके बाद कुछ सालों बाद संत बनने की सोची, तो आप समझ सकते हैं। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की और इन्होंने चुनार उत्तर प्रदेश में साधना की और सरिस्का राजस्थान में समाधि ली। इनकी रचनाओं की बात करें तो त्रिशतक, इसमें नीति शतक, सिंगार शतक और वैराग्य शतक देखने को मिलेगा। अगर इनके अन्य हम लोग ग्रंथों की बात करें तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा वाक्यपदी और वाक्यपदी वृत्ति, भागवृत्ति, महाभाष त्रिपदी और महाभाष दीपिका और शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत वृत्ति, वेदांत सूत वृत्ति। भर्तृहरि को भट्टी काव्य की रचना का भी श्रेय दिया जाता है, लेकिन यह विवादास्पद है, ठीक है। और आप देखेंगे कि भवभूति फिर आते हैं, ये पदमपुर के निवासी थे और इनका मूल नाम श्रीकंठ था और इन दार्शनिकों के मध्य अम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे भवभूति, ठीक है। भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में प्रतिष्ठित विद्वान भी रहे और इस तरह भवभूति का समय 7वीं ईस्वी सन का है, ठीक है। अगर इनकी रचनाओं अगर आपसे पूछे तो इसमें मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम इनकी रचनाएं हैं। और अगर बाण भट्टी की बात करें तो पश्चिम बिहार के किसी गांव संभवतः पितिकूट के विद्वान परिवार में जन्मे थे और हर्षवर्धन ने बाण भट्ट की प्रतिमा से प्रभावित होकर उनको अपना राजकवि बनाया। इनकी रचनाओं की बात करें तो हर्षचरितम, कादंबरी, मुकुट, तदीतक, तपिक, ठीक है। अन्य ग्रंथों की बात करें तो चंडी शतक हो गया, पार्वती परिणय, ठीक है। कादंबरी विश्व का प्रथम उपन्यास है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। कादंबरी का अधूरा लेखन बाण भट्ट के देहांत के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था, याद रखना है। अब बात करते हैं मध्यकालीन साहित्यकार कौन कौन रहे हैं, इसमें आचार्य केशव। तो सन 1555 में ओरछा के धनी ब्राह्मण परिवार में जन्मे केशवदास अपने शिष्य राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी थे और उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी तक कहा जाता है, ठीक है, किसे, आचार्य केशव को। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इसमें रसिक प्रिया हो गया, कवि प्रिया दोनों मुक्तक हैं, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित दोनों प्रबंध, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर रसचंदिका, नख सिख वर्णन, राम अलंकित मंजरी इनकी रचनाएं हैं। फिर आप देखेंगे भूषण, ये भी आपके मध्यकालीन साहित्यकार हैं। त्रिविक्रमपुर में जन्मे भूषण की उपाधि उनकी पहचान के रूप में ज्ञात है, इनका नाम ज्ञात नहीं है, ठीक है, नाम नहीं है। उनका काव्य छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल का समकालीन प्रतीत होता है, यद्यपि इनका नाम घनश्याम भी बताया जाता है। अब आप पता नहीं, अब हम लोग तो उस समय थे नहीं,
ठीक है। शिवराज, इनकी अगर रचनाओं की बात करें भूषण की, तो शिवराज भूषण हो गया, सेवा वावनी, छत्रसाल दशक, इनकी एक तरह से काफ़ी चर्चित रचना है। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा के भी उल्लेख भर मिलते हैं, मूल ग्रंथ नहीं है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कवि पद्माकर, तो सन 1753 में सागर के विद्वान तेलंग ब्राह्मण पंडित मोहनलाल भट्ट के यहाँ जन्मे पद्माकर का मूल नाम प्यारे लाल था। प्यारे लाल, प्यार होगा घर वालों को, इसलिए प्यारे लाल। पद्माकर सितारा, जयपुर, ग्वालियर आदि राज दरबारों में रहे। अगर इनकी रचनाओं की बात करें हम लोग, तो हिम्मत बहादुर विरुदावली पहली रचना थी, जो वीर रस में लिखी गई थी और जयपुर के महाराजा जगत सिंह के नाम पर लिखा गया जग विनोद उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की हम लोग बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं प्रबोध, पचासा, जय सिंह, विरोधावली, हितोपदेश, आली जाह पिकास, गंगा लहरी और राग रसायन, ये सभी कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। कुछ आपके साहित्यकारों के आप उपनाम भी याद रखिए, क्योंकि इनसे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पहले भी बता चुका हूँ कालिदास के बारे में, तो इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कालिदास का उपनाम महाकवि भी था, भारत के शेक्सपियर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भावभूति की बात करें तो अम्बेक भारत के मिल्टन के नाम से, और आश्चर्यदेव आचार्य केशवदास कठिन काव्य का प्रेत के नाम से, और रीतिकालीन प्रथम कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आधुनिक यानी कि आधुनिक साहित्यकारों के बारे में, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म की अगर आपसे बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था कब, 4 अप्रैल 1989 को कहाँ हुआ था, बावई में। अब आप देखेंगे माखन नगर जिला होशंगाबाद में पड़ता है। मावई में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी जी का अल्पायु में विवाह होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उस समय आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, ठीक है। तो वे उसी समय अध्यापक भी बने और इन्होंने स्वाधीनता संग्राम पर प्रभाव भी पड़ा इन पर। वे गणेश शंकर के जी के विद्यार्थी के संपर्क में आए, जो प्रभा के संपादक थे, और 1919 में चतुर्वेदी जी करमवीर के संपादक भी बने और राजद्रोह के आरोप में जेल भी गए, और इन्होंने प्रताप का भी संपादन किया था, तो करमवीर का भी और प्रताप का, ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो पंडित चतुर्वेदी ने गद्य और पद्य दोनों में काफ़ी साहित्य सृजन यानी कि लिखे, और प्रमुख काव्य की बात करें तो इसमें आप देखेंगे हिम किरीटनी हो गया, हिम तरंगनी हो गया, माता, योगचरण, मरण सवार, धीजूरी, काजल, आज रही, धूम वलय, ये सभी इनके काव्य हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पॉप और नाटक में कृष्णा अर्जुन युद्ध प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो कला का अनुवाद और कहानी और कहावत, समय के पांव, चिंतक की लाचारी, इनके अन्य रचनाएं हैं। उन्होंने गद्य काव्य की नवीन शैली में रंगों की बोली लिखी और बिलासपुर जेल में लिखी गई उनकी पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध रही है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि उस समय की कवि जेल में लिखकर भी अपनी कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे। फिर हैं आपके गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, श्री गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 को होता है शिवपुर कला मध्य प्रदेश में, और उज्जैन, विदिशा, अमझेरा आदि मध्य प्रदेश के स्थानों में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। छायावाद के उत्तरकाल से संबंधित श्री मुक्तिबोध को तार सप्तक का प्रथम प्रतिष्ठित कवि भी माना जाता है। प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो चांद का मुँह टेढ़ा इनकी कविता संग्रह, एक साहित्य की डायरी ये निबंध संग्रह, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति, कामायनी, एक पुनर्विचार, कुछ रचनाएं अब प्रकाश में आई जैसे सतह से उठता आदमी, काट का सपना और विपात ब्रह्म राक्षस, ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं। एक काफी चर्चित नाम रहता है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इनका जन्म होता है सन 1904 में प्रयाग उत्तर प्रदेश, जिसे आप लोग प्रयाग कहते हैं आजकल, प्रयागराज। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ, और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जबलपुर आकर करमवीर में माखनलाल चतुर्वेदी के साथ संपादन का काम देखने लगे, और उनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी राष्ट्रीय संघर्ष में हिस्सा लिया।
ये अंग्रेजों के समय की बात की जा रही है, और जेल भी गई। आप समझ रहे हैं, उस समय की महिलाएं भी काफ़ी शक्तिशाली या किस तरह से जुझारू हुआ करती थी कि वो भी जेल जाती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के सहयोग से उनकी कविता चमक उठी। रचनाओं की बात करें तो सुमित्रा कुमारी चौहान ने कहानियाँ भी लिखीं, लेकिन मुख्य रूप से वे कवियत्री थीं। मुकुल बिखरे मोती, राखी की चुनौती, जन्मावधि, जन्मांधनी और तीरीधारा, सभा की किल, सीधे साधे चित्त जैसे अल्प रचनाओं ने ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया, और झांसी की रानी कविता में तो कमाल ही कर दिया था। एक कई बार कई परीक्षाओं में आपका पूछा जा चुका है कि झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी, तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, फिर आपके आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनका 8 दिसंबर 1897 को इनका मध्य प्रदेश के भयाना जिला साजापुर में जन्मे थे, और बालकृष्ण शर्मा पर गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रवादी गुरुओं का व्यापक प्रभाव भी पड़ा। उन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्रों का संपादन भी किया। किसका? प्रभा और प्रताप। इनकी अगर रचनाओं की हम बात करें तो राजनीतिक व्यस्तता के कारण नवीन जी का साहित्यिक यात्रा में अनेक व्यवधान आए, और उन्होंने अनेक रचनाएं भी की। उर्मिला उनका महाकाव्य, और जबकि प्राणपण खंड काव्य। ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं, समझ रहे हैं। कविता संग्रह की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कुमकुम हो गया, रश्मि रेखा हो गया, आप अलग हो गया, क्वासी हो गया, विनोबा हो गया, स्तवन हो गया, हम बिस्पाई जन के, ये भी हो गई उनकी। ठीक है, फिर एक नाम सुनते हैं आप लोग, पंडित हरिशंकर परसाई। तो पंडित श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में होता है। ठीक है, और इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली और फेहरी के संपादक भी रहे हैं। परसाई जी को अनेक सम्मान और पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जैसे पद्मश्री हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, मध्य प्रदेश का शासन का शिखर सम्मान हो गया, शरद जोशी सम्मान हो गया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार हो गया, चक्कलस पुरस्कार हो गया, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का भावभूति अलंकार हो गया, इनसे नवाजे गए। और इस शीर्ष व्यंगकार का निधन होता है 10 अगस्त 1995 को। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो उपन्यास में आप देखेंगे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। अगर निबंध संग्रह की बात करें हम लोग तो इसमें आपको देखने को मिलेगा तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है। हो सकता है इन्होंने भूत को देखा, और कहते हैं आज भी आप लोग कहते हैं कि भूत के पांव पीछे होते हैं, तो हो सकता है ऐसा, आप देखिए क्या कह सकते हैं। तो ये है पंडित हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह। अगर इनके कहानी संग्रह की बात करें तो हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, व्यंग्य निबंध संग्रह की बात करें तो वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, आपके यहाँ कुछ फैक्ट भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछ ले। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। मालविकाग्निमित्त कालिदास की पहली रचना है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, और केशवदास जी रीतिकाल के प्रथम कवि थे। भावभूति यशो वर्मा कन्नौज के दरबार में थे, और वाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। कभी घाक को कृषि पंडित भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। कभी भरथरी उज्जैनी के राजा थे, वे राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा विलासपुर जेल में लिखी थी, ये आप लोग पीछे भी देख चुके हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं रिवीजन के लिए है। फिर आप देखेंगे शरद जोशी का नाम आप लोग सुने होंगे, तो इनका जन्म होता है 21 मई 1931 को, कहाँ? उज्जैन में, महाकालेश्वर मंदिर, आप समझते हैं। तो इनकी रचनाओं की बात करें, परिक्रमा हो गई, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, सभी व्यंग्य निबंध हैं ये। अंधों का हाथी, एक था गधा, ये नाटक हैं। मैं और केवल मैं उपन्यास है। तिलीरम एक कहानी संग्रह है। गद्य रचनाओं की बात करें तो किसी बहाने, एक गाना भी तो है किसी बहाने, क्या है अब आप लोग बताइए। जीप पर सवार लिया, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, किती दिन, यथासंभव, यथासमय, यंत्र तंत्र सर्वत्र, और नावक के तीर, मुद्दिका रहस्य, हम भ्रष्टन की भ्रष्ट हमारे, झरता नीम शाश्वत, थीम जादू की सरकार, पिछले दिनों, राग भोपाली, नदी में खड़ा कवि, पांव करे गंभीर,
घाव करे गंभीर पावनी, घाव करे गंभीर मेरी श्रेष्ठ रचनाएं। और व्यंग नाटक की बात करें तो अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ उल्ला उल्लाद खौ, ठीक है, ये इनकी व्यंग नाटक है। उपन्यास की बात करें तो इसमें आप देखेंगे मैं और केवल मैं। टीवी धारावाहिक की बात करें तो यह जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेच, विक्रम और बेताल, सिंहासन बतीसी, वाह जनाब दाने अनार के, यह दुनिया गजब की, लापतागंज, फिल्मी संवाद क्षेत्र, गोधुली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सोच को आँच नहीं, दिल है कि मानता नहीं, हो सकता है दिल नहीं की है कि मानता नहीं, ये गाना इन्हीं का है, इन्हीं के उस पर बन गया होगा। फिर आप देखेंगे मुल्ला रमजी, इनका नाम भी काफ़ी चर्चित रहता है, मोहम्मद सिद्दीक मुल्ला रमजी 21 मई 1896 को भोपाल में पैदा होते हैं। और गुलाबी उर्दू की शैली मुल्ला रमजी की अपनी ईजाद है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इंतिखावे गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू, मिकालात गुलाबी उर्दू, ख्वातीन अंगूरा, सादी औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रमजी, सिफा खाना, जिंदगी मुल्ला रमजी, गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी। उर्दू अकादमी ने अपने भवन का नाम मुल्ला रमजी के नाम पर रखा हुआ है, ठीक है। फिर आप देखते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, मगरायर उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म 1906 में होता है। और प्रगतिवादी और छायावादी, इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें, ये रचनाएं हिंदी साहित्य की बात करें तो 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य और नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध की इनकी बात करें तो पिकीना, किसी इस साहित्य का आधुनिक युग और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, ठीक है, इनके निबंध संग्रह हैं। फिर एक नाम है आपका डॉक्टर शिव मंगल सिंह चौहान, झगरपुर उन्नाव में इनका जन्म होता है 1916 में, और ये प्रगतिवादी और छायावादी कवि थे, ठीक है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को भारत भारती पुरस्कार, सोवियत भूमि पुरस्कार और पद्मश्री और दयावती मोदी सम्मान भी प्राप्त है इनकी। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो हिल्लो, विश्ववास बढ़ता ही गया, आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, बिंद हिमालय, माटी की बरात, ठीक है। और फिर अगले हैं आपके पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, आप जानते हैं ठेठ ठेठ देशज, यानी कि ठेठ कवि थे। ठेठ देशज काव्यधारा की प्रतिनिधि में पंडित भवानी प्रसाद मिश्र से आप देखेंगे 23 मार्च 1913 को टगरिया गांव जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। और एक प्रयोगवादी कवि थे और गांधीवाद से प्रभावित पंडित मिश्र की रचनाएं व्यंगात्मक पुट के साथ प्राकृतिक छटा से आच्छादित हैं। और याद रखिए कभी भी किसी के पीछे विवाद लगा रहता है तो उसकी विचारधारा को इंगित करता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंगते अनमने मंगल, इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो गीत फरोश 1956, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं और नीली रेखा के खेल, कुल नीति, कुल राजनीति, खुबू की शिलालेख, तिकाल संध्या, मानसरोवर दिन, जिन्होंने मुझे रचा, बुनी हुई रस्सी, उन्होंने गांधी पंचशक्ति नाम से एक महाकाव्य भी लिखा था, कल्पना पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही किया, ठीक है। फिर आप देखते हैं बाल कवि बैरागी, मनासा मंदसौर निवासी बाल कवि बैरागी ने दर्द दीवानी, और इसमें जूझ रहा है हिंदुस्तानी, गौरव गीत भी और सरपंच, जो सरपंच आप लोग सुनते हैं, ललकार आदि कृतियाँ के रचनाकार तथा हिंदी कवि एवं गीतकार श्री बालकवि बैरागी राज्यसभा में सांसद और मंत्री भी रहे, आप समझ रहे हैं। 2018 में इनका निधन हो गया था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ बालकवि बैरागी की कुछ प्रमुख रचनाएँ भी, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। भावी रक्षक देश के, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दो टूक, सारा देश हमारा, और एक आपका दीवट प्रदीप, चांद पे दब्बा, ये सभी बालकवि बैरागी की रचनाएं हैं, ठीक है। कुछ आप देखेंगे विशिष्ट लेखन भी देख लीजिए, पुस्तक के लेखन हो गए और लेखक हो गए, इनसे आपकी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं।
जैसे पूछ लेगा आपसे कि मध्य प्रदेश का लोक साहित्य पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये थे सरीफ मोहम्मद ने, ठीक है। मध्य प्रदेश के गोंड राज्य की पुस्तक किसने लिखी थी, सुरेश मिश्र ने। बिन पानी सब सुन ए सिद्ध प्रसाद पटेरिया ने, सोने की पानी का रस देव कुमार मिश्र ने लिखी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में अन्य साहित्यकारों के बारे में जो अभी चर्चा में रहते हैं। अगर आप भी साहित्यकार हैं तो आप भी अपना बता दीजिएगा। तो इसमें बटुक चतुर्वेदी, इनका जन्म होता है 1933 में। कविता व्यंग्य रिपोर्टाज लेखन करते हैं और इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो पहला चरण धन धड़कनों के आसपास, आदमी होने का दो। फिर आपके डॉक्टर वसीर वद, उर्दू शायरी के शीर्ष शायर एवं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के मीर तकी मीर सम्मान से सम्मानित डॉक्टर वसीर वद का नाम उर्दू शायरी के प्रथम पायदान पर है। हिंदी तुम्हारे लिए, औच आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल का मुतालबा, उजाले अपनी यादों के, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया चुका है। ये मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। 2018 में इनका देहांत, यानी कि आप समझ सकते हैं चल बसे। फिर आपके माधव राव सप्रे, तो 1971 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में जन्मे श्री सप्रे को माखनलाल चतुर्वेदी अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं और बाद में ये छत्तीसगढ़ चले गए और 1900 में छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ और 1905 में सप्रे संग्रहालय, ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, भोपाल में। इनके जन्म को लेकर देखिए 1871 होगा यहाँ, तभी तो 1900 आएगा, ठीक है। अगर गलत हो तो आप लोग सर्च करके लिख देना, मैं बता रहा हूँ ना, बड़ी गलतियाँ छपी हुई हैं इनकी, लेकिन क्या कर सकते हैं। और कई ग्रंथों का इन्होंने प्रकाशन भी किया। सप्रे संग्रहालय ये भोपाल में है, ये भी याद रखिए। माधवराव सप्रे की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो महाभारत, मीमांसा, हिंदी दासबोध, इनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को मध्य प्रदेश में हिंदी की प्रथम कहानी भी माना जाता है। मालती जोशी, तो अक्षर आदित्य सम्मान पश्चिम बंगाल का रचना पुरस्कार और महाराष्ट्र संघ का साहित्य पुरस्कार प्राप्त मालती जोशी की कविताएं, कहानियां और व्यंग्य देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर में भी प्रकाशित होते हैं। दो उपन्यास, एक व्यंग संग्रह, पौंच बाल संग्रह हिंदी और मराठी में प्रकाशित हो चुके हैं इनके। जगदीश चतुर्वेदी की बात करें तो 1971 में इतिहास हंता हेतु सूर विकास पुरस्कार, सूर पुरस्कार और 1976 में सूरपुत्र हेतु उत्तर प्रदेश पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। चंद्रसेन विराट की अगर बात करें तो ये विराट कोहली नहीं है, चंद्रसेन विराट है। मध्य प्रदेश के कवि विराट मूलतः रतलाम निवासी हैं और इनकी रचनाओं की बात करें तो स्वर के सोपान, निर्वसन, चांदनी, पीले चावल द्वार पर और कचनार की टहनी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राजेंद्र माथुर की बात करें तो इंदौर से प्रकाशित नई दुनिया के संपादक रहे हैं और नवभारत टाइम्स के भी प्रधान संपादक भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषज्ञता लेखक रहे हैं। देखिए उस समय के एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जितनी आज के समय में सुविधाएं पत्रकारों के पास हैं, आप समझ सकते हैं कि पहले कभी नहीं होती थी। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि पत्रकार बढ़ चुके हैं, कोई बीजेपी की तरफ, कोई कांग्रेस की तरफ, कोई किसी और पार्टी की तरफ, आप समझ रहे हैं। और कभी कभी तो आप लोग इनकी जो ये लोग ट्विटर पर कभी चलाए या कहीं भी और चला के देखें तो आप लोग इनके जो लेख देखा करिएगा, अगर इनका नाम हटा दिया जाए, उनकी पत्रकार हटा दिया जाए तो ये लगता है किसी पार्टी का ये लेख है, समझ रहे हैं, किसी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है तो ये चल रहा है, ठीक है। खैर छोड़िए अपन को क्या। अशोक वाजपेयी की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्चाधिकारी श्री वाजपेयी को भारत भवन, कालिदास अकादमी, उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के संस्थापक संचालक के रूप में जहां साहित्य संस्कृति को पुष्टि करने का सहयोग मिला, वही हिंदी अंग्रेजी में साहित्य सृजन के द्वारा
उन्हें देशव्यापी ख्याति भी प्राप्त हुई है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो शहर अब भी संभावना, एक पतंग अनंत में और कला विनोद अकेला इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी में थे, आप भी आगे चल के बन सकते हैं। फिर आप देखते हैं एक नाम है मेहरुन्निसा परवेज, बहु प्रशंसित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, वी सिंह जूदेव पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो आँखों को दहलीज, आदम और हब्बा और अकेला पलाश अंतिम पढ़ाई, ठीक है। फिर आप हैं आपके डॉक्टर धनंजय वर्मा, ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर धनंजय वर्मा को 1971 में आचार्य दुलारी वाजपेयी पुरस्कार, 1976 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। और इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो निराला काव्य और व्यक्ति, व्यक्तित्व, आस्वाद के धरातल, अंधेर नगरी और हस्तक्षेप इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। फिर आप एक नाम सुनते हैं मनिक वर्मा, तो मनिक वर्मा की बात करें तो हास्य ब्रंग कवि मानिक वर्मा को काका हाथ रसी पुरस्कार, ठिठोली पुरस्कार, टेपा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आदमी और बिजली का खम्मा, महाभारत अभी जारी और दस्तक इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए पुरस्कार कभी पूछे जाएंगे कि इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, लेकिन इन्हें इनकी रचनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। डॉक्टर अजीत राय जादा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, लेखक और कवि, पुरातत्व एवं संस्कृति विशेषज्ञ और हिंदी और अंग्रेजी इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी रही हैं, अंग्रेजी में हाशिए पर आदमी काव्य संकलन है, इंडियन ओशियन पॉलिटिक्स शोध प्रबंधन, आर्ट आर्कियोलॉजी ऑफ रतलाम, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम है। फिर आप देखते हैं अनवर इस्लाम, 1994-95 मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के पंडित रविशंकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो सारी दुनिया दंग, सारी दुनिया दंग, बादल आए पानी लाए, स्वागत है अजनबी दोस्त, इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे अमृतलाल आकिंचन, नाटक कहानी समालोचना और संपादन विधाओं के स्वतंत्र लेखक जिनकी अनेक रचनाएं धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान और अन्य प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में भी इनकी रचनाएं काफ़ी हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे नरेंद्र चंचल, तो साहित्य जगत में व्यंग और निबंध और कविता के रूपक के लिए पहचाने जाते हैं। 1963 में इन्हें कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख अगर कृतियों की बात करें तो इसमें आपको देखें कोनों को मिलेगा, अनदेखे रास्ते, शब्द तो गाएगा, गद्यवाण, विजय ध्वनि, आस्था के गीत, ठीक है। फिर आप देखेंगे विट्ठल भाई पटेल, तो राज्य के पूर्व मंत्री, एक कवि और एक शायर भी रहे हैं। उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों में गीत भी लिखे। इनकी चर्चित कृतियों की बात करें तो दीवारों के खिताब और प्यासे हार्ट, अंत नहीं जाएगा आदि, और 2019 में इनका निधन हो गया था। और फिर आप देखेंगे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे, तो राष्ट्रपति द्वारा साहित्यश्री, पद्मश्री तथा हिंदी भूषण आदि सम्मानों से इन्हें विभूषित भी किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे की प्रतिष्ठित कृतियों की बात करें तो साहित्य के चरण, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा, तुलसी साहित्य के संदर्भ, राम काव्य की प्रगतिशील अध्यात्म, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे त्रिलोचन शास्त्री, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार भी मिला है, मैथिली गुप्त सम्मान भी मिला है, सलाका सम्मान से पुरस्कृत भी हुए हैं। सम्मानित कवि, नाटककार और कहानीकार की प्रमुख कृतियों की बात करें तो धरती, गुलाब और बुलबुल, दिवंगत शब्द उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, ये सभी इनकी कृतियाँ हैं, ठीक है। फिर आप गिरिजा कुमार माथुर के बारे में भी सुनते हैं, हिंदी कवि, नाटककार, समलोचक हैं और अशोक जिले के निवासी रहे हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो मैं वक्त के सामने, काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है इसके लिए, हम होंगे कामयाब एक दिन, दूरदर्शन पर लोकप्रिय है, आपके लिए काफ़ी ये मोटिवेटिव भी हो सकता है। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नाश और निर्माण, मंजीर, मंदार, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले। कामता प्रसाद, अगर गुरु की हम लोग बात करें तो हिंदी व्याकरणचार रहे हैं और सागर में जन्मे थे, सागर मध्य प्रदेश में ही तो पड़ता है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी अगर रचनाओं की हम बात करें तो बाल सखा,
तथा सरस्वती पत्रिकाओं के संपादक का कार्य भी इन्होंने किया। इनकी अन्य रचनाओं हिंदुस्तानी शिष्टाचार, पार्वती और यशोदा उपन्यास है, विनय पचासा, ब्रजभाषा काव्य, भौमासुर वध और पद्य पुष्पावली, सत्य प्रेम इनकी रचनाएं हैं अन्य। ठीक है, फिर आपकी चंद्रकांत देवताले हिंदी एवं कवि और लेखक भी रहे हैं। इनका नाम जन्म हुआ था जोलखेड़ा बैतूल में। इनकी रचनाओं की बात करें तो दीवारों पर खून से, पत्थर की बेंच, हड्डियों में छिपा ज्वार और लकड़बगा हंस रहा है, उजाड़ में संग्रहालय, इतनी पत्थर रोशनी, ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है। नरेश मेहता की अगर हम बात करें तो साजापुर में इनका जन्म होता है और कवि और लेखक रहे हैं। 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इन्हें, 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और चौथा संसार के संपादक भी रहे हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करें तो अरन हो गया, चेतन हो गया, प्रसाद पर पुरुष, यह पथ बंधु, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। फिर आपके आते हैं कैप भोपाली, ये प्रसिद्ध गीतकार और शायर रहे हैं और भोपाल में इनका जन्म हुआ था। हरि कृष्ण देवसरे बाल साहित्य के प्रसिद्ध रचयिता रहे हैं और जन्म स्थान इनका नागौद सतना। ठीक है, पराग पत्रिका बाल पत्रिका का संपादन हरि कृष्ण देव सरे की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो डाकू का बेटा, या मेल के पहले पत्थर, स्वान यात्रा, प्रथम दीप स्तंभ, दूसरे ग्रह के गुप्तचर, इनकी प्रमुख रचना है। श्री कृष्ण सरेल की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे अत्यंत आम बोलचाल की हिंदी में रचनाक्रम है और इनका जन्म अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश रहा है। इनकी रचनाओं की बात करें तो जय हिंद हो गया, क्रांतिकारी घोष कोष हो गया, इतिहास पुरुष, सुभाष महाबली इनकी प्रमुख रचना है। मध्य प्रदेश शासन ने कविता के लिए श्री कृष्ण सरल पुरस्कार स्थापित किया है। ठीक है, अनिल माधव दवे ये पर्यावरणविद, राजनीतिक और लेखक रहे हैं। ठीक है, और इनका जन्म आप देखेंगे है और इनका जन्म वडनगर जिला उज्जैन में हुआ था। इनके योगदान की बात करें तो नर्मदा सेवा अभियान, नमामि देवी सर्वदे से संयोजक रहे हैं। रचनाओं की बात करें तो नर्मदा संग्रह 2009 में, शिवाजी व सुराज 2012, सृजन से विसर्जन तक, उत्तम मानव निर्माण की हिंदू संस्कार 2005 में इन्होंने लिखी। फिर आप एक नाम सुनते हैं अमृतलाल वेगड़, नर्मदापुत्र ने कहा जाता है। नर्मदापुत के नाम से प्रसिद्ध अमृतलाल वेगड़ पर्यावरणविद, लेखक और चित्रकार रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन सामान्य तो बन जाते हैं कि नर्मदापुत की संज्ञा किस कवि को दी जाती है, किस साहित्यकार कवि को। ठीक है, तो ये है आपके अमरलाल बिगड़। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें तो तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, अमृतसर नर्मदा और नर्मदा तुम किंती कितनी सुंदर हो, कितनी किंती लिख दिया। ठीक है, राष्ट्रीय कवि प्रदीप, तो इनका जन्म बड़नगर जिला उज्जैन में, गीतकार और कवि रहे हैं और इन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत ए वतन के लोगों लिखा था, जिसे आप लोग देखते हैं गाते रहते हैं। लता मंगेशकर ने लाल किले पर इसे गाया 1963 में और इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी द्वारा भारत भर में हुआ। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, कवि प्रदीप का ही प्रसिद्ध रचना है। कवि प्रदीप ने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे, आप समझ सकते हैं। उनके देशभक्ति गीतों में फिल्म बंधन वर्ष 1940 में, चल चल रे नौजवान, फिल्म जागृति पर वर्ष 1954 में, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क डाल भी इनके द्वारा रचित हैं। फिल्म जय संतोषी माँ 1975 में इन्होंने यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ गीत तो उन्होंने फिल्म के लिए स्वयं गाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान भी स्थापित किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अन्य अगर हिंदी साहित्यकार की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु हो गए व्याकरण से संबंधित, रामेश्वर शुक्ल अंचल एक काव्य से संबंधित, गीतकार शैलेंद्र गुलशेर अहमद सानी, मायाराम सुरजन, मुकुट बिहारी सरोज, और हिंदी बाल काव्य व मध्य प्रदेश के लेखक की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु परकोटा सागर से ए और व्याकरणविद सुखरामा चौबे 1897 रहली सागर में, गोपाल शरण। ठीक है, यहाँ कुछ आपके फैक्ट भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। मोहत गांव नरसिंहपुर जिला तथा छारी गांव राजगढ़ जिला के लोग परस्पर बातचीत संस्कृत भाषा में करते हैं। आप समझ रहे हैं कि जो दैनिक जीवनचर्या में इनकी भाषा है संस्कृत है। तानसेन का मूल नाम तन्ना मिश्र और रामतनु पांडे था। ठीक है, तानसेन ध्रुपद शैली में पारंपरिक थी और संगीत राममाला और संगीतकार तानसेन के नाम से प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ है। इंदौर के अमीर खां ध्रुपद और
ख्याल गायक भी थे, तो ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विभिन्न सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश की, उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी आप देखते हैं कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाता है और आपका डायरेक्ट भी 3 नंबर में 6 नंबर में भी क्वेश्चंस लिखित परीक्षा में यानी कि मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश कला परिषद के बारे में। तो आप देखेंगे 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना भोपाल में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश में संगीत, नृत्य, लोक कला, नित्य कला और रंगमंच की गतिविधियों को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई संस्था बनाई जा रही है, कोई परिषद बनाई जा रही है और आप लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी सरकार काम करती है, तो कोई उद्देश्य तो होता है कि नहीं होता है, तो इसका उद्देश्य भी आप लोग याद रखिए। और परिषद प्रत्येक वर्ष संभागीय उत्सव नामक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करती है। खजुराहो समारोह, भेड़ाघाट मालवा उत्सव और ग्वालियर उत्सव का आयोजन भी परिषद प्रतिवर्ष करती है। और परिषद द्वारा जल कला पर केंद्रित कला वार्ता मासिक पत्रिका का विकासन भी किया जाता है। तो इसे याद रखिए, कला वार्ता मासिक पत्रिका निकाली जाती है आपकी मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा, ठीक है। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, तो इसके बारे में भी याद रखिए 1954 में गठित की गई थी और इसका मुख्यालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, आपकी राजधानी में। प्रदेश में साहित्य के सृजन, संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के शीर्ष एजेंसी के रूप में स्थापित परिषद का उद्देश्य साहित्यकारों को पुरस्कृत करना है यानी कि सम्मान देना है। और प्रख्यात साहित्यकारों की जन्म शती समारोह का आयोजन करता है, जैसे आप देखेंगे केशव जयंती समारोह ओडिशा में होती है और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह ये जबलपुर में देखने को मिलेगा, पद्माकर समारोह ये सागर में, माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह खंडवा में, बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह ये शाहजहाँपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे भी आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है कालिदास अकादमी के बारे में, ठीक है, तो ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। और उज्जैन में 1957 से प्रतिवर्ष हो रहे कालिदास समारोह की उपलब्धियों को सहेजने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कालिदास अकादमी की स्थापना उज्जैन में ही 1970 में हुई की गई थी, कब, 1977 में, ठीक है। और इसके कार्य की बात करें तो उज्जैन में प्रतिवर्ष जो कालिदास सम्मान समारोह का आयोजन करती है और कालिदास स्वर्ण संस्कृत साहित्य की प्रमुख कृतियों का देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद एवं विकासन भी करती है यही संस्था, ठीक है। फिर अगली है आपकी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और भोपाल में की गई थी, ठीक है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और नाट्य साहित्य को संरक्षण प्रदान करना और प्रोत्साहित करना। आदिवासी लोक कला जनजीवन पर चौमासा नाम की पत्रिका का हर चौथे माह में विकासन भी करती है, कौन, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, ठीक है। फिर आप देखेंगे भारत भवन, तो भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के द्वारा भोपाल में एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित भारत भवन सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण और संवर्धन का अग्रणी केंद्र है और इसका उद्देश्य है कि विभिन्न कलाओं का परिरक्षण और अन्वेषण और उन्नयन और व्यापक प्रचार प्रसार करना है। इस भवन के वास्तुकार रहे चार्ल्स कुरियन, ठीक है, इनको याद रखिए। फिर आप देखेंगे भारत भवन न्यास का गठन, तो आप देखेंगे शासन द्वारा अगस्त 2008 में भारत भवन न्यास में निर्देशक के रूप में पंडित जसराज गायन क्षेत्र से संबंधित हैं तथा सदस्यों के रूप में सुश्री हेमा मालिनी ये शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं और श्री अमृतलाल बेगड़ ये चित्रकला और साहित्य से जुड़े हुए हैं, श्री गोकुल उत्सव महाराज ये गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और श्री रमेश पतंगे ये दलित रचनाकार हैं और रचनाकर्म और श्री राजदत्त फिल्म और रंग कर्म से जुड़े, इन्हें न्यासी के रूप में मनोनीत किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं रूपंकर आदिवासी लोक कला और आदिवासियों द्वारा तैयार करना कला नमूनों का जीवंत संग्रहालय भी है। एक आप देखते हैं वागर्थ, वस्तुतः भारतीय भाषाओं में रचे गए काव्य का पुस्तकालय, अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत की गतिविधियों का केंद्र भी है और रंगमंडल में नाटकों का मंचन होता है। इसमें बहिरंग नामक खुली रंगशाला था, रंगशाला और अंतरंग नामक इंडोर थिएटर भी है। यहाँ आप देखेंगे भारत भवन, रूपांकर, आका, ललित और अनहद, वागर्थ, अंतरंग
और वही रंग, ठीक है। फिर आप देखिए निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को ही साहित्य के सृजनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर बल देने के उद्देश्य से भारत भवन से जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें देखेंगे पूर्वाग्रह और समवाय नामक क्रमशः द्विमासिक और त्रिमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी भारत भवन द्वारा किया जाता है। ललित नामक ललित कला से संबंधित एक भव्य पुस्तकालय भी यहाँ देखने को मिलेगा। एशिया कविता केंद्र एशियाई भाषाओं की कविताओं का केंद्र आकार ग्राफिक्स मूर्तिकला चित्रकला की कर्मशाला भी है, जबकि आश्रय कलाकारों के लिए एक आवासीय परिषद भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी भी आप लोग देखते हैं कि मार्च 1987 में भोपाल में मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य है कि समस्त तुलसी साहित्य की खोज इसका संकलन और इसका उसका विकासन और व्यापक प्रचार प्रसार करना है। अकादमी का चित्रकूट शोध संस्थान अंतर्राष्ट्रीय तुलसी विद्यापीठ के रूप में विकसित हो रहा है, ठीक है। और आप देखते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भी है। तो अप्रैल 1979 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसकी स्थापना देश के महान शास्त्रीय संगीतज्ञ जो उस्ताद अलाउद्दीन खां की थे इनकी स्मृति में मुख्य कर्मस्थली रहे मेहर सतना में है, ठीक है। सतना जिले में मेहर पड़ता है ना, यहाँ एक मंदिर भी है आप लोग काफ़ी बहुचर्चित। और अकादमी के दो कला केंद्र भी हैं, एक चक्रधर नृत्य केंद्र और दूसरा आपका ध्रुपद केंद्र। अकादमी द्वारा अलाउद्दीन खां की स्मृति में मेहर में आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष समारोह भी आयोजित होता है और अकादमी द्वारा वाद्य विनोद समारोह का भी आयोजन किया जाता है। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा सिंधी साहित्य अकादमी। 1983 में आपको देखेंगे कि भोपाल मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित सिंधी साहित्य अकादमी का मुख्य उद्देश्य है सिंधी भाषा और साहित्य का संरक्षण और संवर्धन। फिर आप मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी भी देखेंगे, ये 1985 की बात है, ये भोपाल में ही स्थापित है। और मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का उद्देश्य संस्कृत साहित्य का संरक्षण संवर्धन और विकास करना है, ठीक है। आगे चलते हैं कुल हिंद अल्लामा इकबाल आदमी मरकज, ये भोपाल में है और 1984 में कवि इकबाल की स्मृति में स्थापित अदबी मरकज का उद्देश्य उर्दू शिक्षा और साहित्य का उन्नयन उपचार करना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी भी देखने को मिलेगी भोपाल में आपको, ये 1986 में बनी। और भोपाल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उर्दू अकादमी का उद्देश्य है कि उर्दू साहित्य के संरक्षण उन्नयन प्रोत्साहन हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना है। मध्य प्रदेश माध्यम, और इसमें क्या कहा गया कि मध्य प्रदेश शासन की संचार गतिविधियों का केंद्र जनसंपर्क निदेशालय है और इसी के एक अंग के रूप में मध्य प्रदेश माध्यम का गठन किया गया है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो जनता और शासन के बीच संवाद को स्थापित करना और महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करने के उपाय करना, ग्राम पंचायतों के कार्यों और समस्याओं उनके लिए सुझाव का पंचायिका स्वयं की पत्रिका के द्वारा विकसित भी करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पंचायतों का क्या हाल है। देखिए मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में आप पंचायतों का हाल बुरा देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने कई जगह देखा होगा आपने कई क्षेत्र में सरपंचों ने अच्छा भी काम किया है। यूएन से भी आप समझ सकते हैं कि शिवपुरी की एक महिला सरपंच आपकी सम्मानित की गई थी, ठीक है। याद रखिए कुछ काम भी अच्छा करते हैं। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 1969 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्वविद्यालयीन पाठ सामग्री और संदर्भ ग्रंथों का प्रकाशन करना, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की संलयन कार्यालय की रूम में अकादमी रचना द्विमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करती है। मध्य प्रदेश में सृजन पीठ भी देखने को मिलेगी, विभिन्न विश्वविद्यालयों में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग से ने सृजन पीठ स्थापित किए और इनका उद्देश्य है कि कला और साहित्य में सृजनात्मक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करना। राज्य में आप देखेंगे 5 सृजन पीठ और 3 शोध पीठ भी हैं और 1 पत्रकारिता पीठ देखने को मिलेगा। 2 कबीर सृजन पीठ की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन ने 2017 में घोषणा की, क्या घोषणा की थी कि 2 विश्वविद्यालय में कबीर सृजन पीठ स्थापित की जाएंगी। फिर आप देखेंगे गजेटियर संचालनालय जिलों की समस्त शासन और जनोपयोगी जानकारियों को एक जई रूप से उपलब्ध कराने की एजेंसी के रूप में गजेटियर संचालनालय की स्थापना की गई थी। एक रविंद्र भवन आप भोपाल में देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन के राज्य भाषा एवं संस्कृति संचालय के अंतर्गत स्थापित रविंद्र भवन का उपयोग नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन
और प्रादेशिक फिल्म उत्सव के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें मध्य प्रदेश के पुरातत्व और अभिलेखाकार संग्रहालय भी है। तो 1956 में स्थापित संग्रहालय का उद्देश्य है कि राज्य में पुरातत्व सामग्री का सर्वेक्षण कर उनको चिन्हित करना और उनके संरक्षण अनुसरण अनुरक्षण और प्रदर्शन का प्रयास करना। अभिलेखाकार विभाग के 4 क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलेगा, एक तो आपको इंदौर में, ग्वालियर में, रीवा में और नागपुर में, ठीक है। इन सभी को भी याद रख सकते हैं, ये आपके कुछ सेजन पीठ और तो इन्हें याद रख सकते हैं, इन्हें से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आदि शंकराचार्य पीठ की बात करें तो ओकारेश्वर में देखने को मिलेगा, परशुराम पीठ की बात करें तो जानापा महू में देखने को मिलेगा, महादेवी वर्मा पीठ की बात करें तो हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में देखने को मिलेगी, गांधी शोध पीठ की बात करें तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो इंदौर में है इसमें देखने को मिलेगी, राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ की बात करें तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में देखने को मिलेगी, ठीक है। और निराला सज्जन पीठ की बात करें तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में, सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ की बात करें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, प्रेमचंद सज्जन पीठ की बात करें तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, मुक्तिबोध सज्जन पीठ की बात करें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय इस सागर में है, ठीक है। इन सभी को याद रखिए आप लोग, और इनके इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि इनसे भी आपका वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्य एवं संस्कृत एवं ललित कला अकादमियाँ, तो ये अकादमी के नाम हो गए, ये स्थापना वर्ष हो गया इनका, इनका मुख्यालय हो गया। जैसे मध्य प्रदेश कला परिषद, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और भोपाल में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की बात करें तो 1954 में भोपाल में, मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में भोपाल में इसका मुख्यालय, मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी 1976 भोपाल में है, कालिदास अकादमी 1977 उज्जैन में है, और उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी 1979 मेहर में है, सतना में, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 भोपाल में देखने को मिलेगी, अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी 1984 में स्थापित हुई थी भोपाल में देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश तुलसी संस्कृत अकादमी, ये आपने 1985 में भोपाल में, और ये मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी ये इसकी स्थापना 1987 में भोपाल में, भारत भवन 1982 में बना स्थापना हुई भोपाल में, पुरातत्व एवं अभिलेखाकार संग्रहालय 1956 में भोपाल में, ठीक है, याद रखिए। मध्य प्रदेश के केंद्र शासन की संग्रहालय की बात करें इसमें, तो आप लोग इन्हें भी याद रखिए कि पुरातत्व संग्रहालय सांची रायसेन में देखने को मिलेगा, इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित अवशेष देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो छतरपुर में देखने को मिलेगा, इसमें आप देखेंगे चंदेल काल की यानी कि 11वीं और 12वीं सदी के प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जिनमें अग्नि, स्वाहा, अर्धनारीश्वर, आदिनाथ, गजलक्ष्मी, मिथुन मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो याद रखिए। और राज्य स्तरीय अगर हम लोग संग्रहालय की बात करें तो ये 7 हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला आपका केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल ग्वालियर में 1909 में बना था, राजकीय संग्रहालय भोपाल में ये 1909 में और 1964 में इसमें कुछ सुधार होके हो गया। राजकीय संग्रहालय की स्थापना भोपाल में सुल्तान जहां बेगम द्वारा 1909 में और एडवर्ड संग्रहालय के नाम से भी की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में देखने को मिलेगा, ये मूलतः नवरत्न संस्था है, ठीक है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में और महाराजा छत्रसाल राजकीय संग्रहालय धुबेला जबलपुर में छतरपुर में देखने को मिलेगा, तुलसी संग्रहालय ये रामबन सतना में, त्रिवेणी संग्रहालय ये उज्जैन में। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि जो रानी दुर्गावती संग्रहालय ही कहाँ है, तो याद रखिए जबलपुर में, ठीक है। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना आप देखेंगे वर्ष 1923 में होलकर शासन के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में हुई, जिसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया, और बाद में आप देखेंगे 1929 में इस भवन में संग्रहालय की स्थापना की गई और 1965 में संग्रहालय वर्तमान भवन स्थानांतरित कर दिया गया। संग्रहालय में यूरोपीय चित्र देखने को मिलेंगे, इसमें ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हस्तकुठार, लीवर, स्केपर, भाला, हसिया आदि उपकरण सुरक्षित देखने को मिलेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल के जो पाषाण काल में जो उपकरण उपयोग होते थे आप समझ सकते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। जिला संग्रहालय भी आप लोगों को देखने को मिलेगा,
अपने अपने ज़िले में। तो ये 12 हैं, शिवपुरी, धार, डिंडोरी, विदिशा, शहडोल, राजगढ़, देवास, मंदसौर और होशंगाबाद, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़, कसूराबाद, खरगोन में। इनमें से शिवपुरी तीर्थकर फितमाओं के लिए और डिंडोरी जीवाश्म अवशेष के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जिला पुरातत्व संघ द्वारा संचालित संग्रहालय भी हैं, 4 हैं, एक कुकड़ेश्वर टीकमगढ़ में, जिसे आप लोग कुंडेश्वर भी कहते हैं, गुना, मुरैना और बैतूल में, ठीक है। स्थानीय संग्रहालय की बात करें तो इनकी 5 देखने को मिलेगी। और याद रखिए, करंट से जुड़े रहना आप लोग, क्योंकि बदलते रहते हैं, कुछ बढ़ते रहते हैं। तो इनकी संख्या भी 5 देखने को मिलेगी, भानपुरा, मंदसौर, आशापुरी, रायसेन, महेश्वर, खरगोन, गंधर्वपुरी, देवास और एक और आपका दमोह, ठीक है। और इन स्थानीय संग्रहालयों में स्थानीय स्तर पर प्राप्त जो भी पाषाण प्रतिमाएं हैं, इनका संग्रह किया जाता है। निजी संग्रहालय की बात करें तो इन्हें ये 14 आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, नए नए गठित होते रहते हैं, तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए आप लोग, ठीक है, कि दैनिक जीवनचर्या में जो भी घटनाएँ घट रही हैं या देश दुनिया में जो भी घटनाएँ घट रही हैं, उन पर कम से कम आपकी नज़र तो होनी चाहिए। ये 14 हैं, कौन कौन से? राजा मेगेंद्र सिंह संग्रहालय, ये शहडोल में देखने को मिलेगा। डॉक्टर आर एन नागू निजी संग्रहालय इंदौर में, श्री पदम सिंह निजी संग्रहालय इंदौर, श्री उमर सिंह नवेल्स निजी संग्रहालय ये इंदौर, श्री राजमल मड़वेया निजी संग्रहालय छतरपुर, श्री महेश चौबीस निजी संग्रहालय जबलपुर, महाराजा सीतामऊ निजी संग्रहालय सीतामऊ मंदसौर, बिड़ला संग्रहालय भोपाल, पैलेस संग्रहालय गोविंदपुर रीवा, जैन कॉलेज संग्रह विदिशा, जैन संग्रहालय जय सिंहपुरा उज्जैन में, महाराजा छतरपुर संग्रहालय खजुराहो और सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर और जैन संग्रहालय पपौरा टीकमगढ़। एक बात और याद रखिए, अगर कहीं आपको लगता है कि गलत है, आप पक्के मतलब आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप लोग सुधार के उसे नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत इसमें गलतियाँ पाई जा रही हैं, ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और याद रखिए, सब मिलजुल कर करें तो मुझे लगता है बेहतर कर पाएंगे। जहाँ किसी से गलती होती है, आप सुधार दो या फिर आप समझिए दूसरा सुधार दे, तो यही तो है। तो इन्हें आप लोग याद रखिए। मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में हुई। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में, ग्वालियर में, रीवा में और नागपुर में, ठीक है। और विश्वविद्यालय संग्रहालय की अगर हम बात करें तो 3 विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय सागर, जबलपुर विश्वविद्यालय जबलपुर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन अपने यहाँ पुरातत्व संग्रहालय स्थापित कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है। ये बच्चों को भी अपने दिखाते रहते होंगे। विशिष्ट संग्रहालय की बात करें तो सीधी श्री बादल भोई शासकीय जनजातीय संग्रहालय 1954 में बना और पातालकोट जिला छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। जनजातीय संग्रहालय भोपाल में, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मार्च 1977 में दिल्ली में स्थापित हुआ, बाद में भोपाल स्थानांतरित किया गया। ये तो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो लोग दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए भोपाल में आ गया है। रामायण और सागर संग्रहालय ओरछा अब जिला निवाड़ी में पड़ता है। माधव राव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में, सांची संग्रहालय, इसकी मूलतः स्थापना सांची की पहाड़ी पर सर जॉन मार्शल ने की थी, सर जॉन मार्शल ने। कुछ आपके राष्ट्रीय सम्मान हैं तो याद रखिए, आप लोग करंट से जुड़ के जो नए जो सम्मान मिले हुए हैं तो उन्हें आप लोग देख लेना, और अभी कोशिश करेंगे आपकी करंट अब लाएं, लेकिन देखिए क्या होता है, लेकिन आप लोग भी अपडेट करते रहा करिएगा। तो राष्ट्रीय सम्मान में आप देखेंगे कालिदास सम्मान, तो 1980 में स्थापित यह मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है, सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए 1980 में इसकी स्थापना हुई। शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रूपांकर कला और रंगकर्म में 4 सम्मान प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, ठीक है, इन्हें याद रखिए। किन किन क्षेत्रों में? शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रूपांकर कला और रंगकर्म में, ठीक है। प्रत्येक की राशि आप देखेंगे 2,00,000 रुपये, पूर्व में 1,00,000 रुपये थी, अब 2,00,000 कर दी गई, ये भी बदलती रहती है। यह पुरस्कार कालिदास समारोह उज्जैन में प्रदान किए जाते हैं और 2012 से शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गायन भी शामिल हो चुका है। अगर कालिदास सम्मान की बात करें तो आप देखेंगे शास्त्रीय संगीत में तो पहला आप देखेंगे 1981 में सुमन गुड़ी श्रीनिवास अय्यर को मिला था और मल्लिका अर्जुन मंसूर को मिला था। इन दोनों नामों को याद रखिए, पहले पूछ लेता है जरूर।
ठीक है। उसके बाद आप कुमार गंधर्व 1984-85, मुझे लगता है कि इनमें से आपका पहला ही पूछा जा सकता है, बाकी आप लोग याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी पीडीएफ क्या करेंगे टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ते रहा करिए। अगर आपके पास सुविधा है तो, अगर आपको लगती है अच्छी बुक्स है तो आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। लिखा तो विस्तार से है लेकिन आप समझ रहे हैं कि बहुत गलतियाँ पाई जा रही हैं, तो आप लोग कर सकते हैं जो भी अच्छा लगे। उसके बाद आप देखेंगे, चलिए आप लोग 2012-13 हो गया, 2012-13 में आप देखेंगे परवीन सुल्ताना को मिला था, ठीक है। पहला पूछा जा सकता है या फिर करंट का पूछा जा सकता है, बीच में आप देखिए, या फिर कोई चर्चित व्यक्ति रहा उसके बारे में भी पूछ लेता है। कालिदास सम्मान आप देखेंगे शास्त्रीय नृत्य के लिए, ये संगीत के लिए था, ये नृत्य के लिए पहली बार ये आप 1983-84 में आप देखेंगे श्री रुक्मणी देवी अरुणडेल को मिला था, ठीक है, याद रखिए। इन्हें ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए अगर लेना हो, अगर स्क्रीनशॉट अगर आपको लगे स्क्रीनशॉट पढ़ना है, या फिर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके रख लेना। अगर मैंने बताया, अगर आपके यहाँ मिलती हो बुक्स तो ले लेना। 2016-17 में गुरु जितेंद्र महाराज को मिला था, ठीक है। रम कर्म के क्षेत्र में बात करें, रंगकर्म के क्षेत्र में बात करें तो 1982-83 में पहली बार श्री शंभु मित्र को मिला था, ठीक है। और फिर आप देखेंगे 1982-83 में श्री इब्राहिम अलकाजी को मिला था। और आप देखिए 2017-18 में आपका राम गोपाल बजाज को मिला था, 2018-19 में आप देखेंगे सुरेंद्र वर्मा को, 2019 में आप देखेंगे रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा को, ठीक है, याद रखिए। और अभी करेंट में जो भी चल रहा हो इसे उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। रूपंकर कला के क्षेत्र में अगर कालिदास सम्मान की बात करें तो आप देखेंगे 81-82 में श्री केजी सुब्रमण्यम को मिला था, और 85-86 में आप देखेंगे श्री राम कुमार को मिला था, बाकी आप लोग देखते रहा करें। और 16-17 में बात करें तो आप देखेंगे हरचंदन सिंह भाटी को मिला था, ये भोपाल। अब बात करते हैं तानसेन सम्मान के बारे में। संगीत क्षेत्र की मान्यता प्राप्त हस्ती को 1,00,000 रुपये दिया जाता है इसमें, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप सभी लोग इतना कॉमन सेंस लगा लिया करिएगा कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो उसी क्षेत्र में तो दिया जाएगा। तानसेन किस क्षेत्र से थे, संगीत क्षेत्र। 1980 में स्थापित हुआ पुरस्कार और प्रतिवर्ष दिया जाता है। और ये हो सकता है कि देखिए कभी कभी ये रुक जाता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है, कोई समस्या आ गई है, तो उस साल ना दिया जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन वैसे सामान्यतः आप देखेंगे हर साल दिया जाता है। स्थापना से वर्ष 1985 तक इस पुरस्कार की धनराशि 5,000 रुपये नगद थी, और जो अब बढ़कर 2,00,000 हो चुकी है। आगे भी आप देखिए कि बढ़ती रही, कुछ भी हो सकता है। पहली बार इस हीराबाई बड़ोदकर, बिस्मल्ला खान और पंडित कृष्ण राव को दिया गया था, इन तीनों को पहले याद रखिए। तानसेन सम्मान पहली बार किसे, हीराबाई बड़ोदकर, बिस्मल्ला खान और पंडित कृष्ण राव 1980 का। फिर आप देख सकते हैं अगदन तानसेन सम्मान 2019 में विद्यासागर व्यास को, 2018 में मंजू मेहता को, सितार वादक हैं, 2017 में पंडित उल्लास कुशालकर को, बाकी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पहले किसे दिया गया पहली बार, उन्हें जरूर याद रखिए, और करंट में किसे दिया गया उन्हें जरूर याद रखा करिएगा। तुलसी सम्मान की बात करें तो 1983 में स्थापित 2,00,000 रुपये का सालाना पुरस्कार, आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला में 3 वर्ष में 2 बार प्रदर्शनकाली कला एवं 1 बार रूपांकर कला के लिए दिया जाता है, तो याद रखिए 1983 से दिया जा रहा है। और पहली बार ये दिया गया था हरीरी केशव और गिरिराज प्रसाद को 1983 में। 2018-19 में आप देखेंगे विक्रम यादव को दिया गया था, 2017-18 में कैलाश चंद्र शर्मा को, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए।
और करंट में जरूर आप लोग अपडेट हो जाना। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की बात करें तो इसके तहत प्रतिवर्ष किसी महिला कलाकार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र। देखिए मुश्किल है, देखिए कि ये पूछा जाए, लेकिन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है और पहली बार किसे दिया गया था और अभी किसे दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। प्रथम पुरस्कार तेजन बाई को 1996-97 में दिया गया था और वर्ष 2018-19 में शांति देवी झा को, 2017-18 में कृष्णा वर्मा को दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग कबीर सम्मान की। तो भारतीय भाषा की कविता के लिए प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए, पूर्व में 1,50,000 थी, पुरस्कृत संस्कृति विभाग देता है। ठीक है, संस्कृति विभाग जो मध्य प्रदेश का है वो देता है। पहली बार ये गोपाल कृष्ण अडिग को 1986-87 में दिया गया था और 2018-19 की बात करें तो गोर्टी विकन्नू तेलुगु कवि को दिया गया था और 17-18 में नरेश सक्सेना को दिया गया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे इकबाल सम्मान। तो संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त इस राष्ट्रीय सम्मान उर्दू साहित्य में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, पूर्व में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती थी और धनराशि प्रशस्ति पत्रिका प्रदान की जाती। इसमें प्रथम पुरस्कार अली सरदार जाफरी को 1986-87 में और 18 में देखेंगे गज फनफर इन्हें 2018 में दिया गया था और 2017 में बात करें तो शम्स रहमान फरूकी को दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिए। मैथिली गुप्त सम्मान। तो संस्कृति विभाग द्वारा यह राष्ट्रीय सम्मान हिंदी कविता में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पट्टिका के साथ दिया जाता है। पहली बार ये शमशेर बहादुर को दिया गया था, मैथिली शरण गुप्त, 1987-88 में। 2018 में देखेंगे आप लोग के मंजूर एहतेशाम को दिया गया था और 2017 में राजेश जोशी को। ठीक है, बाकी आप लोग याद रखते रहिए जो करना होगा आपको। महात्मा गांधी पुरस्कार की बात करें तो गांधी दर्शन के रूप सामाजिक कार्य करने हेतु 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, पहले 5 लाख रुपए थे और सर्वोच्च रुपये वार्षिक सर्वोच्च पुरस्कार संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। 1995-96 में स्थापित हुआ था और पहली बार आप देखेंगे 1995-96 में कस्तूरबा ट्रस्ट इंदौर को दिया गया था, 1995-96 में। मुझे लगता है पहली बार का आपको याद भी बना रहेगा, महात्मा गांधी कस्तूरबा ट्रस्ट को। ठीक है, और 2018 में आप देखेंगे लोक कायत संस्था पुणे को दिया गया था और 16-17 में शांति साधना आश्रम गुवाहाटी को दिया गया था। ठीक है, याद रखिए। किशोर सम्मान की बात करें तो प्रसिद्ध अभिनेता पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की स्मृति में संस्कृति विभाग ने 2 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपया मिलता था, पुरस्कार घोषित किया है। यह पुरस्कार अभिनय निर्देशन पटकथा और गीत लेखन के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है और पहली बार ये देखेंगे ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था 1997-98 में। ऋषिकेश मुखर्जी किशोर सम्मान पहली बार ऋषिकेश मुखर्जी। और 2018-19 में बात करें तो वहीदा रहमान को और 2017-18 में फिर दर्शन को। ठीक है, याद रख सकते हैं, क्या क्या याद रखें कहियो, क्या कर सकते हैं, बहुत पॉइंट होते हैं। लता मंगेशकर सम्मान, इसकी स्थापना 1984 में हुई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुगम संगीत के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार स्वर सामग्री समरागिरी और लता के नाम पर दिया जाता है। 1984 में स्थापित, 5 लाख रुपए और पूर्व में 2 लाख रुपए दिया जाता था और अब 5 लाख। ठीक है, यह राष्ट्रीय सम्मान सुगम संगीत के में प्रतिवर्ष दिया जाता है हर साल, समझ रहे हैं। और पहली बार किसे दिया गया था, नौशाद को 1984-85 में और 2018-19 में कुलदीप सिंह को दिया गया था और 2017-18 में सुमन कल्याणपुर को दिया गया था। ठीक है, कवि प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान, ये मेरे वतन के लोगों के रचनाकार जो कवि प्रदीप थे, इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश शासन की कला एवं संस्कृति विभाग ने 2 लाख रुपए का वर्ष 2013 से शुरू किया था और 2013 में पहली बार आप देखेंगे गीतकार गोपाल नीरज को दिया गया था, 2013 में, उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, 2018 में आप देखेंगे कवि अशोक चक्रधर को दिया गया था। और कुमार गंधर्व पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्थापित, 1.25 यानी कि 1.25 लाख रुपये यानी कि 1.25 लाख रुपये, पूर्व में 1 लाख रुपये थी और पहली बार ये आप देखेंगे अजय चक्रवर्ती को 1992-93 में दिया गया था। कुमार गंधर्व पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, अजय चक्रवर्ती। और 2018-17-18 में आप देखेंगे किसे दिया गया था, नीलाद्री कुमार सितार वादक को,
16-17 में ये मंजूषा कुलकर्णी गायिका थी पुणे की, और बाकी आप लोग करंट से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को नए भी आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को अगर मालूम हो तो आप लोग नीचे लिख दिया करिएगा, इससे क्या रहेगा कि लोग और लोग भी अपडेट होते रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। शिखर सम्मान की बात करें तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 1980 में प्रदत्त राज्य स्तरीय 3 शिखर सम्मान समग्र योगदान के आधार पर साहित्य प्रदर्शनकारी कलाओं और रूपांकन कलाओं के में दिए जाते हैं। इसमें 62,000 की नगद धनराशि प्रदान की जाती है और 2012 से यह सम्मान 3 के स्थान पर 7 किए गए हैं। प्रथम सम्मान की बात करें तो श्रीकांत वर्मा साहित्य को साहित्य में दिया गया था 1981 में, और शिखर सम्मान की बात कर रहे हैं और श्री डीजे जोशी को रूपांकर के क्षेत्र रूपांकर कला के क्षेत्र में 1981 में, श्री पंडित कार्तिक राम को विदर्शनी कला के क्षेत्र में 1981 में। शिखर सम्मान हिंदी साहित्य की बात करें तो 2016 में श्री स्वयं विकास को, 2017 में श्री नरेंद्र जैन को और 2018 में देखें श्री शशांक को। और शिखर सम्मान की उर्दू की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2016 में डॉक्टर मुजफ्फर खान की, 2017 में डॉक्टर राहिद इंदौरी जो आप देखते हैं कि अब डेथ हो चुकी है इनकी, 2018 में प्रोफेसर सादे। शिखर सम्मान संस्कृत की बात करें तो 2016 का डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी, 2017 में प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, 2018 में श्री कृष्णकांत चतुर्वेदी। बाकी आप लोग अपडेट होते रहना। और फिर है आपका राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, ये इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इस किन क्षेत्रों में दिया जाता है, निबंध पत्र लेखन डायरी और आलोचना के क्षेत्र में 1992 से दिया जा रहा है। इसके तहत 2,00,000 रुपये मिलता है इनाम में आप लोगों को। और आप देखेंगे 2018 में रवीश कुमार को दिया गया था, ठीक है, और 2017 में ए यशवंत व्यास को, और 2019-20 का आप लोग अपडेट हो जाना है उससे, करंट में आप लोग पढ़ लीजिए एमपी, अगर मौका मिलेगा तो उसे भी कवर कर देंगे। अखिल भारतीय पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा दिया जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार कविता के लिए, बी सिंह देव पुरस्कार उपन्यास, मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी के क्षेत्र में, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी पुरस्कार गद्य विधा के क्षेत्र में। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कहानी के क्षेत्र में, तो इन सभी को इस तरह से भी याद रखा करिएगा। और सभी 11,000 रुपये की राशि वाले पुरस्कार हैं। प्रादेशिक पुरस्कार की बात करें तो प्रादेशिक स्तर पर साहित्य परिषद द्वारा 7,000 के 16 पुरस्कार दिए जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। किसी कार्यरत संपादक को श्रेष्ठ संपादन हेतु पुरस्कार में 5,000 रुपये प्रशस्ति पत्र, और 2007-08 के लिए भी आलोक मेहता को दिया गया था। राजेंद्र माथुर फेलोशिप भी दी जाती है। शासन ने प्रसिद्ध संपादक राजेंद्र माथुर की स्मृति में 1,00,000 रुपये की फेलोशिप भी स्थापित की है, और यह है लोक हित से जुड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर शोध प्रोत्साहन करने के लिए दी जाती है। तो सबसे पहले आप लोग यही याद रखिए कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार, प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक स्वर्गीय तरुण कुमार भादुड़ी की स्मृति में प्रत्येक शासन द्वारा प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष 35 वर्ष की आयु तक के 2 युवा पत्रकारों को दिया जाता है। और जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पुरस्कार की बात करें तो राज्य के युवा पत्रकारों को श्रेष्ठ आलेखन हेतु दिया जाता है 5,000 रुपये इसमें। रामेश्वर गुरु पुरस्कार, ये राज्य के किसी पत्रिका के स्तरीय प्रकाशन या संपादन हेतु दिया जाता है 5,000 रुपये इसमें भी। 8 अन्य पत्रकारिता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने पत्रकारिता में 8 नए पुरस्कारों की घोषणा 2008 में की थी। प्रथम आप देखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार विख्यात पत्रकार अरुण सूरी को, राहुल बारबोते ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार मनोज सिंह को, बनारसी चतुर्वेदी ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार मुकुंद प्रसाद मिश्र और मणिक चंद को, वाजपेयी को, और वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश कुंदा को, जीवनलाल वर्मा ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार संजय कुमार चौधरी को, शरद जोशी ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार अशोक मनोरिया को, महेंद्र सिंह चौधरी स्मृति फोटो पत्रकारिता पुरस्कार सतीश टेवरे को। इन पर थोड़ी नज़र डाल देना, ठीक है। इंदौर एयरपोर्ट को भी कुछ पुरस्कार दिए गए, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने इंदौर एयरपोर्ट को 3 पुरस्कार दिए हैं। 2,00,000 सालाना पैसेंजर कैटेगरी में एशिया पैसिफिक अवार्ड 2017 भी मिला है। बेस्ट कस्टमर सर्विस यानी कि अच्छी सर्विस देता है इसके लिए भी मिला है। बेस्ट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड भी मिला है। और 20 से 50 लाख प्रतिवर्ष यात्री वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में 3 अवार्ड पाने वाला इंदौर पहला एयरपोर्ट बना है। आप लोग भी जाया करिएगा, घूम आया करिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग,
यहाँ क्षेत्र भी दिए गए हैं और ये आराम से बने गएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र और राशि स्थापना, मुझे लगता है कि राशि मुश्किल है कि पूछा क्वेश्चन, फिर भी आप लोग थोड़ा इस पर नज़र डाल सकते हैं, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से शुरू हुआ है, ये जरूर पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी सम्मान की बात करें तो इसमें देखेंगे गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, 1995 से दिया जा रहा है और इसमें आप देखेंगे 1,00,000 रुपये। लता मंगेशकर पुरस्कार आप देखेंगे सुगम संगीत के क्षेत्र में 50,000 रुपये, 1984 से दिया जा रहा है। कबीर राष्ट्रीय सम्मान ये 30,000 रुपये, भारतीय 3,00,000 लिखा हुआ है और ये 5,00,000 लिखा हुआ है, ये 10,00,000 लिखा हुआ है, देखिए गलती हो जाती है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया करिएगा, कभी कभी क्या कर सकते हैं। भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है कबीर राष्ट्रीय सम्मान, 1987 से दिया जा रहा है। कालिदास सम्मान की बात करें 2,00,000 रुपये। शास्त्रीय संगीत रोमांकन कला और रंगकर्म शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1980 से। तानसेन सम्मान इसमें आप 2,00,000 रुपये, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 1980 से। तुलसी सम्मान 2,00,000 रुपये और लोक एवं पारंपरिक कलाएं 1983 से। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार इसमें 2,00,000 रुपये आधारभूत विज्ञान तकनीकी विकास इंजीनियरिंग विकास के लिए दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2,00,000 रुपये इसके तहत और हिंदी कविताओं के लिए दिया जाता है 1987 से। इकबाल सम्मान इसमें 2,00,000 रुपये उर्दू साहित्य के लिए 1987 और किशोर कुमार सम्मान 2,00,000 रुपये संगीत के क्षेत्र में 1996 से दिया जा रहा है। देवी अहिल्याबाई सम्मान इसमें भी 2,00,000 रुपये और लोक कला आदिवासी कला के लिए दिया जाता है महिलाओं को 1996 से। डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर 2,00,000 रुपये और इसमें आप देख लेंगे प्राचीन संप्रदाय एवं पुरातत्वविद संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2005-06 से दिया जा रहा है। डॉक्टर इंदिरा गांधी पुरस्कार ठीक है, ये इसमें समाज में विशिष्ट योगदान के लिए और 2,00,000 रुपये की करीब मिलता है 1985 से। महावीर अहिंसा पुरस्कार अहिंसा शाकाहार के सिद्धांत पर उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है, 2,00,000 रुपये इसमें भी मिलता है। और संत रविदास स्मृति पुरस्कार ये आप देखेंगे सामाजिक चेतना जागृत एवं दलित वर्गों के उद्धार क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है 2004 से। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार 2,00,000 रुपये आदिवासियों के विकास के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं को दिया जाता है, प्रदान किया जाता है 2008 से। शंकर साय राष्ट्रीय पुरस्कार 2,00,000 रुपये 2008 से। रघुनाथ सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी आप 2008 से 2,00,000 रुपये। ठक्कर बाबा बापा राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी 2008 से वितरित होना शुरू हुआ। महर्षि वेदव्यास सम्मान इसमें भी 2,00,000 रुपये शिक्षा के क्षेत्र में समग्र रचनात्मक योगदान के लिए दिया जाता है 2008-09 से दिया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन सम्मान 2,00,000 रुपये की क्रम मिलता है इसमें सामाजिक सद्भावना एवं समरसता हेतु 2008-09 से। चंद्रशेखर आजाद सम्मान ये समाज सेवा एवं देशभक्ति के लिए दिया जाता है 2006-07 से शुरू हुआ। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान हिंदी व्यंग्य लेखन के लिए 1992 में से शुरू हुआ। कुमार गंधर्व सम्मान युवा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 1992 में शुरू हुआ। इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार ये समाज के विशेष क्षेत्र में समर्पित सेवा हेतु दिया जाता है 1985 से। शिखर सम्मान इसमें साहित्य प्रदर्शनी कलाओं और रूपांकर कलाओं के लिए दिया जाता है 1980 से दिया जा रहा है। भावभूति अलंकार बागेश्वरी पुरस्कार भी मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार व्यंग्य ललित निबंध स्मरण रेखाचित्र यात्रा आत्मकथा डायरी पत्र रिपोर्ताज के लिए दिया जाता है और डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान भी दिया जाता है यहाँ ठीक है। संस्कृति विभाग 3 अकादमी आए हैं, एक तो उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी मिहर सतना में, तुलसी शोध संस्थान नया गाँव चित्रकूट में, आदिवर्त जनजातीय लोक कला संग्रहालय खरगोन में, माफ करिए खजुराहो में, खरगोन में नहीं खजुराहो में ठीक है। अखिल भारतीय पुरस्कार भी हैं। देखिए राशि की मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें बदलती रहती है, बढ़ती रहती है ठीक है, तो आप लोग इसमें मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। और अखिल भारतीय पुरस्कारों की बात करें तो इस क्षेत्र हो गया पुरस्कार, तो भवानी प्रसाद मिस पुरस्कार कविता के क्षेत्र में, वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में, गजानंद माधव मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी के क्षेत्र में, सेठ गोविंददास पुरस्कार नाटक एवं एकांकी के क्षेत्र में, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में, पद्मलाल बख्शी पुरस्कार व्यंग्य ललित निबंध स्मरण रेखाचित्र यात्रा आत्मकथा पत्र डायरी रिपोर्ताज के क्षेत्र में। प्रादेशिक पुरस्कार की बात करें तो इसमें आप देखेंगे अनिल
ये क्षेत्र हो गए, ये रुपये हो गए। अनिल कुमार पुरस्कार विदेश की लघु पत्रिका के क्षेत्र में, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार गीत प्रबंध के क्षेत्र में, सुमद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार कहानी के क्षेत्र में, विश्वनाथ सिंह पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कविता के क्षेत्र में, नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में, हरिकृष्ण प्रेमी पुरस्कार नाटक एवं एकांकी के क्षेत्र में, मुकुटधर पांडे पुरस्कार सृजनात्मक चिंतन एवं ललित निबंध के, माधव राव सप्रे पुरस्कार प्रदेश की विभूति स्थान इतिहास व गद्य पर गद्य एवं पद्य में लिखित कृति के लिए, रामविलास शर्मा पुरस्कार लेखन की प्रथम कृति के लिए, दुष्यंत कुमार पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के लेखक एवं लेखिका को प्रथम कृति व्यंग्य के लिए, शरद जोशी पुरस्कार व्यंग्य के क्षेत्र में, राजेंद्र माथुर पुरस्कार रेखाचित्र संस्मरण यात्रा आत्मकथा पत्र रिपोर्टिंग के क्षेत्र में, इसरो पुरस्कार लोक भाषा कृति के लिए, रवि शंकर शुक्ल पुरस्कार बाल साहित्य के लिए 12 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, तांबे पुरस्कार मराठी साहित्य के लिए दिया जाता है। और ये मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं, जिसे आप देखेंगे, ये पुरस्कार का नाम हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, और ये आप देखेंगे रचना। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2016 में ये सुरेश मिश्र को, लौट आती है इधर को भी नज़र, राजेंद्र अनुरागी पुरस्कार 2016 विजय मनोहर ज्योत तिवारी भारत की खोज में मेरे 5 साल, श्री कृष्ण सरल पुरस्कार 2015 में डॉक्टर बीडा सिंह का तो कभी टूटता नहीं सौवी ओर, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार 2015 में मलय जैन ढाक के तीन पात, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2015 में डॉक्टर साधना बलवटी आर पार शरद जोशी का व्यंग संग्रह। और याद रखिए, इनके लिए करंट से आप लोग जुड़े रहिए, देखिए पुराने मुश्किलें पूछे, पहले वाले पूछ लेगी पहली बार किसे दिया गया था। ये विक्रम पुरस्कार देखते हैं, संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, 2013 में दिया गया महर्षि राष्ट्रीय पुरस्कार, इन्हें आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसे आपका क्वेश्चन सब पूछा जाए, क्योंकि ये पुराने आंकड़े हो चुके हैं, नए आंकड़ों से क्वेश्चन आपका आएगा। 5 हिंदी सम्मान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित, इसमें आप देखेंगे सम्मान हो गया, विद्या हो गया, राशि प्राप्तकर्ता, तो ये मुझे लगता है कि 2016 के, इसलिए ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन याद रखिए किन क्षेत्र में। तो सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, हिंदी सॉफ्टवेयर सर्च इंजन वेब डिजाइनिंग डिजिटल भाषा प्रयोगकर्ता प्रोग्रामिंग सोशल मीडिया डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग आदि क्षेत्र उत्कृष्ट योगदान के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को। निर्मल बाबा सम्मान, भारतीय आप्रवासी होकर विदेशी में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए। तेजेंद्र शर्मा फादर का कामिल बुल्के सम्मान, विदेशी मूल के लोगों को जिन्होंने हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। हेमराज सुंदर गुणाकर मूल्य सम्मान, हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीक लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के उत्कृष्ट योगदान के लिए। हरिमोहन हिंदी सेवा सम्मान, हिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को जिन्होंने अपने लेखन एवं तथा सृजन में से हिंदी का समृद्ध किया है। ओकेल लेगो को, ठीक है, ये आपके जनजातीय सम्मान है, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। जननायक टांड्या भील पुरस्कार 1,00,000 रुपये यदि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ आदिवासी खिलाड़ी को दिया जाता है। और 2007-08 में राजा राम मोर आदिवासी के लिए बागली देवास को दिया गया था। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान 2008 महिला रत्नात्मक उनके प्रशासकीय नेतृत्व को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। और भूरीबाई, ये भी आप देख सकते हैं पुराने आंकड़े हैं, करेंट से आप लोग जरूर पढ़ लेना एक बार को, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं। आदिवासियों के क्षेत्र में शंकर एवं रघुराज साय पुरस्कार भी दिया जाता है, और ठक्कर वापा पुरस्कार भी दिया जाता है। शरद जोशी पुरस्कार 1992-93 से दिया जा रहा है। डॉक्टर विष्णु वाकरकस पुरस्कार, चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार, वीरंगना पुरस्कार, ये भी आप लोग याद रखिए, खैर याद रख लेना जो जो रखना हो, ना रखना हो तो ना रखना। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप को भी आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित 5 शिक्षावृत्तियों में 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह वृत्त राशि प्रदान की जाती है, जबकि पर्यावरण नियोजन एवं संगठन द्वारा प्रतिवर्ष युवा विज्ञानकों को इंदिरा गांधी फेलोशिप दी जाती है, जिसमें 2 वर्ष के लिए 4,500 रुपये प्रतिमाह और
₹30,000 आकस्मिक मानदेय दिया जाता है। ये शिक्षावृत्तियाँ इस प्रकार हैं, राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, मुक्तिबोध शिक्षावृत्ति ये साहित्य के क्षेत्र में, अमृता सेरगिल शिक्षावृत्ति चित्र और मूर्तिकला के क्षेत्र में, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत शिक्षावृत्ति संस्कृत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चक्रधर शिक्षावृत्ति शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, इंदिरा गांधी फेलोशिप पर्यावरणीय शोध हेतु, और मन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश एवं विंध्य क्षेत्र में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण में प्रदर्शित शूरवीरता तथा निजी भूमि के वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने हेतु शासकीय कर्मचारी अशासकीय व्यक्तियों संस्थाओं समितियों को पुरस्कृत करने के लिए दो श्रेणियों में बसावन मामा स्मृति पुरस्कार 2009 से स्थापित है। राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित है और संस्कृति एवं संगीत एवं संस्कृति के संरक्षण में योगदान के लिए 1,00,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। देखिए एक स्मार्ट गिरी होती है, क्या होती है कि समझ लीजिए कि आप समझिए, एक तो स्थायी आंकड़े होते हैं। मान लीजिए देखिए, स्थायी आंकड़े कहने का मतलब है कि जैसे पुरस्कारों के बारे में किस क्षेत्र में मिलता है, पहली बार किसे मिला है और कब से पहले मतलब ये शुरू हुआ था, समझ रहे हैं आप लोग। तो इन्हें ये है आपके स्थायी आंकड़े, ये कभी बदलने वाले नहीं है, तो इन्हें आप लोग एक तरह से याद रख लेना। और जो बदलते रहते हैं अस्थायी आंकड़े रहते हैं कि इस बार किसे मिला हुआ है, आगे किसे मिला हुआ है, किस साल किसे मिला हुआ है, तो ये आप लोग करेंट से अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखा करिएगा। तो इस तरह आप लोग देखेंगे, हम लोगों ने इस क्लास में आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएँ एवं स्थापत्य कला देख ली, मध्य प्रदेश की प्रमुख जातियों के जनजातियों की बोलियां भी देख ली, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार लोक संगीत लोक कलाएँ लोक साहित्य को भी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों की उनकी कृतियाँ भी आप लोगों ने देखी है। आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल देख लेंगे, ठीक है, इसे कवर कर लेंगे, और आगे हम लोग प्रमुख जनजातियाँ भी देख लेंगे क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और याद रखिए, जो भी गलती होती है तो उसे आप लोग सुधार के लिखते रहना, ठीक है, क्या है कि और नीचे लिख दिया करेगा, क्योंकि एक दूसरे की मदद करके ही हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।